हेलो बच्चो, बच्चो आप सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बेटा विजिबिलिटी ऑडिबिलिटी अगर प्रॉपर है तो ओके लिखो विजिबिलिटी ऑडिबिलिटी अगर प्रॉपर है तो हेलो बेटा गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू विजिबिलिटी ऑडिबिलिटी अगर प्रॉपर है तो ओके okay लिखो ओके 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 ऑल ओके सर ठीक है बेटा स्टार्ट करते हैं ठीक है तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है बायोटेक्नोलॉजी तो बायोटेक्नोलॉजी को भी वही सेम टू चैप्टर है फर्स्ट एंड सेकंड तो फर्स्ट को सिंगल शॉट में एंड सेकंड को अगेन सिंगल शॉट में ठीक है फिनिश करने वाले हैं तो ध्यान रखना है say, year, से लास्ट ईयर नाइन क्वेश्चन थे ठीक है फर्स्ट चैप्टर से फाइव क्वेश्चन और सेकेंड चैप्टर से यानी एप्लीकेशन से फोर क्वेश्चन वो सारे क्वेश्चन भी आज हम लेकर के मतलब पी वाई क्यू में कवर करने वाले हैं हाँ इतना प्रॉमिस कर सकता हूँ बेटा आज कि बायोटेक्नोलॉजी आप बहुत कुछ मतलब सीख जाओगे कॉन्फिडेंस लेवल आपका डेवलप हो जाएगा ठीक है टाइम पर फोकस मत करना फिर भी मैं कोशिश करूंगा क्योंकि आज मैक्सिमम ठीक है फ्लो डायग्राम डायग्राम सारे मैक्सिमम तो जो हो सकते हैं ठीक है लिखने वाला पार्ट है कंप्लीट कर लिया है इससे आप टाइम कम से कम यूज हो मिनिमम टाइम में जितना बेहतरीन से बेहतरीन हो सकता है हम कराने वाले हैं और कॉन्फिडेंस लेवल आपका आज डेवलप हो जाएगा कि हां बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं हो सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा पक्की बात है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं सुपर तरीके से ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके, थीके, 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 ओके थीके, थीके, थीके तो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू एनसीआर चलेंगे पर कंसेप्ट छोड़ेंगे नहीं जितनी बेहतर बेहतर से कंसेप्ट एड कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग चलेंगे ठीक है तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक कि भाई ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी क्या थी लेटेस्ट आज की डेट में मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी क्या है और अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ठीक है इसकी डेफिनेशन क्या है ठीक है तो तीनों को मैं ठीक है बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता हूं ठीक है फिर हम धीरे धीरे तो स्टार्टिंग में कुछ थोरिटिकल पार्ट है देन हम स्टार्ट करते हैं इसके मेन पार्ट पर जहां टूल से टूल्स स्टार्ट होते हैं यानी कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं क्या इसकी प्रोसेस है किस तरीके से डीएनए को आइसोलेट करते हैं ठीक है किस तरीके से हम रिकॉम्बिनेंट बनाते हैं देन आगे ट्रांसफॉर्मेंट और किस तरीके से हम ठीक है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को ठीक है डेवलप करते हैं तो पूरा मैकेनिज्म लेके चलेंगे स्टेप बाई स्टेप तो बिल्कुल समझते चलना इंजॉय करना तो सबसे पहले बात करते हैं ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी का मतलब पहले हम क्या समझते थे बायोटेक्नोलॉजी के केस में तो उस टाइम पर ठीक है जब इनिशियल कंडीशन थी तो हम डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनाते थे ठीक है यानी डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स का इन्वॉल्वमेंट जैसे कर्ड का फॉर्मेशन विनेगर का फॉर्मेशन डिफरेंट टाइप के फॉर्मेंटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ठीक है तो यही ओल्ड बायो टेक्नोलॉजी थी जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को यूज करके डिफरेंट प्रोडक्ट को ठीक है ऑप्टेन करते थे दिस इज अ ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी ठीक है बाद में जाकर के मॉडिफिकेशन हुआ मॉडिफिकेशन क्या हुआ जब हम जीन में मैन्युपुलेशन सीख गए मैन्युपुलेशन समझ रहे हो यानी जीन में कट करना या रिमूव करना या एड करना यानी एडिटिंग करना सीख गए ठीक है तब जाकर के लेटेस्ट आज की डेट में जो बायोटेक्नोलॉजी है वो क्या है भाई टेस्ट बेबी ठीक है आपको आप जब हमने आपको डिस्कस किया था ठीक है आईवीएफ इन वीवो फर्टिला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ठीक है तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन केस में हमने आपको पूरा आर्ट समझाया था असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो लेटेस्ट बायोटेक्नोलॉजी में इंक्लूडेड है ठीक है भाई आप आप एम्ब्रियो एम्ब्रियो को को इनिशियल टेस्ट में डेवलप कर रहे हो देन ठीक है उसको ट्रांसफर कर रहे हो देन आप उसको ट्रांसफर कर, कर रहे हो किसके अंदर ठीक है फीमेल यूटर्स के अंदर तो टोटल इंक्लूडेड इन बायोटेक्नोलॉजी आज की डेट में डिफरेंट टाइप के आप प्रोडक्ट जो यूज कर रहे हो मार्केट में भाई कर्ड की भी डिफरेंट वेराइटीज होती है ठीक है तो वी और विस्की वाइन एल्कोहलिक सबस्टेंस की डिफरेंट वराइटीज़ है तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं इसके अलावा आप शायद सुन के ठीक है आप थोड़ा सा दंग रह जाओ कि बहुत कुछ हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाइड करके कर रहे हैं यानी यहाँ हमने क्या किया भाई पहले नॉर्मल जो कल्चर होते थे कल्चर का मतलब इसमें हम माइक्रोव को कल्टिवेट कर रहे हैं आज की डेट में हमने माइक्रोब्स को ही जेनेटिकली मॉडिफाइड किया है इन डिफरेंट प्रोडक्ट को ऑप्टेन करने के अंदर ठीक है इसके अलावा आज की डेट में हम जीन थेरेपी करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में इंक्लूडेड है ठीक है आज की डेट के अंदर हम ठीक है मतलब कह सकते हो डिफरेंट टाइप के जीनोम का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं ठीक है थीके? वो भी बायोटेक्नोलॉजी में इंक्लूडेड है ठीक है तो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ठीक है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट को ऑप्टेन करने में यूटिलाइजेशन जैसे एनसीआरटी बोलती है ठीक है जैसे ऑर्गेनिज्म ऑफ ये ऑर्गेनिज्म या उन ऑर्गेनिज्म के एंजाइम्स को यूटिलाइज करना ठीक है ये थी ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी और टुडे बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ठीक है टेस्टू में भी फॉर्मेशन इसी में इंक्लूडेड है सिंथेसाइजिंग जीन भाई आज किट में हम डिफरेंट जीन सिंथेसाइज कर चुके हैं ठीक कर लेते हैं काफी जीन को जितने भी प्राइमर हैं इट इज अ डीएनए सेगमेंट इनको हम ऑलरेडी सिंथेसाइज करते हैं इनको सिंथेसाइज करना देन इनका यूटिलाइजेशन करना ठीक है इसी में इंक्लूडेड है डेवलपमेंट ऑफ डीएनए वैक्सीन जो हमने वैक्सीन की बात की थी ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के अंदर कि हम भाई डीएनए के वो सेगमेंट डेवलप कर रहे हैं जो डायरेक्टली हम मसल्स में इंजेक्ट करेंगे जो हमारे जीनोम से इंटरेक्ट करके प्रोटीन का फॉर्मेशन कर देंगे ठीक है

लेटेस्ट बायोटेक्नोजी in है अब यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेनोलॉजी ठीक है अब इसकी अगर बात की जाए तो इसने क्या काम किया आंखें बंद की सबको उठा करके इंटीग्रेट कर दिया नेचुरल साइंस को उठा करके एनिमल साइंस से, सेल से सबको आपस में इंटीग्रेट कर दिया जिसके लिए ह्यूमन वेलफेयर के लिए यानी वो प्रोडक्ट जो ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल है उनको ऑप्टेन करने के लिए यह थी यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के हिसाब से डेफिनेशन समझाता हूं जैसे इन्होंने क्या किया नेचुरल साइंस को लिया ठीक है नेचुरल जैसे बहुत प्यारा एग्जाम्पल देता हूं आपको उसके बाद समझाता हूं उसको जो पहले डिफरेंट दि, दि, टाइप के एंटीकोगुलेंट हम यूज करते हैं अपनी ठीक है जो कह सकते हो कि मेडिकल ट्रीटमेंट वाली लाइन के अंदर तो उन एंटी एंटीकोगुलेंट को ऑप्टेन करने के लिए जैसे हिरोडीन आपको पता होगा हिरोडिन ठीक है हिरोडिन से एरिया ग्रुप है जिसमें हिरोडिन ठीक है आप कह सकते हो एक एंटीको एगुलेट होता है उसको ऑप्टेन करते हैं तो पहले इस एनिमल से इसको आइसोलेट करते थे बट आज आस्किड में क्या करते हैं हमने समझना को प्रोड्यूस करने वाले जीन को आइडेंटिफाई किया उस जीन को निकाल करके एनिमल जीन की बात कर रहा हूं ठीक है एक प्लांट लिया ठीक है एक तरीके से ब्रैसिका नेपस कह सकते हो ठीक है एक सरसों होता है उसकी एक वैरायटी है उसमें उस जीन को क्या करा दिया इंट्रोड्यूस कर दिया अब वो जीन जो हिरोडीन बनाता था एनिमल के अंदर अब वो जीन हिरोडीन बनाएगा प्लांट के अंदर ठीक है उसके सीड को आइसोलेट किया ठीक है प्रोसेस किया प्रोसेस करके डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के थ्रू ठीक है प्यूरिफिकेशन करके उसका आइसोलेशन कर लिया यानी अब जो एनिमल प्रोडक्ट आप एनिमल से लेते थे अब वो एनिमल प्रोडक्ट कहाँ लेने वाले हो आप प्लांट से लेने वाले हो यानी आपने क्या कर दिया इंटीग्रेशन कर दिया किसका इंटीग्रेशन कर दिया नेचुरल साइंस का इंटीग्रेशन डिफरेंट टाइप की साइंस सेल्स इंटीग्रेट कर दिया एनिमल्स की सेल्स इंटीग्रेट कर दिया यानी सबका आपस में इंटीग्रेशन यही तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एक बात और सुन करके आपको शायद अच्छा लगे ठीक है जैसे आपको पता है कुछ सिल्क फाइबर ऐसे होते हैं जो बहुत स्ट्रांग होते हैं ठीक है जैसे स्पाइडर वेब ठीक है इसका जो फाइबर है ना बहुत थिन होता है और बहुत स्ट्रांग होता है ठीक है तो साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया क्यों ना इस फाइबर को एक बड़ी क्वांटिटी में ठीक है प्रिपेयर किया जाए ठीक है तो उन्होंने क्या किया स्पाइडर से उस जीन को निकाला जो इस फाइबर को प्रोड्यूस करता था आइडेंटिफाई करने के बाद फिर उस जीन को इन्होंने एक गॉट ठीक है जो कह सकते हो लैक्टेटिंग यानी कह सकते हो जो मिल्क प्रोड्यूसिंग गॉट थी उसके अडर में इंट्रोड्यूस कर दिया ठीक है अब वो गॉट मिल्क तो दे रही है ठीक है समझना अब उसके मिल्क में वो सिल्क फाइबर भी है उसकी बॉडी पर भी वो सिल्क फाइबर है आप समझना उस मिल्क से उन सिल्क फाइबर को आइसोलेट किया और उसको स्ट्रेंथ वही स्ट्रेंथ बहुत होती है देन उन उन सिल्क फाइबर को आइसोलेट करके ठीक है प्रोसेस करके और आज की डेट में डिफरेंट टाइप के ऐसे थ्रेड प्रोड्यूस किए हैं जो ब्लड प्रूफ जैकेट जो कह सकते हो सोल्जर्स यूज करते हैं उनको मतलब आप समझ रहे मेरी बात कहां इंटीग्रेशन हो रहा है खतरनाक इंटीग्रेशन हो रहा है किसी को किसी में भी इंटीग्रेट कर दिया जा रहा है तो यही है मॉडर्न ठीक है अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आप समझ गए ना मेरी बात तो तीनों बात ध्यान रखनी है भाई ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी क्या बोलती है लेटेस्ट बायोटेक्नोलॉजी क्या बोल रही है ठीक है और अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लेटेस्ट ये ध्यान रखना है आपको ठीक है तो इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एक पूरा समझ समझो एक सम, मेन ब्रांच है जो मेन बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांच है ये हर चीज स्टैंडर्डाइज करती है तो अकॉर्डिंग टू दिस आप देखना क्या बोलेंगे इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन समझते हो ना सबका इंटीग्रेट कर जाना ठीक है ऑफ नेचुरल साइंस किसके साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म के साथ सेल के साथ और उनके पार्ट्स ठीक है पार्ट्स ऑफ एंड मॉलिक्यूलर ठीक है या डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूलर एनालोग जो भी मॉलिक्यूल आइसोलेट करते हैं उनके संग क्या हैं इंटीग्रेशन किसके लिए फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस ह्यूमन बेनिफिट के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए ठीक है और सर्विसेज के लिए तो यही है इंटीग्रेशन मैंने दो तीन एग्जांपल दिए समझ में आए होंगे ठीक है तो एक्चुअल में बायोटेक्नोलॉजी है क्या एक बेसिक समझ में आया होगा ठीक है और वैसे कुछ भी नहीं है ठीक है जीन को लेना है ठीक है एक वेक्टर के ऊपर बैठाना है क्योंकि जीन को डायरेक्ट होस्ट में आप एंटर नहीं करा सकते तो जीन को एंटर कराने के लिए एक व्हीकल पर बैठाना होगा जिसको मॉलिक्यूलर व्हीकल यानी वेक्टर बोलते हैं वेक्टर आपके जीन को होस्ट में लेकर के जाएगा और होस्ट में वो जीन या तो आपके जीनोम के संग जो भी होस्ट सेल है उसके जीनोम के संग इंटीग्रेट करेगा ठीक है उसके जीनोम के साथ इंटीग्रेट करेगा या और क्या हो सकता है ठीक है वो सेल्फ रेप्लीकेट करने में भी कैपेबल हो सकता है यही खास बात है किसकी वैक्टर की यानी का मतलब है वो व्हीकल जिस जीन को आपको इंट्रोड्यूस कराना है उसको बिठाएगा और होस्ट में लेकर के उसको क्या कराएगा मेंटेन भी करेगा और नेक्स्ट प्रोजेनी में ट्रांसफर भी करेगा यही क्वालिटी है वेक्टर की आप समझ पाएंगे ठीक है तो रिस्पांस देते जाना रिस्पॉन्स देते जाना आज बहुत मजा आने वाला है मैं पक्की बात कर रहा हूं बायोटेक्नोलॉजी एक बार पढ़ाऊंगा ठीक है पर आप ऐसी पढ़ाऊंगा कि दोबारा नहीं पढ़ोगे आप पक्की बात है दोबारा नहीं पढ़ोगे सारे कंसेप्ट यहीं याद मतलब याद भी हो जाएंगे और आपके ब्रेन में सेट भी हो जाएंगे पक्की बात है ठीक है तो थोड़ा सा टाइम हो सकता है लग जाए ठीक है पर बहुत ज्यादा नहीं लगेगा चैप्टर के अंदर कंपरेटिव कम ही लगेगा पर हर चीज ब्रेन में सेट होगी ठीक है तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा ठीक है रिस्पॉन्स देते रहना रिस्पॉन्स से थोड़ा सा आइडिया लगता रहेगा कि हाँ हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपर है हम लाइव ले रहे हैं ठीक है थीके? लाइव की फीलिंग तभी आती है जब आपका इंटरेक्शन रहता है ठीक है तो थोड़े से थम कुछ ना कुछ आप दिखाते रहोगे तो हाँ लग रहा है कि हाँ चल रहा है लाइव चल रहा है ठीक है थोड़ा सा इंट्रेक्शन बस इतना इंट्रेक्शन चाहिए मुझे ठीक है ओके तो बस अब इतना क्लियर हो गया कि ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी टुडे बायोटेक्नोलॉजी और अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस सेल्स समझ रहे मेरी बात या डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म इनका इंटीग्रेशन ठीक है या मॉलिक्यूलर एनालोग यानी मिलते जुलते मॉलिक्यूल के साथ क्या इंटीग्रेशन किसके लिए फॉर ऑपटेन ठीक है डिफरेंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए रिक्वायर्ड हैं इन सबके लिए इनका इंटीग्रेशन किया जा रहा है मैंने बताया इंटीग्रेशन बेनिफिश बेनिफिशियल के लिए क्योंकि इसका इंटीग्रेशन गलत तरीके से भी हो सकता है क्योंकि ये तभी तो हमने बायोथिकल बताएंगे आपको लास्ट में क्योंकि अगर हमने यहां गड़बड़ भी कर दी ह्यूमन जीनोम के साथ गड़बड़ कर दी या बायोडायवर्सिटी के समझ रहे हो नेचुरल जो डाइवर्सिटी है उसके संग गड़बड़ कर दी तो पूरी बायोडायवर्सिटी बिगड़ जाएगी ठीक है मतलब जीनोम ही आप समझ रहे हो चेंज हो जाएंगे तो इसलिए तभी तो बायोथिकल कमेटी बनाई गई ठीक है जो डिसाइड करती है क्या वर्क ठीक है एथिकल है या क्या एथिकल नहीं है क्या परमिशन देना है किसको परमिशन नहीं देना क्योंकि ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है जो समझ रहे हो भाई जीन ट्रांसफर से क्या होगा उस ऑर्गेनिज्म के फिनोटिपिकल करेक्टर में ही चेंजेस आ जाएंगे आप समझ गए ना मेरी बात भाई प्लांट एनिमल प्रोडक्ट को और बनाना चालू कर दे आप अभी बताया मैंने एग्जाम्पल ब्रेस ठीक है तो सेम यही बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं ठीक है जो कि कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं जो मैं एप्लीकेशन में डिटेल में लेकर के चलूंगा ठीक है अब आगे बात करते हैं इस टेक्नोलॉजी का मेन भाई प्रिंसिपल किस पर बेस्ड है दो चीजें हैं, ठीक है एक तो जेनेटिकल इंजीनियरिंग जेनेटिकल इंजीनियरिंग का मतलब समझ रहे हो यानी मेनुपुलेशन इन जीन यानी कटिंग ऑफ जीन या कह सकते हो उसमें एडिटिंग करना एड करना डिलीट करना तो मैन्युपुलेशन इन जीन ठीक है ये इसका जेनेटिकल इंजीनियरिंग का मेन पार्ट है जिसमें हम जीन को करके ठीक है जो भी होस्ट होता है ठीक है उसके फीनोटिपिकल करेक्टर में चेंज कर सकते हैं यही तो है जेनेटिकल इंजीनियरिंग ठीक है किसी भी जीन को आप ठीक है इंट्रोड्यूस करके जीन के अंदर मेन्युपुलेट करके उसके फिनोटिपिक करेक्टर को चेंज कर पाओ ठीक है आप जैसा चाहो वो हो पाए ठीक है तो इसी को बोलते हैं क्या समझ गए यानी अपनी इच्छा से आप जीन को मॉडिफाई कर सकते हो ठीक है पर ह्यूमन पर ये एप्लीकेबल नहीं है इंसान चाहे तो ह्यूमन पर भी कर सकता है आप समझ रहे हो बायोलॉजिकल कमेटी नहीं होती तो हम अपने इच्छा से भाई हमें भाई हमारा बेबी कैसा होना चाहिए टॉल होना चाहिए फेयर होना चाहिए ऐसा होना चाहिए तो हर टाइप के जीन को ठीक है हम आइडेंटिफाई करके ठीक है उसको मैन्युपुलेट करके अपने फ्यूचर जनरेशन को क्या कर सकते थे मॉडिफाई कर सकते थे तो पर ह्यूमन जीनोम के साथ छेड़छाड़ नहीं बायोथिकल करती है ठीक है तो इसीलिए ध्यान रखना जेनेटिकल इंजीनियरिंग इस पर पर बेस्ड है जहां डीएनए आरएनए यानी जीनोम के संग आप मेन्युपुलेशन कर सकते हो जिससे होस्ट के फीनियोटिक करेक्टर को चेंज कर सकते हो ठीक है मोस्टली बायोटेक्नोलॉजी किस पर एप्लीकेबल होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म ठीक है वहां उस लेवल पर आप मैन्युपुलेशन कर रहे हो ठीक है उस लेवल पर आप डिफरेंट प्रोडक्ट को क्या करोगे ऑप्टेन करोगे इतने छोटे लेवल पर तो जब वो नेकेडाइट से आप देख ही नहीं सकते हो तो उस काम को करने के लिए बहुत जरूरी है उस एटमोस्फियर का कंप्लीटली क्या करना भाई स्टेराइल रखना ठीक है यानी कंटामिनेशन फ्री रखना अभी तो बहुत तभी तो इसके अंदर इंक्लूड किया गया बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग या कह सकते हो तो केमिकल इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग का मेन पर्पस होता है कि उस एटमोस्फियर को कंटामिनेशन फ्री रखना ठीक है जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर आप क्योंकि आप जानते हो एयर के अंदर भरे पड़े माइक्रो ऑर्गेनिज्म ठीक है आपकी बॉडी के फ्लोरा मतलब ढेर सारा फ्लोरा आपकी बॉडी के ऊपर है ठीक है मतलब ऑलरेडी ये माइक्रो फ्लोरा आपकी बॉडी पर आपके इन्वायरमेंट में आपके समझ रहे हो ना आपकी एयर के अंदर इन एंड आउट तो कंटामिनेशन का तो प्रोबेबिलिटी है और जहां कंटामिनेशन हुआ तो बायोटेक्नोलॉजी वाला प्रोडक्ट खत्म बेकार हो जाएगा वो तो आपका तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उस एटमोस्फियर को जहां पर ये वर्क होता है या जिस जहां पर टेस्ट जो भी है है ठीक उसको क्या करना कंटामिनेशन फ्री रखना ठीक है यानी कंटामिनेशन ना हो ठीक है इसके लिए केमिकल इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जिसमें वो सारी टेक्निक्स आती हैं जो इस एटमोस्फियर को क्या करते हैं स्लाइस करके रखते हैं जैसे अगर बड़े रूम के अंदर कहीं ऐसा वर्क करना हो तो वहां पर यूवी रेडिएशन अप्लाई की जाती है वर्क करने से पहले ठीक है बॉडी को प्रॉपर कवर किया जाता है हाथों को प्रॉपर तरीके से एल्कोअल से ठीक है स्टलाइज किया जाता है ठीक है अब समझ है मेरी बात इसके अलावा अगर किसी इंस्ट्रूमेंट से यूज करना है तो उसको ऑटोक्लेव किया जाता है इसके अलावा फ्लेम भी यूज की जाती है ठीक है डिफरेंट टाइप के स्प्रे करने वाले सबस्टेंस होते हैं उनको भी यूज किया जाता है उस एटमोस्फियर को कंटामिनेशन फ्री रखने के लिए यही तो है ठीक है केमिकल इंजीनियरिंग तो इसकी पूरी ब्रांच है इसके अंदर आप समझ रहे हो तो बायोटेक्नोलॉजी यानी जेनेटिकल इंजीनियरिंग तभी पॉसिबल है जब केमिकल इंजीनियरिंग प्रॉपर तरीके से वर्क करेगी यानी प्रॉपर तरीके से कंटामिनेशन फ्री एटमोस्फियर आप मेंटेन कर पाओ तो बस वही कहना चाह रहा हूं जेनेटिकल इंजीनियरिंग क्या है टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल भाई डीएनए आरएनए की केमिस्ट्री चेंज कर दी यही तो है कि अगर इंट्रोड्यूस इंटू होस्ट ऑर्गेनिज्म जब केमिस्ट्री चेंज कर दोगे host में में करोगे तो उसके phenotypic character में changes आ जा जाएगा ठीक है है और भाई बायो प्रोसेस it is also called chemical ये क्या है? Maintain of sterile या microbe contamination free atmosphere, समझ रहे हो उस माइक्रोब कंटामिनेशन फ्री एटमोस्फियर रखना बहुत जरूरी है उस पार्ट को जहां पर ये वर्क है एप्लीकेबल है चलो ठीक है इसी को केमिकल इंजीनियरिंग करते हैं इसमें क्या होता है भाई इसमें enable growth of only डिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस एटमोस्फियर में सिर्फ डिजायर्ड जो आप चाहते हो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो ठीक है इनेबल हो बट जो अनडिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कंटामिनेशन करने के लिए हर समय एटमोस्फियर में प्रेजेंट होते हैं उनकी ग्रोथ वहां पर क्या हो जाए सप्रेस हो जाए तो उस एटमोस्फियर को मेंटेन करना यही है केमिकल इंजीनियरिंग तो बेसिक समझ में आया होगा अभी हमने सिर्फ दो बातें की है कि अकॉर्डिंग टू ठीक है भाई ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी क्या थी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी टुडे बायोटेक्नोलॉजी क्या है और अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ठीक है इसकी डेफिनेशन क्या है इट इज अ इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड डिफरेंट सेल्स ऑर्गेनिज्म ठीक है या डिफरेंट टाइप के कह सकते हो एनालोग मॉलिक्यूल्स इन सब का इंटीग्रेशन या सेल के पार्ट का नेचुरल साइंस के संग इंटीग्रेशन ठीक है किसके लिए फॉर ऑप्टेन डिजाइड प्रोडक्ट या सर्विसेज इन सब के लिए जो इंटीग्रेशन है यही है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ क्वेश्चन बनने की रहती है। और, है, में भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अब आगे बढ़ते हैं यह एनसीईआरटी की कुछ लाइंस है ठीक है जो कही कहीं ना कहीं कोरिलेट करने की कोशिश की गई है इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है इसलिए मैं की लाइन को समझा देता हूं सबसे पहले एनसीईआरटी बोलना चाह रही है भाई क्या एडवांटेज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन कंपेर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है उसमें भाई जेनेटिक मटेरियल प्रिजर्व रहता है प्रिजर्व का मतलब अभी सेम जेनेटिक मटेरियल नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा सेम जेनेटिक मटेरियल विदाउट एनी वेरिएशन सेम वही चेंज होगा बट सेक्चुअल में क्या है सेक्चुअल में वेरिएशन आते हैं ठीक है सेक्चुअल का मतलब है का फ्यूज होना, होना रिस्पॉन्बल और, और ध्यान रखना नेचर के अंदर जितनी ज्यादा डायवर्सिटी होगी जितने वेरिएशन होंगे ठीक है नेचर में जो भी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी ये हार्डी विनवर बोलते हैं ठीक है थीके? तो डायवर्सिटी वेरिएशन बहुत जरूरी है और जहां वेरिएशन नहीं होंगे वहां पर उस पॉपुलेशन के डिस्कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी तभी तो इनिशियल ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनिजम रिप्रोडक्शन था आगे जाकर के सेक्चुअल डोमिनेंट हो गया जिसकी वजह से वेरिएशन आए ठीक है तो एक समझ में आया क्या डिफरेंस है एसेक्चुअल और सेक्चुअल में तो वही दे रखा है के लाइन में ठीक है द यू प्रोबेबली ठीक है एप्रिसिएट द एडवांटेज ऑफ सेक्चुअल डिपोडक्शन ओवर एसेक्चुअल सेक्चुअल की अगर मैं बात करता हूं तो क्या होता है जेनेटिक मटेरियल को ठीक है इंफॉर्मेशन को क्या करता है? उसमें वेरिएशन के लिए रिपोर्सिबल होता है ठीक है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करने का काम कौन सा डिपोडक्शन करता है ठीक है, है अब एक बात और हम बात करेंगे क्या थी ठीक है अगर मैं ट्रेडिशनल की बात करता हूं तो नॉर्मल हम यूज करते हैं ठीक है हाइब्रिडाइजेशन यानी टू टाइप के गैमिट का फ्यूज होना ट्रेडिशनल प्रोसेस में क्या करते थे हम भाई प्लांट का केस ले लो या एनिमल का केस ले लो ब्रीडिंग ठीक है को फ्यूज करा रहे हो आप ब्रीडिंग के अंदर तो हम पहले क्या कहते थे बेस्ट ब्रीड चूज करते थे भाई ये बेस्ट ब्रीड है बेस्ट ब्रीड है ठीक है इनको फ्यूज करा देते हैं पर हर बेस्ट ब्रीड में कुछ जीन ऐसे भी होते हैं जिनको आप नहीं चाहते अनडिजायरेबल जीन ठीक है जिसको डिजायर नहीं है आपको बट अगर आप नॉर्मल जो ट्रेडिशनल टेक्निक यूज करते हो उसमें डिजायर्ड जीन के साथ साथ अनडिजायर्ड जीन भी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं ठीक है भाई यही नॉर्मल तरीके थे जो भाई जो नॉर्मल तरीका यूज करते थे जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी थी उसके अंदर ठीक है इसमें क्या करते थे प्लांट और एनिमल दोनों केस में ठीक है लीड टू इंक्लूड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन अलोंग विद डिजायरेबल जीन क्योंकि वही वहां गैमिट का फ्यूज करा रहे हो गैमिट के बीच में हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हो ठीक है तो गैमीट में अच्छी भी चीजें हैं बुरी भी चीजें फ्यूज होने से दोनों चीजें देखने को मिलेंगी पर अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई इसमें क्या किया अब हम क्या करेंगे डिजायर्ड जीन को आइडेंटिफाई करेंगे ठीक है उसको हम क्या करेंगे डिफरेंट टाइप के मॉलिकुलर सी उनसे कट करेंगे वेक्टर पे यानी वेक्टर जो भी जो ट्रांसफर करने का, का काम करता है वेक्टर समझते हो जैसे मॉस्किटो का एनसीआरटी ने एग्जाम्पल दे रखा है बच्चों को समझाने के लिए मॉस्किटो डिफरेंट डिसऑर्डर के लिए वेक्टर का काम करता है ठीक है यानी मॉस्किटो क्या काम करता है किसी डिसीज को इधर से उधर उधर से इधर या जैसे मलेरिया आपको पता है कि फैलता है मॉस्किटो के थ्रू तो मॉस्किटो एक वेक्टर का काम कर का रहा है वेक्टर का मतलब है उसको ट्रांसफर करने वाला ठीक है ऐसे ही यहां पर जीन को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करने के लिए एक वैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है ठीक है तो बस हमने जीन को आइडेंटिफाई किया वेक्टर के ऊपर बिठाया और वैक्टर उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर देगा यानी अब हम इस टेक्नोलॉजी के थ्रू डिजाइड करेक्टर को ही क्या कर सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कर सकते हैं और अनडिजाइड को सप्रेस कर सकते हैं यही टेक्नोलॉजी है यही हम आपको डिस्कस करने वाले हैं आगे जाकर के डिटेल में ठीक है तो यहां क्या कर रहे हैं द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड ठीक है क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए समझते हो कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ जीनोम दो टाइप के डीएनए के कॉम्बिनेशन अगर होते हैं मिलते हैं तो उसको रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं ऐसे याद रखना ठीक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए यूज ऑफ जीन क्लोनिंग जीन ट्रांसफर ओवरकम दिसलिमिटेशन एंड अलाउ अस आइसोलेट एंड इंट्रोड्यूज ओनली वन या कह सकते हो उससे ज्यादा जो भी आप चाहते हो वन या और अट ऑफ डिजायरेबल जीन विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिजायरेबल जीन इन टू द टारगेट ऑर्गेनिजम यानी एक जीनो या सेट ऑफ तो जीनो ठीक है जो डिजाइर्ड है बस आप उसी को जीन क्लोनिंग के थ्रो तो जो बताने वाला हूं किस तरीके से क्या करना है ये तो एक बेसिक कुछ लाइन्स दे रखी है वो समझा रहा हूं उसके थ्रू आप नेक्स्ट जनरेशन में किस तरीके से ले जा सकते ये इसकी क्वालिटी है इस टेक्नोलॉजी की जिसके वजह से जो प्रॉब्लम थी समझ में आया तो पहले ए था तो ए सेक्चुअल की वजह से क्या था जेनेटिक मटेरियल प्रिजर्व था ठीक है उसमें वेरिएशन नहीं आ रहे थे पर नेचर में सर्वाइबिलिटी नहीं होती ऐसे ऐसी पॉपुलेशन की तो वेरिएशन बहुत जरूरी है हार्डी हार्डीवीनवर साहब भी यही बोलते हैं ठीक है कि वेरिएशन बहुत जरूरी है वेरिएशन है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है या आप भी जानते हो वेरिएशन है तभी स्टेबिलिटी है ठीक है बस यही ध्यान रखना इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डोमिनेंट हुआ क्योंकि वो वेरिएशन के लिए थी, था और नेचर चाहती थी जो नेचर के अकॉर्डिंग होगा वो स्टेबल होगा जो नेचर का अपोज करेगा वो डिस्कार्ड कर दिया जाएगा इसलिए वेरिएशन ठीक है इसलिए सेक्सुअल डोमिनेंट हुआ आगे जा करके एक बात क्लियर हुई दूसरी लाइन में हमने बताया ठीक है ट्रेडिशनल हाइब्रेशन टेक्नोलॉजी का भाई बेनिफिट था बट इसका लॉस क्या था भाई अनडिजायर्ड जीन भी ट्रांसफर हो रहे थे उनका मल्टीप्लीकेशन भी था उसको किस तरीके से इस प्रॉब्लम को रिमूव किया गया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करके अब कैसे यही पढ़ने वाले हैं टोटल चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं ठीक है तो अब इस टेक्नोलॉजी में हम बात करते हैं क्या है तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीन क्लोनिंग क्या है बिल्कुल एक एक करके समझ जीन क्लोनिंग क्या है जीन क्लोनिंग का मतलब अगर आपको हम आपको जीन दे देते हैं हम कहते हैं इस जीन की मल्टीपल कॉपी बनानी है आपको यही तो जीन क्लोनिंग है ठीक है

क्लोनिंग टर्म यहां पर यूज होगा यानी जीन की मल्टीपल कॉपी बनना तो वो कैसे पॉसिबल है ये टेक्नोलॉजी कैसे करती है एक एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ठीक है बिल्कुल अच्छी तरीके से तो मान लो एक बैक्टीरिया है ठीक है उस बैक्टीरिया के अंदर एक प्लाज्मिड है तो पहले पता होना चाहिए प्लाज्मिड होते क्या हैं समझो इट इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब होता है भाई कोई भी जेनेटिक मटेरियल तभी रेप्लीकेट करता है जब उसके पास ओ आर आई साइट हो ओर आई साइट का मतलब है एक छोटा सा रीजन इसे ऑफ बोलते हैं जहां पर पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड करता है और उस जेनेटिक मटेरियल डीएनए को मल्टीपल कॉपी में कन्वर्ट करता है उसकी कॉपी बनाता है ठीक है रेप्लीकेशन इसी को तो बोलते हैं ठीक है तो अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया के अंदर ऑटोमेटिकली ओ आर आई साइट होते हैं क्या होते हैं ओ आर आई साइट ऑरिजिन ऑफ रैप्लीकेशन तो ऑरिजन ऑफ रेप्लीकेशन प्लाजमिट के पास होते हैं इसलिए प्लाजमिट को सेल्फ रेप्लीकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक मटेरियल जिसके पास सेल्फ रेप्लीकेट करने की कैपेबिलिटी है तो बस ऐसा ही तो हमें कुछ चाहिए ठीक है क्योंकि अपने जीन को डायरेक्टली होस्ट में आप ट्रांसफर नहीं कर सकते ठीक है ट्रांसफर कर भी दोगे तो वो अपने को रेप्लीकेट कैसे करेगा जीन तो रेप्लीकेट नहीं कर पाएगा ना ठीक है तो इसीलिए हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो हमारे जीन को ट्रांसफर करने में भी कैपेबल हो हमारे जीन की होस्ट में मल्टीपल कॉपी बनाने में भी कैपेबल हो और अगर वो होस्ट नेक्स्ट जनरेशन में ठीक है डिवाइड करता है तो वो जीन को हमारी नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफर करने में कैपेबल हो तो ये सारी क्वालिटी प्लाज्मिट में देखने को मिलती है जिसके पास ओ आर आई साइट हो ठीक है तो अगर मैं प्लाज्म की बात करता हूं उसके पास ओ आर आई साइट होती है ये एक वेक्टर का, का काम करेगा किसका काम करेगा वेक्टर का ठीक है तो सबसे पहले हमने क्या किया इस प्लाजमेट को आइसोलेट किया इस प्लाज्मिट की खास बात क्या है इसके पास ओ आर आई साइट है ओ आर आई साइट है ठीक है ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन चलो ठीक है यह किसी तरह काम करेगा प्लास्मिड एक्ट एज प्लास्टम वैक्टर समझते हो मोलिकुलर व्हीकल व्हीकल का मतलब है है जो आपके जीन को नेक्स्ट होस्ट ट्रांसफर करने में कैपेबल अब हम मान लो ये कोई सेल थी ठीक है सेल कंटेनिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी मान लो इंसुलिन का ही जीन है जैसे आप लेके चलते हैं इंसुलिन का ले लेते हैं एक जीन है जो इंसुलिन प्रोड्यूस करने में कैपेबल है यानी आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया इंसुलिन जीन जो इस सेल में था इस सेल में भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये पर्टिकुलर डीएनए के अंदर ये जीन है जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है तो इस डीएनए के इस सेगमेंट को इस जीन को हमने क्या कर लिया आइसोलेट कर लिया ठीक है अब जीन को हम किसी भी होस्ट में डायरेक्टली तो इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते ना तो अब हम क्या करेंगे सबसे पहले इस वैक्टर को समझना और इस जीन को आपस में कनेक्ट करेंगे यानी हम बनाएंगे यहां पर रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ जीनोम ठीक है तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या यूज करते हैं इसके लिए हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करने वाले हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का मतलब है ऐसे एंजाइम जो इन मॉलिक्यूल को डीएनए को कट करने में कैपेबल होते हैं डिटेल में पढ़ने वाले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में तो अब हम क्या करने वाले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करेंगे और अब बनाएंगे हम यहां पर रिकॉम्बिनेंट जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो आपका इससे अटैच हो गया भाई इसको कट करवाया हमने ठीक है भाई इसको हमने कट किया रिस्ट्रिक्शन एंजाम से इसने कट लगाया यहां पर ठीक है इसको भी कट करके निकाली लिया दोनों को मिक्स किया आपस में अटैक कर दिया ये बन गया रिकॉम्बिनेंट फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन हो गया ठीक है आपका डिजायर्ड जीन इससे जुड़ गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए का रिकॉम्बिनेंट को, को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन और उस होस्ट को जब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है ट्रांसफॉर्मेंट समझना तो अब इसको हम कहां ट्रांसफर करने वाले हैं मान लो ब्लैक सी दिखाते हैं ले लेते हैं यहां पर इकोलाई e. ठीक है अब इस रिकॉम्बिनेंट को भाई इकोलाई e. की अगर कर बात करते हैं तो उसका अपना खुद का जेनेटिक पास होता है ठीक है इसके पास अपना खुद का जेनेटिक पास है अब इकोलाई e. को ही क्यों लिया ठीक है क्योंकि इकोलाई e. एक इस तरीके से बैक्टीरिया है एक तो उसके ड्रग रेजिस्टेंट जीन नहीं होता तो मोस्टली स्टडी में हम इसी को लेते हैं ठीक है और ड्रग रेजिस्टेंट जीन का मेन क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं समझाने वाला हूं आगे ठीक है अभी तो बेसिक समझा रहा हूं बिल्कुल स्टार्टिंग कि हम क्या करने वाले हैं इस प्लाजमिट को एंटर कराने वाले हैं किसके अंदर इसके अंदर ये एंटर करा दिया जब प्लाज plas, प्लाजमिट जब इसके अंदर एंटर होगा बेटा आपका डिजायर जीन को ले जाकर के ये जीन एंटर कर गया ठीक है अब हम इस समझना इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ये क्या हो गया ट्रांसफॉर्मेशन और इस इकुलाई को क्या बोलने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया इसका ठीक है ट्रांसफॉर्मेशन मैकेनिज्म हुई और ट्रांसफॉर्मेंट इकूलाई बन गया क्योंकि तो इसमें रिकॉम्बिनेंट एंटर कर गया रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड भी बोल सकते हो ठीक है एंट्री हो गई अब क्या होगा भाई मैंने बोला कि इसके पास क्या है खास बात ओ आर आई साइट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तो ओ आर आई इस के पास ऑलरेडी है यानी ओ आर आई ओ आर आई की हेल्प से क्या करने वाला है ओ आर आई की हेल्प से ये अपने को अंदर ही सेल्फ रेप्लिकेट करेगा समझना ना मेरी बात तो अगर मैं इस बैक्टीरिया की बात करता हूं जिसके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल है अब ये क्या करने वाला है ये ठीक है अब ये क्या करेगा ठीक है आपका जो डिजायर्ड जीन था वो इससे टैग है यानी अब और भाई साइट की वजह से और ऑफ रेप्लीकेशन की वजह से इस ईकोलाई के अंदर ये प्लाज्मिट मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेगा यानी आपके जीन की जो एक कॉपी थी वो कितनी कॉपी हो चुकी है थ्री कॉपी हो चुकी है अब ये बैक्टीरिया आगे रिप्रोड्यूस भी तो करेगा रिप्रोडक्शन अगर होगा तो आगे भी जाएगा नेक्स्ट जनरेशन के अंदर तो यही तो क्लोनिंग की शर्त है कि अपनी जीन ऐसा वैक्टर जो जीन को ऑर्गेनिज्म में होस्ट में मेंटेन भी करे और नेक्स्ट जनरेशन में उसका ट्रांसफर भी हो तभी वो सही मायने में सही वैक्टर है मान लो ये में एंटर कर गया ठीक है अब समझ में आ गया होगा? कंटिन्यू जीन की क्या होती आ रही है कॉपी बनती आ रही है कंटिन्यू जीन की कॉपी बनती आ रही है कंटिन्यू जीन की कॉपी यानी अंदर भी कॉपी बने और आगे जाकर के इसमें भी डिवीजन हुए तो और कॉपी का फॉर्मेशन हुआ यानी इसी को बोलते हैं जीन क्लोनिंग यानी जहां एक ही जीन था अब उसकी मल्टीपल कॉपी ऐसे ही आगे ऐसे ही आगे कंटिन्यू डिवाइड करता रहेगा और उस जीन की मल्टीपल कॉपी बनती जाएगी इसी को तो जीन क्लोनिंग बोलते हैं अब आगे क्या करोगे या तो इस जीन का जो भी प्रोडक्ट है आप जैसे इंसुलिन चाहते हो तो आप इंसुलिन को आइसोलेट करोगे या आप इस जीन को ही चाहते हो मल्टीपल कॉपी तो इस जीन को आइसोलेट करोगे इसी को बोलते हैं जीन क्लोनिंग तो जीन क्लोनिंग में है क्या एक एक लाइन में कहा जाए कुछ भी नहीं है डिजायर्ड डीएनए को या जीन जो भी इंटरेस्टेड जीन है जो भी आप चाहते हो उसको होस्ट में ट्रांसफर कराना और नंबर थर्ड होस्ट में ट्रांसफर कराने के बाद उसका होस्ट में मेंटेन रहना और नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करना यही जीन क्लोनिंग कुछ एंजाइम्स चाहिए ठीक है पर जोड़ने के लिए अगेन एक मोलिकुलर एंजाइम चाहिए इसको बोलते हैं जो अटैच करने के लिए इसके फॉस्टफर जोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है समझाऊंगा अभी तो ये बेसिक है तो रिकॉम्बिनेंट का फॉर्मेशन जैसा ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफर करने की मैं ट्रांसफॉर्मेशन अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है तो उस होस्ट को हम क्या बोलने वाले ईगुलाई कौन है यहां पर होस्ट इस होस्ट को हम बोलने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेंट और आपका जीन डिजायर्ड जीन नेक्स्ट उसमें भी मल्टीपल कॉपी मेंटेन करे और नेक्स्ट जनरेशन में भी उसकी मल्टीपल कॉपी मेंटेन होनी चाहिए तब सही मायने में इसको बोलते हैं जीन क्लोनिंग तो हो क्या रहा है यहां जीन की क्लोनिंग हो रही है मल्टीपल कॉपी का फॉर्मेशन तो एक्चुअल में समझ में आ गया होगा ट्रांसफॉर्मेशन रिकॉम्बिनेंट और यह क्या हो रही है जीन क्लोनिंग दिस इज अ जीन क्लोनिंग तो बेसिक समझ में आया होगा कि एक्चुअल में जीन क्लोनिंग है क्या ठीक है तो यहां तक कोई डाउट है बेटा ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी प्रॉपर है ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी प्रॉपर है अरे रिस्पॉन्स थोड़ा थोड़ा देते रहोगे तो उसे आइडिया लगता रहेगा कि हाँ कोई डाउट है ऑल ओके 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 ठीक है चलो एक बात तो क्लियर हुई जीन क्लोनिंग क्या है ठीक है आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं कि सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट एनसीआरटी ने अगला डिस्कस किया है इस पर क्वेश्चन भी आता है पहला रिकॉम्बिनेंट कब बना ठीक है किसने बनाया इस रिकॉम्बिनेंट को बनाने के लिए भाई किस टाइप के प्लाजमिट का यूज किया उस प्लाजमिट को किससे आइसोलेट किया और उसमें किसको टैग किया रिकॉम्बिनेंट टू, टू टाइप कॉम्बिनेशन जो जो सेकंड डीएनए था वो क्या था ड्रग रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ठीक है तो किस तरीके से बना किस में पूरी कहानी जिस पे क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है तो समझना सबसे पहले स्टैंडले और हर्बर्ट बोयर इन्होंने वन में कब वन में पहला रिकॉम्बिनेंट ठीक है कह सकते हो फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट का फॉर्मेशन किया इसके लिए क्या क्या क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनते हैं ठीक है तो सबसे पहले इन्होंने एक बैक्टीरिया लिया यहां यहाँ पर सालमोनेला टाइफी म्यूरियम सालवुलला टाइफी म्यूरियम से एक प्लाज्मेट को आइसोलेट किया नेटिव प्लाज्मेट नेटिव प्लाजमेट को आइसोलेट किया ठीक है इधर इन्होंने एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को आइसोलेट किया ठीक है समझना पहला क्वेश्चन आएगा टाइफी टाइफी म्यूरियम म्यूरियम से नेटिव को आइसोलेट किया एक एंटीबायोटिक जीन को आइसोलेट किया ठीक है अब इनको मैंने बताया सेम वही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे क्या यूज करने वाले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यानी जिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको कट किया है सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे इसको कट करने के लिए बीकर लिया इस बीकर में क्या अप्लाई किया उन्होंने इसके अंदर एक तो ठीक है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसके अलावा और क्या यूज किया इसके अंदर ठीक है लाइगेज डीएनए लाइगेज लाइगेज मतलब कह सकते मॉलिकुलर गम या ग्लू भी बोल सकते है उसको लाए गुलर ग्लू रिस्ट्रिक्शन ठीक है scissor, कट करने के लिए मोलिकुलर ग्लू ठीक है ट्रांसफर कर दिया इससे क्या होगा समझना प्लाज्मेट अंदर एंटर कर गया प्लाजमेट एंटर करेगा तो प्लाज्मेट को भाई कट कौन लगाने वाला है यहां पर रिस्ट्रिक्शन कट लगाएंगे प्लाजमेट के अंदर में कट लगने के बाद अब जो डिजायर्ड डीएनए है वो ऑटोमेटिकली डीएनए लैगेज की से क्या कर जाएगा इसमें अटैच हो जाएगा ये अटैचमेंट हो गया समझ रहे हो ना तो बस ध्यान रखना यहां पर ये एक फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट फॉर्मेशन हुआ जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था ट कहां से लिया नेटिव प्लाजमिट ठीक है किससे लिया आप बोलोगे साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम से लिया और इसको इसको बोलते हैं फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट अब इस फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कहां ट्रांसफर करना था अगेन एक बैक्टीरियम के अंदर ठीक है वही इक्वलाइज सेम अब सारा मैकेनिज्म वही है कॉमन मैकेनिज्म है तो इसको ट्रांसफर करने की मैकेनिज्म ट्रांसफॉर्मेशन और ई e. कोलाई का अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेंट तो ट्रांसफॉर्मेंट अंदर एंटर कर गया कोलाई e. के अंदर ठीक है इसमें क्या था जो जीन चाहते थे वो जीन था ठीक है मैकेनिज्म समझ में आ गई तो ई e. कोलाई में ट्रांसफर करने की जो मैकेनिज्म थी क्या बोलेंगे इसको सेम वही ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट बस बेसिक समझ में में आ गया ठीक है तो एक्चुअल इन्होंने यही बोला कि भाई यही बायोटेक्नोलॉजी है बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है आपको डिजायर्ड जीन को किसी होस्ट में ट्रांसफर करना और ट्रांसफर करने के साथ साथ वो जीन वहां पर क्या करे अपने को मेंटेन करे और नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो यही तो कंसेप्ट है यही बायोटेक्नोलॉजी है ठीक है तो यहां बस ध्यान क्या रखना है कि फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट को बनाने के लिए जो ड्रग रेजिस्टेंट था भाई यहां इकुला ही क्यों लिया क्योंकि तो सालमोनेला टाइफीम्यूरियम ये भी बेसिलस है बेसिलस है सिमिलरिटी शो करते हैं ठीक है

एम्पसिलीन के अंगेंस्ट रेजिस्टेंस पावर आ गई आप समझ रहे ना मेरी बात ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बन गया ठीक है तो अब कुल कैसा बन चुका है ड्रग रेजिस्टेंस ड्रग या एंटीबायोटिक हो सकते हो तो ड्रग रेजिस्टेंस इकोलाई डेवलप हो गया इस मैकेनिज्म के थ्रू तो ये पहला भाई किस किसने बनाया साइंटिस्ट का नाम ध्यान ना रखना है स्टैनले ने कोहिन ने और साथ में हेल्प किसने किया हर्बर्ट ठीक है हर्बर्ट बोयर इन दोनों ने मिलकर के 1972 में इसको जनरेट किया क्या बैक्टीरिया यूज किया था कौन सा जीन था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था रिकॉम्बिनेंट डेवलप किया देन इसको ईकोलाई में ट्रांसफर किया और नॉर्मल इकोलाई को उन्होंने ड्रग रेजिस्टेंट इकोलाई में कन्वर्ट कर दिया एक मैकेनिज्म क्लियर है आगे बढ़ते हैं ये कहना चाह रहे हैं कि मेन मेन मैकेनिज्म क्या है है ठीक आर थ्री बेसिक स्टेप इन अ जेनेटिकली मॉडिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर आपको जेनेटिकली मॉडिफाई करना है थ्री बेसिक स्टेप है क्या क्या स्टेप है भाई पहला स्टेप है आपको पता होना चाहिए आपका डिजाइर्ड जीन कहां है यानी अपने जीन को आइसोलेट करना आना चाहिए जो समझाऊंगा अभी मैं आपको ठीक है फिर डिजायर्ड जीन को होस्ट में ट्रांसफर करना आना चाहिए ठीक है ट्रांसफर करने के साथ साथ बहुत जरूरी है उस डिजायर्ड नंबर थर्ड डिजायर्ड जीन का होस्ट में मेंटेन होना यानी अपनी कॉपी प्रोड्यूस करना मल्टीपल कॉपी बनाना और उससे भी ज्यादा जरूरी है उसका नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होना अगर ये तीनों चीज एप्लीकेबल हैं ये बेसिक थ्री कंसेप्ट एप्लीकेबल हैं तो हो गया पर्टिकुलरली आप बोल सकते हो कि आपने उस ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई कर गया क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफिकेशन तभी आप कह सकते हो कि वो नेक्स्ट जनरेशन में भी तो ट्रांसफर हो तभी जेनेटिकली मॉडिफिकेशन है तो आर्ट में जितने भी सीड आते हैं जेनेटिकली मॉडिफाई हैं हमने उस सीड को क्या किया भाई प्लांट को टिश्यू लेवल पर टिश्यू लेवल पर टिश्यू समझ रहे हो ना जब एम्ब्रियो बनता है टेस्ट ट्यूब के अंदर तो प्लांट को उस लेवल पर जीन के अंदर मैनिपुलेशन किया ठीक है टेस्ट ट्यूब के अंदर प्लांट को ग्रो कराया ठीक है बाद में उस प्लांट को हमने एक सही मीडियम में ट्रांसफर किया फिर बाद में उस प्लांट के सीड जनरेट किए उन सीड को हम क्या करते हैं फिर आगे जाकर के ठीक है आप कर सकते हो कि मार्केट में सप्लाई कर सकते हो अब उस सीड से जितने भी प्लांट बनेंगे वो सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं अगर ये जेनेटिकली मॉडिफिकेशन सीड में ट्रांसफर ही ना हो तो ऐसा ऑर्गेनिज्म बनाने से फायदा ही क्या है आप समझ गए ना मेरी बात तो टेक्नोलॉजी ऐसी तो हो, कम से कम वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो तभी सही मायने में ये बेसिक थ्री स्टेप है एनसीआर की लाइन है ध्यान रखना डायरेक्टली क्वेश्चन मिल जाता है इन तीनों स्टेप पर ठीक है तो क्लियर है बिल्कुल यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए ठीक है बताओ यहां तक कोई डाउट है या नहीं यस yes या नो no? सिंबल तो दिया करो ठीक है अगर डाउट नहीं है तो थम की लड़ी सेंड करो से आइडिया लग जाएगा कि हां डाउट नहीं है ओके कुछ थम नो सर नो सर ओके 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 ओके, ओके। बिल्कुल सही बच्चा बोल रहा है अच्छा 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 सॉरी 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 पंकज सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं पंकज सर क्या बोल रहे हैं जितने भी चैट कर रहे हैं ठीक है एक भी सिलेक्शन वाली उसमें नहीं है बिल्कुल पंकज सर सही बोल रहे हैं जो चैट कर रहे हैं ठीक है वो सब फेल है समझ लो समझ रहे हो ना बिल्कुल सही ठीक है तो ध्यान रखना भाई तुम इतना खतरनाक टॉपिक चल रहा है भाई लास्ट ईयर नाइन क्वेश्चन आए हैं और आप चैट में लगे हुए हो ठीक है आपको पंकज सर भी ऑब्जर्व कर रहे हैं सोच लो क्या क्या चल रहा है ठीक है क्या कर रहे हो चलो तो एक बात तो क्लियर हो गई कि मेन कंसेप्ट क्या है इसका अब सही कहानी चालू होगी अभी बेसिक आइडिया लग गया कि बायोटेक्नोलॉजी ओल्ड क्या थी टुडे क्या है अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ ठीक है बायोटेक्नोलॉजी इसकी डेफिनेशन क्या है फिर हमने बात की मेनली प्रिंसिपल किस पर बेस्ट करता है केमिकल इंजीनियरिंग ठीक है और आप बोलोगे यहां पर ठीक है जेनेटिकल इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग स्ट्राइक कंडीशन मेंटेन करना जेनेटिकल इंजीनियरिंग का मतलब है जीन के अंदर मैनुपुलेशन एकदम क्लियर है यहां तक एकदम क्लियर होगा अब इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है हमने आपको जीन क्लोनिंग भी क्लियर कर दी जीन क्लोनिंग का मतलब है कि जीन को भाई जो भी आपका डिजायर्ड जीन है ठीक है जो भी आप जिसको चाहते हो जैसे इंसुलिन बनाना चाहते हो तो इंसुलिन के जीन को आइसोलेट करना प्लाज्मिड यूज किया हमने रिकॉम्बिनेट कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स है ट्रांसफर करना रिकॉम्बिनेंट का होस्ट में ट्रांसफर करना ट्रांसफॉर्मेशन और अगर होस्ट में ट्रांसफर हो जाता है तो उस होस्ट को क्या बोलने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेंट एकदम क्लियर होगा कोई डाउट नहीं होना चाहिए ठीक है और इस पूरी टेक्नोलॉजी के अंदर फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए कब बना किसने बनाया भाई किस बैक्टीरिया को यूज किया और किस जीन को यूज किया रिकॉम्बिनेंट बनाने के लिए एकदम क्लियर होगा फाइनली हमने बात की अब इस टेक्नोलॉजी को स्टार्ट करते हैं अगर आपसे कहा जाए कि बेटा एक रिकॉम्बिनेंट बनाना है या किसी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाइड करना है तो आपको क्या चाहिए ठीक है टूल्स की किस किस की रिक्वायरमेंट होगी तो टूल्स की बात करते हैं ठीक है पहले टूल्स की क्लियर कर समझेंगे कि भाई मैन डीएनए मैन्यपुलेटिंग एंजाइम चाहिए आपको डीएनए मैन्युपुलेटिंग एंजाइम का मतलब है आपको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए जिनको मोलिकुलर सीजर बोलते हैं भाई मोलिकुलर सीजर का मतलब है जो आसानी से किसी भी डीएनए को कट करने में कैपेबल है तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए नंबर वन जिनको हम क्या बोलते हैं मोलिकुलर सीजर नंबर वन और क्या चाहिए भाई डीएनए को तो आपने कट कर दिया पर अगर डीएनए की मल्टीपल कॉपी बनानी है आपको जीन की तो पॉलीमरेज भी तो चाहिए ठीक है तो आपको चाहिए एक पॉलीमरेज एंजाइम इसके अलावा और क्या चाहिए आपको ठीक है भाई तो डीएनए को कट तो कर दिया डीएनए को जोड़ना भी तो है उसके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को अगेन क्योंकि भाई कट करने के लिए फॉस्फोडाएस्टर बॉन्ड ब्रेक करते हैं और अगेन जोड़ने के लिए भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ठीक है तो इस बॉन्ड जो और शुगर के बीच में होते हैं बेटा तो इन बॉन्ड्स को अगेन ठीक है अटैच करने के लिए ठीक है उसके लिए लाइगेज लाइगेज जोड़ने वाला एंजाइम ठीक है इसको आप बोल सकते हो मॉलिकुलर ग्लू तो मैं लिख दिया बेसिक नेम ठीक है मॉलिकुलर ग्ल्यू बोलते हैं मॉलिकुलर सीजर बोलते हैं पॉलीमरेज जो पॉलीमराइजेशन करता है मल्टीपल कॉपी बनाता है तो एंजाइम की रिक्वायरमेंट है आपको एक वैक्टर चाहिए मॉलिकुलर व्हीकल वेक्टर का मतलब है एक ऐसा वेक्टर जो आपके डीएनए को डिजायर डीएनए को होस्ट में ट्रांसफर करने के लिए कैपेबल हो ठीक है तो एक ऐसा व्हीकल जिसमें आप अपने जीन को बिठाओ और किसके अंदर लेके जाओ ठीक है जिस होस्ट का आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है जेनेटिकली मॉडिफाइड करना है उसमें एंटर करा दो इसको बोलते हैं मोलिकुलर व्हीकल ठीक है इसलिए वेक्टर को हम मॉलिकुलर व्हीकल टर्म यूज करेंगे तो एक वेक्टर चाहिए जो प्लाजमिट भी हो सकते हैं फाजमिड भी हो सकते हैं ठीक है इसके अलावा भी डिफरेंट टाइप के और भी ठीक है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है ठीक है या और भी चीजें हैं जो इस वैक्टर में इंक्लूड कर सकते हैं और एक होस्ट ऑर्गेनिज्म भी तो चाहिए जिसको जेनेटिकली मॉडिफाई करोगे तो अगर तीनों चीज आपको मिल जाती है तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो बहुत सिंपल तरीके से ठीक है तो अब हम पहले तो इसके टूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या चाहिए हमें पॉलीमरेज चाहिए हमें लाइगेज कौन सा चाहिए वैक्टर कौन सा चाहिए और पोस्ट कौन सा चाहिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वैक्टर के ऊपर वैक्टर बहुत बेहतरीन तरीके से समझने आपको फिर आगे बढ़ते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की कहानी है थोड़ा सुन लो ठीक है साइंटिस्ट थे अरबर ठीक है तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया स्टडी की और देखा कि कुछ बैक्टीरिया ठीक है मतलब इन्होंने देखा स्पेशली कुछ ऐसे बैक्टीरिया थे मानो ठीक है जो भाई बैक्टीरिया को भी सबसे भाई बैक्टीरिया हमें नुकसान पहुंचाते हैं पर बैक्टीरिया को भी नुकसान पहुंचाने वाले कोई वायरस होते हैं इनको बैक्टेरियो वायरस बोलते हैं आप जानते हो ठीक है वो ये वायरस ओनली बैक्टीरिया को ही ठीक है किल करने का काम करते हैं ठीक है ये आपको पता होगा आपको ये भी पता होगा गंगा जल के अंदर कीड़े नहीं पड़ते ठीक है नहीं बैक्टीरिया नहीं ग्रो करते भाई ऑर्गेनिक कंटेंट आ जाए उसके अंदर तो भाई गंगा को सड़ जाना चाहिए था बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से पर ऐसा नहीं होता क्योंकि तो वहां पर विडेलो नाम का एक वायरस होता है ठीक है मान के चलो बैक्टेरियोफास जो क्या काम करता है बैक्टीरिया को वहां ग्रोथ होने से रोकता है यानी बैक्टीरिया को भी कंट्रोल करने वाला कोई है वायरस आप समझ रहे हो तो इन्होंने देखा कि कुछ वायरस ऐसे थे जो बैक्टीरियोफास से प्रोटेक्टेड थे ठीक है ही केस में देखा भाई डेथ भी हो रही है बट मैक्सिमम केस में प्रो उन्होंने देखा कि बैक्टीरियो फाज से बचने के उनके पास सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होती है जैसे हम भी हैं भाई ठीक है हमारे पास भी सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है बहुत सारी पर फिर भी बीमार पड़ जाते हैं ठीक है थीके? ऐसी बैक्टीरिया के पास भी सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होती है इन बैक्टीरियो फाज से प्रोटेक्ट करने के लिए ठीक है तो उन्होंने ऑब्जर्व किया आप समझना क्या था पूरी कहानी समझा देता हूं डायग्रामेटिकली बैक्टीरिया जब बैक्टेरियो जब बैक्टीरिया पर ठीक है कह सकते हो आ, अपना जेनेटिक मिटियल एंटर कराता तो, तो भाई बैक्टीरिया का अपना जेनेटिक मिटेरियल तो है ही ठीक है अब क्या करेगा जो बैक्टेरियो अपने जेनेटिक मेटीरियल को बैक्टीरियल जेनेटिक मेटीरियल क्या कर लेगा टैग कर लेगा आप समझना मेरी बात और टैग करके इस की प्रोटीन सिंथेसिस सिंथे को यूज करेगा अपनी प्रोटीन को प्रोड्यूस करने के लिए यही तो मैकेनिज्म थी पर अब मैं बात करता हूं इकोलाई की तो ईकोलाई क्या करता है समझना इकोलाई क्या काम करता है इसके पास कुछ एंजाइम जब अरबर की बात कर रहा हूं इन्होंने एक एंजाइम देखा इस एंजाइम की खास बात क्या थी मैं लिख देता हूं टाइप वन रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस था यह क्या काम करता था टाइप वन जो देखा जो बाद में आइसोलेट किया तो इसके अंदर क्या खास बात थी ये दो काम करता था मिथाइलेशन ऑफ सेल्फ डीएनए अपने जो डीएनए था इसका तो क्या कर देता था मिथाइलेशन अपने डीएनए का तो मिथाइलेशन कर देता था सीएस थ्री ग्रुप को जोड़ दिया मिथाइलेशन कर दिया और यह पता होना चाहिए कि अगर किसी भी डीएनए का मिथाइलेशन हो जाएगा तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मिथालेटेड डीएनए को कट करने में अनकैपेबल होते हैं ठीक है जबकि जो वायरल डीएनए एंटर करता है वायरल डीएनए ठीक है ये नॉन मिथालेटेड होता है ठीक है वायरल जो भी जीनोम हो नॉन मिथाइलेटेड होता है ठीक है तो एक तो मिथाइलेशन कर देता था और ये कट कर देता था नॉन मिथाइलेटेड डीएनए को या जो भी जीनोम होगा तो नॉन मिथाइलेटेड डीएनए को कट करने का काम करता था और मिथाइलेटेड डीएनए को ठीक है प्रोटेक्शन मिल जाता था तो अपने डीएनए का तो मिथाइलेशन कर लिया भाई अपने डीएनए का तो मिथाइलेशन कर लिया जिससे कि अब इसकी मतलब साइड इफेक्ट ना है इसकी कटिंग ना हो पाए और अगर बैक्टीरियो फास्ट का डीएनए एंटर करेगा तो वो नॉन मिथाइलेटेड है उसको इजीली कट कर देगा यानी सिंपल तरीका है ये एक ऐसा एंजाइम था जो दो काम कर रहा था मिथाइलेशन अपने डीएनए का तो परमानेंट मिथाइलेशन करके रखता था जिससे कि उस पर कोई साइड इफेक्ट ना आए ठीक है कोई दिक्कत ना उसमें कटिंग ना हो जाए गलती से और अगर नन मिथालिटी डीएनए एंटर करेगा उसको क्या कर देगा कट कर देगा ठीक है कह दोगे कटिंग ऑफ

तो इनिशियल डिस्कवरी यहां से हुई तो मैं वही बात कर रहा हूं कि 1963 के अंदर समझना भाई इस जो पहला अरबर की बात कर रहा हूं इन्होंने एक एंजाम की बात की थी दोनों काम कर लेता था टाइप वन फिर आगे जाकर के ठीक है टाइप टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट हुआ जो टाइप टू एक ही काम करता था ओनली ठीक है कटिंग करता था पर मिथाइलेशन नहीं करता था कटिंग करता था पर मिथाइलेशन नहीं करता था तो एक्स एक्चुअली फिर टू टाइप के एंजाइम देखने को मिले एक मिथाइलेशन जिनके पास टाइप टू रिस्ट्रिक्शन होते हैं वो सिर्फ कटिंग करेंगे पर मिथाइलेशन के लिए मिथाइलेज उनके पास अलग होता है ठीक है अभी एनसीआरटी में जो दे रखा है वो उन्होंने ठीक है टाइप चार हटा दो तो, एनसीआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं एनसीआरटी के अकॉर्डिंग उन्होंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और मिथाइलेज अलग अलग बात की है ठीक है ये मैं थोड़ा आगे समझाता हूँ डिटेल में तभी समझ में नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम

Endonuclease और एक मिथाइलेज मिथाइलेज का काम करेगा ये अपने डीएनए का मिथाइलेशन कर देगा और रिस्ट्रिक्शन का एंडोन्यूक्लियस काम करेगा यह नॉन मिथाइलेटेड डीएनए को कट कर देगा कट द यानी मिथाइलेशन का काम होता है डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से प्रोटेक्ट करना ठीक है यानी उस समय इतना आइडेंटिफिकेशन हो गया स्टार्टिंग में अभी मैं साइंटिस्ट की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि अरबर ने जो स्टडी की थी वो एक ही एंजाइम की की थी बाद में जाकर के नाथन आए ठीक है और डिफरेंट टाइप के साइंटिस्ट आए उन्होंने पता लगाया कि यार एक बे, ऐसे भी एंजाइम होते हैं जो दोनों काम कर लेते हैं और ऐसे भी एंजाइम होते हैं जो सेपरेटली वर्क करते हैं उसकी मैं कहानी अभी समझाता हूं आगे तो स्टार्टिंग में समझ में वन नाइन सिक्सटी थ्री की बात थी टू एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज फेज किसके अंदर ईकुलाई e. के अंदर भाई ई कुलाई के अंदर बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्टेड करने के लिए ई e. कुलाई के अंदर बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्टेड करने के लिए टू टाइप के एंजाइम थे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड मिथलेस मिथालेस का काम करेगा मिथालेस अपने ही जेनेटिक मटेरियल का मिथाइलेशन कर देगा और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो भी फॉरेन जेनेटिक मटेरियल एंटर कर रहा है मींस क्या करेगा डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफास उसको कट करने का काम का करेगा तो ये आइडेंटिफिकेशन स्टार्टिंग में हो गया था ठीक है तो ये दोनों बात क्लियर है आगे बढ़ते हैं ठीक है अब हम बात करते हैं एंडोन्यूक्लियस पहले मैं एंडोन्यूक्लियस क्लियर कर देता हूं फिर मैं आगे बढ़ते हैं ठीक अब हम बात करते हैं एंडोन्यूक्लियस अगर मैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात करता हूं जो डिस्कवर किया था उस समय ठीक है तो ये टू टाइप के थे एक एक्सोन्यूक्लियस और एक एंडोन्यूक्लियस न्यूक्लियस और एंडो भी कई टाइप के थे इसमें टाइप वन टाइप टू सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है समझ में अब आएगा ठीक है अगर मैं बात करता हूं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू लार्ज क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लियस आर टू टाइप टाइप तो न्यूक्लियस कितने के होंगे टू टाइप के एक्सो न्यूक्स और एंडो न्यूक्स नाम में छुपा हुआ एक्सो जो डीएनए को बाहर से कट करना चालू करेगा एक्सो जो डीएनए को मिडिल से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेगा एंडो न्यूक्लियस तो अगर मान लो एक्सो न्यूक्लियस की बात करते हैं तो एक्सो न्यूक्लियस में डीएनए के दोनों स्टैंड ठीक है हाइड्रोजन बॉन्ड ये क्या काम करेगा ये डीएनए को बाहर से कट करने का काम करेगा कटिंग कहां से करेगा आउटसाइड तो आउटसाइड से कट करेगा तो डीएनए के फ्रेगमेंट बाहर से निकलने स्टार्ट होंगे तो एक्जो न्यूक्लियस बाहर से कट करता है अगर मैं एंडो न्यूक्लियस की बात करता हूं तो एंडो न्यूक्लियस का काम करेगा एंडो न्यूक्लियस डीएनए को मिड से कट करेगा मिड से कट करेगा नहीं फ्रेगमेंट उसके समझ में आ गया होगा बस यही अंतर होता है एक्सो न्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस तो अभी स्टार्टिंग में जो हमने बात की थी ओनली एक्सो और एंडो न्यूक्लियस की बात की थी बाद में जाकर के एंडो न्यूक्लियस हमें समझ में आए ये भी डिफरेंट टाइप के होते हैं इसमें टाइप वन और टाइप टू बहुत इंपॉर्टेंट थे अब कहानी यहां पर एप्लीकेबल कर देंगे क्या डिफरेंस होता है टाइप वन और टाइप टू एंडो न्यूक्लियस स्पेशली रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस

ठीक है और कटिंग दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ठीक है रिकॉग्नाइजेशन भी करते हैं मिथाइलेशन भी करते हैं और कटिंग भी करते हैं ठीक है रिकॉग्नाइजेशन किसका करेंगे उस रिस्ट्रिक्टेड साइड का जहां पर वो कट करते हैं ठीक है ऐसे कहीं भी कट नहीं करते ठीक है नाम ही है रिस्ट्रिक्शन जो रिस्ट्रिक्टेड साइड पर ही कट करते हैं ठीक है तो ध्यान रखना है यही डिफरेंस है मैं लेके चल रहा हूं टाइप वन और टाइप टू के अंदर डिफरेंस क्या है जिस पर क्वेश्चन डायरेक्टली आपको मिलने वाला है ठीक है अगर मैं टाइप वन की बात करता हूं जिसकी अरबर ने स्टडी की थी रिकॉग्नाइज़ेशन का भी काम करते हैं नंबर वन और क्या काम करते हैं ठीक है रिकॉग्नाइज़ेशन का मिथाइलेशन का भी काम करते हैं तीसरा काम और क्या करते हैं मिथाइलेशन के अलावा ठीक है डीएनए को भी कट करने में कैपेबल हैं। इसके अलावा पर इनको एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है रिक्वायर्ड मैग्नीशियम आयन, ये थोड़ी दिक्कत थी क्योंकि अगर हम समझना इन विट्रो कंडीशन में यानी आर्टिफिशियल कंडीशन में कोई भी बायोटेक्नोलॉजी का काम करते हैं, तो ऐसा एंजाइम तो नहीं चाहिए जिसको एटीपी की रिक्वायरमेंट हो वो हम प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे हमें ऐसा एंजाइम चाहिए जो विदाउट एटीबी वर्क करने में कैपेबल हो वो टाइप टू था अगर टाइप टू की बात करता हूं तो रिकॉग्नाइजन का भी काम करता है ये रिस्ट्रिक्टेड साइड को रिकॉग्नाइज करना कहां से कट करना है मिथालिश का काम नहीं करेगा ठीक है कट द रिस्ट्रिक्टेड साइड ऑफ डीएनए वो कट कर देगा पर रिस्ट्रिक्टेड साइड पर कट करेगा ठीक है इसके अलावा ठीक है यहां एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती ठीक है ओनली रिक्वायर मैग्नीशियम आइन इसीलिए ठीक है इस एंजाइम को यूज किया गया ठीक है यूज इन बायोटेक्नोलॉजी क्वेश्चन आता है बायोटेक्नोलॉजी में किस टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज किया जाता है टाइप टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेडेड साइट पर कट करने में भी कैपेबल होते हैं और विदाउट एटीपी वर्क करते हैं ओनली इनको मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है ठीक है जो इन विट्रो वर्क करने के लिए असेंशियल कंडीशन है आप समझ गए ना मेरी बात तो अभी हमने क्या बात की सिर्फ दो बातें की अभी हमने कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की अगर बात की जाती है इसकी डिस्कवरी कैसे हुई ठीक है तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात की जाती है तो स्टार्टिंग में अरबर का केस था अरबर ने सबसे पहले टाइप टाइप के एंजाइम की स्टडी की थी या देखा उन्होंने बैक्टीरिया के अंदर कि बैक्टीरिया बैक्टीरियोफास वायरस से अपने को प्रोटेक्ट कैसे करते थे उनके पास दो टाइप के एंजाइम थे एक एंजाइम क्या काम कर रहा था स्टार्टिंग में अबर ने काम किया वो एक ही एंजाइम था जो मिथाइलेशन भी कर लेता था और साथ साथ में ठीक है जो था उसको कट करने में भी कैपेबल था ये ध्यान रखना है आपको फिर आगे जाकर के जो स्मिथ आगे जाकर के अगर हम बात करते हैं ठीक है हेलमिल्टन तो हेलमिल्टन ने हेमिल्टन ने एक अलग स्टडी की उसके बाद उन्होंने देखा यार एक एंजाइम नहीं होता उन्होंने कहा अलग 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 एंजाइम होते हैं उन्होंने कहा कि रिस्ट्रिक्शन साइट पर कट करने के लिए अलग होता है और मिथाइलेशन के लिए अलग होता है ये आगे की स्टडी है नहीं उनको उस टाइप के एंजाइम मिले वो बाद में क्लियर हुआ कि यार एंजाइम कई टाइप के होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टाइप वन और टाइप टू में डिवाइड किया हमने, टाइप टाइप फोर भी होते हैं बट वो आपके मतलब के नहीं है टाइप वन टाइप टू में डिवाइड कर दिया टाइप वन जो रिस्ट्रिक्टेड साइड पर कट नहीं कर कट करते थे पर रिस्ट्रिक्टेड नहीं थे पर्टिकुलर साइड पर कट नहीं करते थे ये ड्रॉबैक था उनका एटीपी की रिक्वायरमेंट होती थी ये ड्रॉबैक था इनका ठीक है िकॉग्नाइशन अपनी रिस्ट्रिक्टेड साइट को रिकॉग्नाइज तो कर लेते थे पर उसके बहुत दूर इधर उधर जाके कट करते थे, थे, थे. हाँ मिथाइलेशन नहीं करने में कैपेबल थे इसलिए जिनके अंदर टाइप टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम थे उनके पास मिथाइले सेपरेट एंजाइम होता है समझ में आ गया होगा तो अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग काम किया तो अरबर ने काम किया टाइप वन के ऊपर और ठीक है हैमिल्टन स्मिथ ने काम किया टाइप टू के ऊपर तो हैमिल्टन स्मिथ के अकॉर्डिंग ठीक है टू टाइप के एंजाइम थे और हर के अकॉर्डिंग सिंगल टाइप के थे. वो बाद में नाथन साइंटिस्ट थे उन्होंने इनकी एप्लीकेशन की की बात की, और तीनों साइंटिस्टों को बाद में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया आप समझ रहे हो एक बहुत बड़ी कह सकते हो ठीक है डिस्कवरी थी कि भाई एक ऐसे एंजाइम जिसकी हेल्प से हम डीएनए को मैन्युपुलेट कर सकते हैं आप समझ गए ना अपनी इच्छा से डीएनए को कट कर सकते हैं ठीक है तो ये पहली ठीक है समझ में आया होगा कंसेप्ट एक्चुअल में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे आइसोलेट हुए कहां थे ठीक है कितने टाइप के हो सकते हैं एक्जोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस एक्सो जो बाहर से कट करते हैं वो एक्सोन्यूक्लियस हैं जो अंदर से कट करते हैं रिस्ट्रिक्टेड साइड से कट करते हैं वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात करते हैं जो अंदर से कट करते हैं ठीक है टाइप वन टाइप टू टाइप मिथाइलेशन भी कर लेते हैं और कटिंग भी कर लेते हैं पर एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है टाइप टू मिथाइलेशन नहीं कर पाते ओनली कटिंग करने में कैपेबल है पर रिस्ट्रिक्टेड साइड पर विदाउट एटीपी इसलिए बायोटेक्नोलॉजी में जो सबसे ज्यादा यूज हुआ किसका हुआ आप बोलोगे टाइप टू रिस्ट्रिक्शन यहां से क्वेश्चन बनता है ठीक है तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की कहानी स्टार्टिंग समझ में आ गई होगी कि क्या थी अब बताती है रिस्ट्रिक्शन साइट्स क्या होती है कहां कट करते हैं वो साइट क्या होती है ठीक है अब समझना है इस वाली बात को और किस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं फॉस्फो डाइएस्टर भी बोल सकते हो या एक सिंगल बॉन्ड को तो फॉसफो एस्टर बॉन्ड बोलते हैं पर दो होते हैं एक लेफ्ट और राइट सो इट इज लेफ्टो डाइएस्टर बॉन्ड बॉन्ड तो फॉस्फो एस्टर बॉन्ड ही है ठीक है अब सुनो द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जिसको हमने नाम क्या दिया हिंद टू अब बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि सर हिंद टू अगर फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है तो हिंद वन ठीक है आप समझना ये फर्स्ट क्यों नहीं है ठीक है समझाता हूं सारी बातें हम क्लियर करेंगे भाई इसके अगर फंक्शन की बात करते हैं फंक्शनिंग ठीक है किस पर डिपेंड करती है डिपेंडेंट ऑन द स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सिक्वेंस ठीक है जिसपे किसने स्टडी की थी भाई मैंने बताया इस पर जो स्टडी की थी वो हैमिल्टन ने की थी और इसको फिर करेक्टराइज किया गया कहा फाइव ईयर लेटर बात कर रहा हूं किसकी हिंद टू की तो हिंद टू को आइसोलेट करना ठीक है फिर करेक्टराइज करना सारे काम किसने किए थे हैमिल्टन ने जो एक बहुत बेहतरीन टाइप का रिस्ट्रिक्शन एंडो था जो मिथाइलेशन की प्रॉपर्टी नहीं रखता था क्योंकि टाइप टू था जो एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्टेड साइट पर कट करने में कैपेबल था और वो रिस्ट्रिक्टेड साइट क्या थी देखो तो बहुत सारी तो आप याद नहीं कर पाओगे पर ईको आर वन याद रख लो हिंद टू याद रख लो ठीक है दो तो एनसीईआरटी में दे रखे हैं रखेंगे तो याद करने ही पड़ेंगे ठीक है एक एडिशनल और लिख दिया है मैंने पर दो तो याद करने ही पड़ेंगे अगर मैं इन रिस्ट्रिक्शन साइट की बात करता हूं तो रिस्ट्रिक्शन साइट सिक्स बेस पेयर के साइट थे कितने बेस बेसपियर सिक्स पेयर जैसे

ये एंड कौन सा हो गया फाइव प्राइम यह क्यों थ्री प्राइम तो उसका अपोजिट वाला उल्टा होगा ना अगेन फाइव इधर होगा थ्री इधर होगा ऐसी sequence भी बिल्कुल का मतलब है अगर ऐसे पढ़ोगे सी इसको इसको ले ले लो G's को ले लो जी जी फिर GT, अभी इधर से आया सेम अपोजिट डायरेक्शन में इसकी होगी इसको पैलेंड्रोमिक सिक्वेंस बोलते हैं जो मैं आगे बताने वाला हूं तो एक्चुअल में हिंद टू की बेस सिक्वेंस आपको याद रखने पड़ेगी ग्वानिंग जी टी फिर पैरामिडिन आएगा फिर प्यूरिन आएगा ए सी फिर जी टी फिर अगेन पारिमिडन आएगा फिर प्यूर आएगा ए सी आप समझ गए ना मेरी बात इस साइड को याद रखना पड़ेगा लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया है पर इको आर वन पर आया है लास्ट ईयर इको आर वन टू थाउजेंड ट्वेंटी में हो सकता है इस बार हिंद टू पर आ जाए तो दोनों को ही याद रखना पड़ेगा आपको एनसीईआरटी वाले तो याद रखने ही पड़ेंगे ठीक है फाइव ईयर लेटर इट वॉज फाउंड दैट हिंद टू ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इसको रिकॉग्नाइजिंग सिक्वेंस बोलते हैं सिक्स बेस पेयर की सिक्वेंस होती है ठीक है आपके सामने और कट कैसा लगाता है अब देखो कट की बताते हैं ठीक है अगर हम कट की बात करते हैं इसके तो ये ठीक है इस तरीके से कट करेगा स्ट्रेट मतलब थोड़ा ये आ गया है मतलब तो स्ट्रेट कट करता है बिल्कुल तो ब्लंट एंड बनाता है ठीक है इस तरीके से दिखा देते हैं ये ब्लंट एंड बनाता है बिल्कुल स्ट्रेट एंड बनाता है ठीक है समझाता हूँ स्टिकी एंड भी होते हैं ब्लंट एंड भी होते हैं ये भी समझा रहा हूं आपको स्टेप बाई स्टेप ठीक है तो ये एक तरीके से ब्लंट एंड कट होता है नहीं। तो अगर किसी भी डीएनए के अंदर ठीक है इस टाइप के न्यूक्लियोटाइड के रिपीटेशन देखने को मिलते हैं ग्वानिन थायमिन ठीक है Purine, फिर एडेनिन साइटोसिन फिर यहां से उल्टा कर दो ग्वानिन थायमिन पायरेमिडिन प्यूरिन एडेनिन साइटोसिन सेम रिपीटेशन हो गया ठीक है तो ये सिक्स बेस पेयर का रिपीटेशन जितने भी इस टाइप के जो सिक्वेंस होते हैं वो फोर टू एट एट न्यूक्लियोटाइड के हो सकते हैं फोर न्यूक्लियोटाइड मिनिमम

चलो एक बात क्लियर आगे बढ़ते हैं अगर मैं नॉमन क्लेचर की बात करता हूं जैसे हिंद टू ठीक है इको आर वन ये क्या है ठीक है किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं आप समझना तो ईको आर वन का एग्जाम्पल देख लो फिर हिंद टू का भी एग्जाम्पल दे देता हूं मैं जैसे जैसे मान लो ईकोर जैसे यहां एंजाइम का नाम है ईको आर वन ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें ईको आर वन में जो स्टार्टिंग का ई होता है फर्स्ट लेटर वो किसको रिप्रेजेंट करता है जीनस को भाई ई मतलब इस्ट्रेशिया तो इस्ट्रेशिया को रिप्रेजेंट करता है ई और इसकी जो स्पीसीज है कोलाई ठीक है कोलाई को रिप्रेजेंट करता है नेक्स्ट ठीक है स्मॉल वाले जो लेटर दिख रहे हैं आपको टू ठीक है लेटर सेकंड लेटर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्पीसीज को आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेन को आर इज द ठीक है आप कह सकते हो इसके स्ट्रेन हर बैक्टीरिया के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन होते हैं हर वायरस के स्ट्रेन होते हैं स्ट्रेन समझते हो जैसे बैक्टीरिया तो एक ही है इकोलाई -E पर ईकोलाई की सरफेस पर मिलने वाले एंटीजन में अगर चेंज हो गया तो वो ईकोलाई का एक नया स्ट्रेन हो जाएगा जैसे कोरोना वायरस है वायरस की सरफेस पर मिलने वाले प्रोटीन में अगर चेंज हो जाएगा तो वो कोरोना वायरस का नेक्स्ट स्ट्रेन हो गया ठीक है तो सरफेस पर मिलने वाले प्रोटीन में अगर जरा भी चेंज होता है तो स्ट्रेन में भी चेंज हो जाता है आप समझ रहे हो ना मेरी बात तो ऐसे ही यानी जिस ब, तो समझ में आ गया ई मतलब जिस बैक्टीरिया से आइसोलेट कर रहे हैं उस बैक्टीरिया का जो जीनस है वो ई है ठीक है जिस बैक्टीरिया से आप इसको आइसोलेट क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते है प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया के अंदर कहां यूज होते हैं सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म में किससे डिफेंस आप बोलोगे बैक्टेरियोफास से डिफेंस बैक्टेरियो क्या करते हैं ये नन मिथालिटेड डीएनए को कट कर देते हैं और मिथालिटेड डीएनए को प्रोटेक्ट रखते हैं तो कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दोनों काम कर लेते हैं मिथाइलेशन का भी काम कर लेते हैं और कटिंग का भी काम कर लेते हैं पर कुछ ऐसा नहीं कर पाते ओनली रिस्ट्रिक्टेड साइट पर कट करते हैं तो उनके केस में मिथाइलेज एंजाइम सेपरेटली होता है ठीक है तो इस मैकेनिज्म से वो अपने को क्या करते हैं प्रोटेक्ट तो क्योंकि अपने डीएनए को तो मिथाइलेटेड कर देते हैं पर फॉरन डीएनए जो बाहर से आ रहा है ठीक है उसको कट कर देते हैं तो एक बहुत बेहतरीन तरीका है प्रोकैरियोट का अपने को डिफेंस करने का बचाने का किससे बैक्टीरियोफास से आप समझ गए ना मेरी बात तो ये किसकी वजह से हो पाया इन एंजाइम की वजह से जिसकी डिस्कवरी किसने की अरबर ने ठीक है या हेमिल्टन ने है, या नाथन ने तब इन तीनों को नोबेल प्राइज भी मिला क्योंकि बहुत बड़ी डिस्कवरी थी इसी की वजह से तो आज बायोटेक्नोलॉजी इतनी बढ़ पा रही है आप समझ रहे हो ना क्योंकि बिना मोलिकुलर सीजर हम कुछ कर ही नहीं सकते तो एक बात क्लियर हो गई ये तीनों साइंटिस्ट ने क्या काम किया बैक्टीरिया की सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म से इसको आइसोलेट किया हमने ठीक है हिंद हम टू की बात कर रहे हैं तो हिंद टू सबसे पहला डिस्कवर ठीक तो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था डिस्कवर ठीक है आइसोलेटेड नहीं बोला मैंने डिस्कवर ठीक है तो अब हिंद टू मैं या इको आर वन में ये एक्चुअल में होता क्या है नॉर्मन क्लेचर कैसे करते हैं मैं इसकी बात कर रहा हूं जैसे मैं हिंद की बात कर लूं ठीक है इको आर वन का तो हो ही गया अगर हिंद की बात करते हैं ऐसे एच ठीक है अगर हिंद टू की बात करता हूं तो उसमें एच किसको रिप्रेजेंट करता है मैंने बताया एच जिस बैक्टीरिया से आइसोलेट कर रहे हैं उस बैक्टीरिया का जीनस है ठीक है एच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जिस बैक्टीरिया से आप आइसोलेट कर रहे हो उस बैक्टीरिया का जीनस है ठीक तो है तो एच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस ऑफ बैक्टीरिया जैसे हीमोफ्लस ठीक है इन्फ्लुएंजा उससे आइसोलेट किया हुआ है ठीक है स्मॉल वाले किसको रिप्रेजेंट कर करेंगे बहुत सारे स्ट्रेन थे ठीक है जैसे अब यहां हमने बात की आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ई e कोलाई का स्ट्रेन स्ट्रेन कौन सा था आर वाई वन थर्टी तो आर वाई वन थर्टी का क्या ले लिया यहां पर आर ले लिया आप समझ गए ना मेरी बात तो आर वाई वन थर्टी का हमने आर ले लिया ठीक है जैसे की अगर मैं बात करता हूं ईको आर वन आर वन ईको आर वन तो भाई समझना एक और रह गया ना सेकंड या वन हम जो लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं भाई आप कह सकते सिक्वेंस आइसोलेशन का सिक्वेंस ठीक है ऑर्डर ऑर्डर इन वेज द एंजाइम वर आइसोलेटेड फ्रॉम ट स्ट्रेन strain, जो स्ट्रेन था उसी है, उसी स्ट्रेन से किस नंबर का तो अगर मैं बात करता हूं हिमोफ्लस इंफ्लुएंजा डी स्ट्रेन से हिंद फर्स्ट भी आइसोलेट हो चुका था ठीक है तो अब यह ये, ये तो स्ट्रेन हो गया सेकेंड क्या हो गया सेकेंड हो गया ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन ठीक है ऐसे ही इक्वाबन के अंदर ई क्या हो गया स्ट्रेशिया को क्या हो गया कोलाय स्ट्रेन कौन सा हो गया आर ठीक है पूरा स्ट्रेन का नाम है आर वाई वन थर्टी आर वाई वन थ्री ठीक है थर्टीन तो ये तो स्ट्रेन हो गया और आई क्या हो गया आई समझ में आ गया होगा इसी पर्टिकुलर स्ट्रेन से ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन यानी इस यानी पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो इस पर्टिकुलर स्ट्रेन से आइसोलेट किया गया था ठीक है अगर मैं हिंद की बात करता हूं तो इस सेकंड एंजाइम था जो आइसोलेटेड था यानी पहले भी एक आइसोलेट हो चुका था पर हिंद टू को हम फर्स्ट डिस्कवर क्यों बोलते हैं आप समझा डिस्कवर और आइसोलेशन में अंतर है हिंद टू को सबसे पहले डिस्कवर कर लिया गया था पर उसका आइसोलेशन उसका करेक्टराइजेशन ये बाद में हुआ ठीक है बहुत बाद में हुआ तब तक फर्स्ट को आइसोलेट और करेक्टराइज कर लिया गया था टाइम तो लग गया इसके अंदर तब तक हमने सेकंड वाले को भी आइसोलेट भी कर लिया था और उसको करेक्टराइज भी कर लिया था फर्स्ट वाले को ठीक है इसलिए फर्स्ट को हमने डिस्कवर में नहीं रखा इसलिए फर्स्ट डिस्कवरी हम बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं हिंद टू की बात करते हैं ना कि हिंद वन की बात करते हैं आइसोलेशन अलग चीज होती है और डिस्कवरी अलग चीज होती है ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन ठीक है तो समझ में जितने भी एंजाइम आप पढ़ने वाले हो हर एंजाइम जिस बैक्टीरिया से आइसोलेट होता है उस बैक्टीरिया से नंबर वन उसकी जीनस को रिप्रेजेंट करता है ठीक है जो आगे के टू लेटर्स होते हैं उसकी स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं आगे जो भी लिखा हुआ है ठीक है उसके जो कैपिटल लेटर में लिखा होगा वो उसका स्ट्रेन है और वन टू थ्री जो भी लिखा होगा ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन किस पर्टिकुलर स्ट्रेन स्ट्रेन चेंज हो गया तो नहीं माना जाएगा पर्टिकुलर स्ट्रेन का स्ट्रेन से किस नंबर का एंजाइम कोई एक बैक्टीरिया में कोई एक एंजाइम तो होता नहीं है बहुत सारे एंजाइम होते हैं अब समझ गए ना मेरी बात चलो बहुत बढ़िया तो अगर मैं बात करता हूं भाई हिंद के अलावा भी बिसाइड हिंदू टुडे वी नाउ मोर देन मोर देन 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम ओवर 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया समझ रहे हो रिकॉग्नाइज़ डिफरेंट रिकॉग्नाइजिंग सिक्वेंस डिट के रिकॉगनाइजिंग में हो सकते हैं, जिसके बारे हैं हम बात करने वाले हैं अभी ठीक है तो कंक्लूजन समझ में आया कि कंक्लूजन क्या था एंजाइम सबसे पहले हम एंजाइम की बात कर रहे हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात कर रहे हैं अरबर ने सबसे पहली स्टडी की थी ठीक है जिसने रिस्ट्रिक्शन एंजाम की अगर बात करते तो अर्बर की जो इनिशियल स्टडी थी उसने एक ही एंजैम के अंदर दोनों प्रॉपर्टी देखी थी ठीक है फिर हैमिल्टन की बात करते हैं तो उसने दोनों के लिए अलग अलग टाइप के एंजाम देखे गए ठीक है भाई मिथाइलेज अलग था और कटिंग करने वाला अलग था फिर नाथन ने इसकी एप्लीकेशन की स्टडी की इसलिए इन तीनों को बाद में नोबेल प्राइज मिला क्लियर था बिल्कुल फिर अर्बर ने जिस एंजाइम की स्टडी की थी वो टाइप वन थे नाथन ने जिसकी स्टडी की थी वो टाइप टू थे ठीक है एंडोन्यूक्लियस पर कुछ एग्जोन्यूक्लियस भी होते हैं जो बाहर से कट करते हैं जो 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 अंदर से कट करते कट करते करते हैं हैं रिस्ट्रिक्शन रिस्ट्रिक्टेड साइड पर ठीक है टाइप था वो पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्टेड साइड पर ना कट करके उसे अलग कट करता था जबकि टाइप टू स्पेसिफिकली रिस्ट्रिक्टेड साइड पर कट करता था टाइप वन की अगर बात करते हैं वो मिथाइलेशन करने में भी कैपेबल था टाइप टू मिथाइलेशन करने में कैपेबल नहीं था टाइप वन को एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी एटीपी की रिक्वायरमेंट थी इसके लिए होस्ट चाहिए चाहिए तो आप समझ रहे हो, में इसको यूज नहीं कर सकते, पर टाइप टू एटीपी ओनली मैग्नीशियम चाहिए टाइप वन या टाइप टू आप बोलोगे टाइप टू ठीक है और पहला जो एंजाइम यहां पर डिस्कवर हुआ था वो हिंद टू था समझा दिया मैंने हिंद टू पहले डिस्कवर हुआ था ठीक है पर आइसोलेशन करेक्टेशन हिंद फर्स्ट का पहले हो गया था फिर हिंद टू का आइसोलेशन करेक्टराइशन बाद में होता हुआ टू का मतलब ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन यहां तक क्लियर था यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए ठीक है और हिंद यहां तक क्लियर है बिल्कुल और हिंद टू टाइप वन था या टाइप टू टाइप टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था कट कैसा लगता है कहां पर कट लगाता है एक पर्टिकुलर सिक्वेंस पर जिसको रिस्ट्रिक्शन साइट बोलते हैं हिंद की रिस्ट्रिक्शन साइट सिक्स पेयर की होती है बीच बिल्कुल मिडिल में से एक सीधा कट लगाता है इसको ब्लंट एंड बोलते हैं ब्लंट का मतलब है सब अभी ब्लंट और स्टिकी वाला डिफरेंस मैं आगे कराऊंगा ठीक है तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा बेसिकली यहां तक बताओ किसी को कोई डाउट है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा पर मैं मैं सच कह रहा हूं आज एक एक एनसीईआरटी की लाइन आपके ब्रेन में सेट कर दूंगा ठीक है खत्म करना तो बहुत आसान है पर आपके ब्रेन में सेट करना ये समझ्र एक चैलेंज है तो इसको एक्सेप्ट कर रहा हूं और एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप में सेट करता हूं आगे बढ़ूंगा ठीक है चलो चलो आगे बढ़ते हैं तो हमारा यहां तक क्लियर हो गया आपको ठीक है अब समझना अब बात आती है क्या भाई टाइप्स ऑफ एंड किस तरीके से कटिंग होती है स्टिकी एंड क्या होते हैं और ब्लंट एंड क्या होते हैं समझाता हूं अब ई को आर वन का एग्जांपल देख लो ई को आर वन जो अभी मैंने समझाया रिस्ट्रिक्शन एंड ठीक है एंडोन्यूक्लियस कट किस तरीके से लगाता है ठीक है हिंद का तो मैंने बताया आपको अगर जैसे मानो ये फर्स्ट डीएनए है ठीक है ये अलग डीएनए सेकंड डीएनए है ये अलग डीएनए या अलग डीएनए ठीक है अब मैंने बताया अगर दो डीएनए को आपस में आपको टैग करना है ठीक है उसका लाइगेशन करना है जोड़ना है उसको तो एक सिमिलर एंजाइम यूज करना पड़ेगा क्योंकि तो अगर एक ही एंजाइम यूज करोगे तो दो डीएनए आपस में ऑटोमेटिकली जुड़ सकते हैं टैगिंग हो सकती है उसकी कैसे होती है अब समझो जैसे अगर बात करता हूं इको आर वन जो हमने एग्जांपल लिया यहां पर किसका लिया है इको आर

ठीक है थायमिन थायमिन साइटोसिन तो ये इको आर्बन की रिस्ट्रिक्शन साइड हो गई ठीक है बस दो की या तीन की याद करवाऊंगा ज्यादा नहीं ठीक है इतने से काम बन जाएगा ठीक है तो कट कहां लगाएगा हमेशा और एडिनिन के बीच में कट लगाएगा तो एक कट तो यहां लगा ग्वानिन एडिनिन के बीच में समझना एक कट कहां लगा ग्वान एडिनिन के बीच में यहां पर कट लगा और एक यहां कट लगा क्लियर है जब यहां इस तरीके से कट लगेगा तो कुछ पार्ट इसका निकल के बाहर निकल गया भाई ये वाला पार्ट तो कट करके ये ये

बीकर के अंदर ठीक है कट लगा करके इस बीकर में आपने जब इसको एंटर करा दिया इन दोनों को ठीक है दोनों डीएनए को मिक्स करा दिया तो ऑटोमेटिकली समझना भाई इसका एडनिन इसके थायमिन से इसका एडनिन इसके थायमिन से इसका थायमिन इसके एडनिन से और इसका थायमिन इसके एन से ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे जुड़ जाएंगे और दो टाइप के डीएनए का क्या बन गया कॉम्बिनेशन यानी रिकॉम्बिनेंट तो कितना मजेदार था इस एंजाइम तो कह रहे हैं दो अलग अलग डीएनए को अगर आपको ऐड करना है तो दोनों को कट करने के लिए सिमिलर एंजाइम यूज करना पड़ेगा ठीक है तो दोनों के लिए हमने एक ही एंजाइम यूज किया है यहां पर दोनों के लिए हमने सिमिलर एंजाइम ही यूज किया है कौन सा एंजाइम इको आर वन इको आर वन से ही हमने इधर कट करवाया और इको आर वन से इधर कट करवाया दोनों को कट करने के लिए इको आर वन इसको कट करने के लिए भी इको आर वन और इसको कट करने के लिए भी Eco R1. तो, Eco R1 को तो कट करने से हमें एक ऐसी जिक -जैक। जिक -जैक का मतलब स्टिकी एंड बन गई अगर अगर डीएनए को आप स्ट्रेट कट करवाते हो तो इनके जो एंड बनेंगे वो ब्लंट एंड होंगे जैसे मैंने बताया था अभी कहां पर हिंद टू के केस में अगर डीएनए को आप कट कर आते हो तो डीएनए का स्टैंड कुछ इस तरीके से बनता है आपको इस तरीके से ये एक आपको इस तरीके से कट जिग जैक कट देखने को मिलता है तो उसको हम स्टिकी एंड बोलते हैं ठीक है तो यहां पर स्टिकी एंड बन रहा है आप समझ गए होंगे यहां पर कैसा एंड बन रहा है यहां पर स्टिकी एंड बन रहा है ठीक है ये इनको बोलते हैं 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 जो आसानी आसानी से से अपने आप जुड़ जाते हैं, ठीक है? बहुत आसानी से जुड़ जाते जाते ठीक ठीक है है बहुत तो वहां के लिए हमें एंजाइम यूज करने पड़ेंगे यहाँ कोई एंजाइम नहीं डायरेक्टली इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में अपने आप अटैच हो जाएंगे क्योंकि तो हाइड्रोजन बॉन्ड पेयरिंग कर लेते हैं ऑटोमेटिकली तो इसीलिए बहुत जरूरी है तो दो बातें ध्यान रखना इको आरबन की रिस्ट्रिक्शन साइट क्या है मैंने आगे लिख दी है इको आरबन यानी सिमिलर एंजाइम यूज करते हैं तो अलग अलग डीएनए को कट करने के लिए और दोनों को अगर मिक्स कर दिया जाए कि बीकर में तो वो डीएनए ऑटोमेटिकली आकर के जुड़ जाएंगे और रिकॉम्बिनेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप ऑफ डीएनए इसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट तो ब्लंट एंड ब्लंट एंड किसके के बनाता भी बताया था मैंने हिंद सेकेंड केस में ब्लंट एंड बनाता और स्टिकी एंड किसके से बना इको आर वन इको के केस में स्टिकी एंड बनता है ठीक है तो ये स्टिकी एंड आपके सामने है ब्लंट ब्लंट एंड 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 बीच में से स्ट्रेट कट कट हो जाएगा तो ब्लंट एंड और कट लगेगा, तो और जिग लगेगा स्टिकी दोनों का आपको एकदम क्लियर है अब आ जाओ पैलिंड्रोमिक सिक्वेंस पेलिड्रामिक सिक्वेंस बात करते हैं तो इनी की यानी पेलिंड्रोमिक सिक्वेंस का मतलब है वो सिक्वेंस वो रिस्ट्रिक्शन साइड जहां पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है ये फोर बेस पेयर से लेकर के एट बेस पेयर के हो सकते हैं ठीक है अगर हम पेलिंड्रोमिक सिक्वेंस की बात करते हैं फोर टू एट बेसपेयर तो फोर टू एट बेसपेयर के सिक्वेंस हो सकते हैं ये रिस्ट्रिक्शन ठीक है सिक्वेंस uh, इनको पैलिंड्रोमिक सिक्वेंस बोलते हैं पैलिंड्रोमिक समझते हो पैलिंड्रोमिक का मतलब फाइव टू थ्री ऐसे पढ़ो या फाइव टू थ्री ऐसे पढ़ो उल्टे सीधे एक समान जैसे मल या लम ठीक है एम ए एल ए वाई ए एल ए एम ऐसे पढ़ लो एम ए एल ए वाई ए एल ए एम यानी ऐसे पढ़ो मलयालम या ऐसे पढ़ो मलयालम मलयालम बात एक ही है ठीक है ऐसे सिक्वेंस को हम पैलिंड्रामिक सिक्वेंस बोलते हैं जो दोनों साइड से पढ़ने पर ऐसे पढ़ने पर ऐसे पढ़ने पर सेम होते हैं पेलिंड्रामिक सिक्वेंस तो जितनी भी रिस्ट्रिक्शन साइट होती है वो साइट जहां पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है जो फोर टू एट पेयर से मिलकर के बनती है वो पेलिंड्रोमिक सिक्वेंस होती है बेटा ठीक है जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं इको आर वन का एग्जाम्पल और समावन का एग्जाम्पल हिंद का एग्जाम्पल मैं दे चुका हूं ठीक है अगर ई को आर वन का लेते हैं तो जी ए, ए टी टी सी टू थाउजेंड ट्वेंटी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है आप समझ रहे हो टू थाउजेंड ट्वेंटी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ई को आर वन समझ रहे हो सिक्वेंस पूछा गया है तो जी ए, ए टी टी सी जी ए, ए टी टीसी ऐसे पढ़ो ये ऐसे पढ़ो एक ही बात है आप समझ रहे हो ना मेरी बात तो और कटिंग कहा होती है मैंने बताया यहां पर अभी दिखाया था मैंने यहां ग्वानिन और एडिन के बीच में और ग्वानिन और एडिन के बीच में तो जिग जैक कटिंग होती है तभी तो यहां पर फ्री हाइड्रोजन बॉन्ड रह जाते हैं जबकि अगर मैं समा वन की बात करता हूं तो ये बिल्कुल ब्लंट एंड बनाता है मिडिल में कट करता है बिल्कुल मिडिल में ब्लंट एंड यहां पर जो एंड बनेगा कैसा बनेगा स्टिकी एंड समझ रहे हो तो अगर मैं इको आर वन की बात करता हूं इको आर वन स्टिकी एंड बनाता है समा वन ब्लंट एंड बनाता है बीच में से कट करता है और कट किसको करते हैं हमेशा फोस्फो एस्टर बॉन्ड ठीक है किसको कट करते हैं ऑलवेज जितने भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं ठीक है ये फॉस्फो एस्टर बॉन्ड तो पता ही है आपको

ये बन गया फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट को जब किसी भी बैक्टीरिया में ट्रांसफर करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन और इस बैक्टीरिया को हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट खाली ट्रांसफर करना करना जरूरी जरूरी नहीं है 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 इसकी नेक्स्ट प्रोजेनी में भी इसका एंटर ठीक है, है? तब जाकर के सही मायने में सही वैक्टर और सही तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाएगा ठीक है तो एकदम क्लियर है यहां तो कोई डाउट नहीं होगा वेन कट बाय द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ठीक है तो क्या होगा रिजल्टेंट डीएनए है? फ्रेगमेंट हैव सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड भाई आपने सेम से इसको कट करवाया सेम एंज से इसको कट करवाया तो दोनों के स्टिकी एंड सिमिलर होंगे ना जब मिक्स करोगे तो ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगे ठीक है एंड दीज कैन बी ज्वाइन टूगेदर एंड टू एंड यूजिंग डीएनए लाइगेज और डीएनए लाइगेज यहां पर क्या काम करने वाला है ठीक है डीएनए लाइगेज फॉस्टो डा एस्टरबॉन्ड को जोड़ने वाला है अगर डीएनए लाइगेज लाइगेज की बात करते हैं इसको जोड़ता है फॉस्टो एस्टरबोंड को

हमेशा अगर रिकॉम्बिनेंट बनाना है तो सिमिलर एंजाइम यूज करना पड़ेगा तभी सेम टाइप के स्टिकी या ब्लंट एंड प्रोड्यूस होते हैं तभी जाकर के रिकॉम्बिनेंट पॉसिबल है क्लियर है बिल्कुल यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए ठीक है तो अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से रिलेटेड कोई डाउट है तो मुझे बताओ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से रिलेटेड फिर हम आगे बढ़ते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो बेटा यस या नो रिस्ट्रिक्शन एंजैम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मुझे बताओ ओके ओके नो ऑल क्लियर ठीक है ठीक है क्यों बेटा मिथाइलेशन अननेसेसरी प्रोसेस क्यों है बेटा देखो टाइप टू मैंने बताया मिथाइलेशन मिथाइलेशन अननेसेसरी प्रोसेस प्रोसेस नहीं है है नेसेसरी मैंने इतना बोला कि टाइप वन दोनों काम खुद कर लेता है पर जिन बैक्टीरिया में टाइप वन नहीं होता टाइप टू होता है तो उनके पास एक सेपरेट एंजाइम होता है methylase. तो मिथाइलेस अपने डीएनए को मिथाइलेटेड कर लेता है ठीक है जिसकी वजह से वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के इफेक्ट से बच जाते हैं जैसे आप समझ रहे हो भाई हमारे पास भी एक डेंजरस चीज क्या है एच और प्रोटीलिटिक एंजाइम पर म्यूकस की मैमब्रेन जो हमारे सिस्टम को क्या करती है इनसे प्रोटेक्ट करने का काम करती है ऐसे ही मिथाइलेज एंजाइम या टाइप वन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जिनके पास टाइप वन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होंगे उनके पास मिथाइलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है जिनके पास टाइप टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होंगे उनके उनको मिथाइलेज की रिक्वायरमेंट है जहां टाइप टू होंगे वहां होगा जहां टाइप वन होंगे की नहीं यानी एक ही दोनों काम कर लेगा, दोनों के लिए अलग-अलग की होगी, पर ध्यान रखना है आपको, अगर किसी किसी बैक्टीरिया के पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है तो मिथाइलेशन की प्रोसेस उसको करने ही पड़ेगी नहीं तो वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उसके ही डीएनए को कट कर देगा क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नॉन मिथाइलेटेड डीएनए को कट नहीं करते बट मिथाइलेटेड को सॉरी डीएनए को कट नहीं करते पर नॉन मिथालिटेड डीएनए को कट कर देते हैं तो जितना भी वायरल डीएनए आएगा बैक्टेरियो फास्ट डीएनए तो वो तो नॉन मिथालिटेड होगा उसको कट कर देंगे अपना डीएनए प्रोटेक्टेड हो गया तो काम की चीज तो है ना समझ में आया है नहीं आया ओके 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 समा देखो समा एक एडिशनल मैंने लिखा दिया है समा समा आप याद करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है पर इको आर वन और हिंद टू तो आपको याद रखना ही पड़ेगा लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया है और रिपीटेशन हो सकते हैं पर क्वेश्चन आ चुका है हिंद टू पर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है उसका तो आपको याद दो ही तो बोल रहा हूं समा तो एक ब्लंट एंड कैसे बनाता है इसलिए बता दिया मैंने ठीक है क्योंकि पैरल ही मुझे स्टिकी और ब्लंट को समझाना था इसलिए मैंने साथ साथ दोनों पैरल ले लिए ठीक है तो समा पर एक पुराने क्वेश्चन देखे थे मुझे इसलिए समा ही यूज किया मैंने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं पर समा ही यूज किया है मैंने ठीक है तो यहां तक मुझे लगता नहीं है आपको कोई डाउट होना चाहिए चलो कोई नहीं बस साउंड का ध्यान रखना साउंड अगर ठीक है जाती है तो मुझे इन्फॉर्म कर देना जिससे कि मैं सेल चेंज कर दूंगा ठीक है अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू होता है क्लोनिंग वेक्टर ठीक है यहां तक मुझे लगता नहीं कोई डाउट आपको होना चाहिए भाई हम बात कर रहे थे टूल्स की तो टूल्स में हमारा क्या क्या कंप्लीट हो गया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारे कंप्लीट हो गए टूल्स के अंदर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारे कंप्लीट हो गए अगर हम पॉलीमरेज की बात करते हैं वैसे तो पूछेगा नहीं नॉर्मल पॉलीमरेज पॉलीमरेज भी प्रोकैरियोट में थ्री टाइप के होते हैं पॉलीमरेज ठीक है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड थर्ड तो क्वेश्चन पूछ सकता है किस टाइप का डीएनए पॉलीमरेज इस मैकेनिज्म में या बायोटेक्नोलॉजी में यूज होते हैं ठीक है टाइप फर्स्ट डीएनए पॉलीमरेज टाइप फर्स्ट डीएनए पॉलीमरेज और अगर पूछेगा लाइगेज कौन सा यूज करते हैं ठीक है नॉर्मल लाइगेज नहीं इस लाइगेज को हमने आइसोलेट किया है टी फोर बैक्टेरियो से इसलिए इसको टी फोर लाइगेज भी बोलते हैं ठीक है आइसोलेट फ्रॉम टी फोर बैक्टेरियो फाज सो इट इज कॉल्ड टी फोर लाइगेज

ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं डिस्कवरी को रिप्रेजेंट नहीं करते चलो अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यही समझने का है भाई वेक्टर वेक्टर का मतलब है मॉलिकुलर व्हीकल व्हीकल का मतलब है जो जीन को बिठा करके होस्ट में ट्रांसफर करता है और होस्ट को ट्रांसफॉर्मेंट बनाता है या जेनेटिकली मॉडिफाई करता है तो भाई किसको हम वेक्टर ले सकते हैं भाई वेक्टर के क्या क्वालिटीज हैं ठीक है किस तरीके से वेक्टर ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से सेपरेट करने में कैपेबल होते हैं तो बहुत सारे मजेदार क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर जो आपको समझने हैं ठीक है तो स्टार्ट करते हैं ठीक है सबसे पहले इस स्टडी में हमने किस टाइप के वैक्टर को यूज किया ठीक है यहां पर एनसीआरटी प्लाजमिट ठीक है और बैक्टीरियोफास की बात करती है क्यों बात करती है प्लाज्मिट और बैक्टीरियोफास की एज ए वैक्टर क्योंकि वेक्टर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए आपके जीन को ठीक है कहां लेके जाए होस्ट में खाली ट्रांसफर करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ट्रांसफर करने के साथ साथ वहां उसकी कॉपी को मेंटेन करना और नेक्स्ट प्रोजेनी में ट्रांसफर करना तो प्लाजमेट के पास कैपेबिलिटी होती है क्यों क्योंकि प्लाजमेट के पास क्या होता है प्लाजमेट के पास आप बोलोगे ओ साइट होते हैं ऑरिजन ऑफ एप्लीकेशन यानी वो साइट जो कि रेप्लीकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो ऐसा जेनेटिक मटेरियल जिसके पास अपना सेल्फ ओ साइट है तो उसको किसी डीएनए की रिक्वायरमेंट नहीं है रेप्लीकेशन के लिए वो खुद सेल्फ रेप्लीकेटिंग होता है तो ये प्लाज्मिट की क्वालिटी थी इसीलिए वैक्टर की तरह प्लाज्मिट को यूज किया जाता है अगर हम बैक्टीरियोफास की बात करते हैं ठीक है यानी वायरस की बात करते हैं तो वायरस क्या करता है वो अपने जेनेटिक मटेरियल को मेन जेनेटिक मटेरियल से जोड़ने में कैपेबल है इंटीग्रेट करने में कैपेबल है जिससे क्या होगा भाई मेन जेनेटिक मटेरियल अगर रेप्लीकेट करेगा तो हमारा जीन जो बैक्टीरियो जो भाई जो बैक्टीरियो फास का या वायरस का जीन है वो भी तो रेप्लीकेट करेगा साथ में उसके अब समझना तो हमने सोचा क्यों ना बैक्टेरियो फास को एज अ वैक्टर बनाए

प्लाज्मिट और बैक्टीरियो फास्ट में वही बात करने वाला हूं क्यू नाउ दैट द प्लाज्मिट एंड बैक्टीरियो ठीक है जो बैक्टीरियो फास्ट होते हैं हैव द एबिलिटी टू रेप्लीकेट विद इन द बैक्टीरिया बैक्टीरिया के अंदर रेप्लीकेट करने में भी कैपेबल होते हैं इनडिपेंडेंटली बिना किसी ठीक है कि उसके एंड of the control of the chromosomal DNA, एनी without, एनी independently कह सकते हो बिना chromosomal DNA के इंटरेक्ट किए प्लाजमिट की बात करें और फाज की भी जिनमें सेल्फ रेप्लीकेटिंग रेप्लीकेट विद इन द बैक्टीरियल सेल इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द क्रोमोजोमल डी ठीक है ठीक है ये प्लाजमिट की बात कर रहे हैं है? है, पर बैक्टेरियो फास् अगर बैक्टेरियो फास की बात करते हैं तो वो टैक करने में कैपेबल होता है ठीक है टैक करने का मतलब है वो उसमें जुड़ने में कैपेबल होता है ठीक है ऑटोमेटिकली ठीक है और जुड़ करके वो क्या करता है अपनी मल्टीपल यानी अपना आरएनए बना लेता है और एन बना के प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देता है ठीक है यानी इंडायरेक्टली वो अपनी कॉपी बनाने में कैपेबल होता है fast, ठीक है पर होस्ट जीनोम का वो यूज करेगा समझना मेरी बात पर सेल्फ ऑर्गेनिज्म है उनको होस्ट जीनोम की रिक्वायरमेंट नहीं होती ठीक है पर लिख दिया इसलिए समझा दिया मैंने बैक्टीरियो बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर विद इन द बैक्टीरियल सेल बैक्टीरियल सेल में जाकर के वो अपनी मल्टीपल कॉपी बनाते हैं ठीक है हाई नंबर होता है सेम प्लाजमिट में हैव ओनली वन और टू कॉपी पर सेल पर कुछ प्लाजमेट प्लाजमेट ऐसे भी होते हैं जिनकी फिफ्टीन टू हंड्रेड कॉपी होती है पर सेल यानी एक सेल में एंटर करने के बाद इतनी कॉपी बना लेते हैं ठीक है अब हम बात करते हैं इसीलिए हमने दो को टारगेट किया एक तो बैक्टेरियो फास्ट को और एक प्लाजमेट को ये हमारे दो टारगेट वैक्टर है ठीक है इसके अलावा भी डिफरेंट टाइप के बैक्टेरियो फास्ट डिफरेंट टाइप के प्लाजमेट इसके अलावा शटल वैक्टर भी होते हैं बताऊंगा मैं आपके ठीक है इसके अलावा टीआई प्लाजमेट भी होते हैं ठीक है मतलब वो हम आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में तो अब इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं इसकी हेल्प से हम किसी भी डिजायर या कह सकते हो कि एलियन डीएनए को एलियन का मतलब जो बाहर का है एलियन डीएनए को जो डिजायर डीएनए है ठीक है फॉरेन डीएनए उसको इन वेक्टर में टैग कर सकते हैं और वेक्टर को किसी भी ठीक है होस्ट में ट्रांसफर करके ठीक है वहां उसकी मल्टीपल कॉपी या डिजायर्ड प्रोडक्ट ऑप्टेन कर सकते हैं ठीक है तो इसी को किस तरीके से यूज करना है आगे बढ़ते हैं तो असेंशियल फीचर्स ऑफ वैक्टर तो वैक्टर क्या करते हैं समझ में आ गया वेक्टर का मतलब है आपके डिजायर्ड या एलियन या कैसे तो फॉरेन डीएनए को होस्ट में ट्रांसफर करने का काम करते हैं साथ में उसको मेंटेन करते हैं वहां पर और साथ में नेक्स्ट प्रोजेनी में ट्रांसफर करने में भी कैपेबल होते हैं तभी वो सही मायने में वेक्टर है तो वेक्टर की इस पे क्वेश्चन आएंगे वेक्टर की मेन असेंशियल फीचर्स क्या है पहला है ओ आर आई साइड ऑरिजन ऑफ एप्लीकेशन भाई ऑरिजन ऑफ एप्लीकेशन में खास बात क्या होती है समझो एक डीएनए है

ग्वानोसिन और साइटोसिन कम होते हैं क्योंकि एडनिन थाइमिन के बीच में आप जानते हो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं टू और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं थ्री तो जहां थ्री बॉन्ड होते हैं वहां खुलना थोड़ा टिपिकल है जहां टू बॉन्ड होते हैं वहां ईजिली रेप्लीकेशन फॉर्क बन जाता है यानी वो जगह जहां ईजिली रेप्लीकेशन फॉर्क बनने में कैपेबल होता है वो रेप्ली ओ साइट होती है और जब ये खुलते हैं तभी यहां पर ठीक है डिफरेंट टाइप के हेलीकेज या कह सकते हो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस रीजन में आके बाइंड होते हैं तब जाकर के रेप्लीकेशन स्टार्ट होती है ठीक है एक बात समझ में आ गई तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है ओ आर आई रेप्लीकेशन ऑफ ऑरिजन ये वेक्टर में होना चाहिए अशेंशियल में आएगा ठीक है अगला बहुत इंपॉर्टेंट है सेलेक्टिव मार्कर भाई आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आपने वेक्टर में अपने जीन को ऐड कर दिया नेगेट आई से तो देख ही नहीं सकते आप ठीक है सोचो so, मतलब बैक्टीरिया को नहीं देख सकते आप माइक्रो में उसका स्ट्रक्चर होता है ठीक है साइज होता है और उसके अंदर भी जीनोम ठीक है उसका जीनोम में भी प्लाजमेड आप पॉसिबल नहीं है ठीक है तो ऐसा आपको वेक्टर चाहिए तो चीख चीख करके बोले क्या भाई मैं रिकॉम्बिनेंट बन गया हूं आप समझ रहे हो ना वो रिप्रेजेंट करे बताए कि हां मेरा दूसरे डीएनए के संग कॉम्बिनेशन हो गया है मतलब रिकॉम्बिनेंट का फॉर्मेशन हो गया है ठीक है और ट्रांसफॉर्मेंट जब बनता है तो वहां पर भी वो रिप्रेजेंट करे कि हां मैंने ट्रांसफॉर्मेशन भी कर लिया है आप समझ रहे हो ना मेरी बात तो ऐसा वेक्टर वो क्या क्वालिटी होनी चाहिए तो उसके लिए सेलेक्टेबल मार्कर मार्कर का मतलब है मार्किंग करते हैं भाई हाँ इसका रिकॉम्बिनेशन हो गया या इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया या नहीं हुआ वो कैसे होते समझाऊंगा अभी मैं ठीक है तो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है सेलेक्टेबल सब वेरी 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 इंपॉर्टेंट ध्यान क्वेश्चन आता है यहां से सेलेक्टेबल मार्कर का होना सेकंड प्रॉपर्टी क्या है सेलेक्टेबल मार्कर का आई सेट तो जरूरी है क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन में कॉपी करना और उसके अगली जनरेशन में ट्रांसफर करने के लिए रेप्लीकेशन जरूरी है और रेप्लीकेशन के लिए ओ आर आई साइट का होना जरूरी है ठीक है पर ये तो चलो ठीक है बाद की बात है पहले आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि आपका रिकॉम्बिनेंट बना या नहीं बना या वो बैक्टीरिया में एंटर किया या नहीं किया ठीक है तो एक ऐसा मार्कर चाहिए मार्कर समझते हो ना जो मार्किंग करे चीक चीक करके बोले कि हाँ हम रिकॉम्बिनेंट बन चुके हैं हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है जो बताए रिप्रेजेंट करे उसको बोलते हैं सेलेक्टेबल मार्कर समझ में आया सेलेक्टेबल मार्कर तो क्या होते हैं सेलेक्टिबल मार्कर एक खास टाइप के जीन जैसे आप कह सकते हो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जैसे लैक जेड जीन लैक ओपरोन के अंदर होता है हमने ऐसे जीन ढूंढे ठीक है या तो वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट थे या ऐसे जीन जो क्रोमोजेनिक इफेक्ट दिखाते थे कलर चेंज करके बताते थे रिकॉम्बिनेंट बना या नहीं बना आप समझ रहे हो या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ठीक है जो एंटीबायोटिक कल्चर में ग्रो करके हम रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट या ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को इनके बीच में सेपरेट कर सकते हैं आप समझ रहे हो तो सेलेक्टिवल मार्कर क्या होते हैं इन एडिशन टू ओ आर आई ओ आर आई के अलावा द वैक्टर रिक्वायर्ड द सेलेक्टेबल मार्कर क्या रिक्वायर्ड है सेलेक्टेबल मार्कर विच हेल्प इन इसके लिए हेल्प करते हैं आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफाइंग द इलिमिनेशन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट की ग्रोथ को ट्रांसफॉर्मेंट से अलग करने का या रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से अलग करने का काम करते हैं तभी तो आपकी टेक्नोलॉजी सफल होगी भाई आपने रिकॉम्बिनेंट बना लिया बी करके अंदर है। तो आपको पता ही नहीं चल रहा है कितने बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट हैं कितने रिकॉम्बिनेशन हुआ या नहीं हुआ किसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ किसका नहीं हुआ कैसे आइडेंटिफाई करोगे तो आपको एक ऐसा सेलेक्टेबल मार्कर चाहिए जो रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेपरेट से से करने में कैपेबल है ठीक है तो उनको बोलते हैं सेलेक्टेबल मार्कर अब सेलेक्टिबल मार्कर की बात करते हैं हम क्या यूज करते हैं सिलेक्टिबल मार्कर में जैसे हम यहां यूज करेंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन और हम यूज करेंगे लैक जेड जीन फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज अब समझा कैसे काम करते हैं बहुत बेहतरीन मैकेनिज्म बताने वाला हूं ठीक है बहुत बेहतरीन कि आपके अब कंसेप्ट यहां से क्वेश्चन बनता है ना कि रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से सेपरेट कैसे करते हैं यहां से क्वेश्चन बनता है ठीक है या ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से सेपरेट कैसे करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेड जीन या ऑन द बेसिस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ठीक है चलो इनको बोलते हैं मार्कर समझ में आ गया ना जेड जीन क्रोमोजन की इफेक्ट से क्रोमोजेनिक सबिस्टेंस की इफेक्ट से कलर चेंज करके बताता है कि हां रिकॉमेंट बना या नहीं बना जबकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ठीक है एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी और समझ रहे हो या उसके रेजिस्टेंस पावर में डिफरेंस करके बताते हैं कि रिकॉमनेट बनाया नहीं बना ये चीज समझ में आएगी आगे अभी ठीक है चलो तीसरी चीज क्या है क्लोनिंग साइट यानी वो साइट जहां पर एंजाइम कट करते हैं वो साइट जहां पर जो जीन क्लोन करना है क्लोन आके जुड़ता है समझ रहे हो ना उसका होना पेलेंड्रॉमिक सिक्वेंस बोलते हैं इनका होना अगर पेलेंड्रोमिक सिक्वेंस ही नहीं है उस डीएनए के अंदर उस प्लाजमेट के अंदर तो जीन को जोड़ोगे कहां जहां पेलिट्रमिक सिक्वेंस होगी वहीं कट लगेगा वहीं डीएन दूसरा डीएनए जुड़ेगा पूरी मैके बताने वाला हूं अभी ठीक है तो तीन बहुत असेंशियल फीचर हैं एक ओ आर आई साइड का होना क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करने के लिए उसका होना बहुत जरूरी है दूसरा सेलेक्टेबल मार्कर सेलेक्टेबल मार्कर का मतलब समझ में आ गया होगा ऐसे मार्कर ठीक है जो इंडिकेट करते हैं रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से सेपरेट करने का ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से सेपरेट करने का वो सेलेक्टेबल मार्कर है और रिस्ट्रिक्शन साइट यानी क्लोनिंग साइट आप समझ गए ना रिस्ट्रिक्शन साइट मीन क्लोनिंग साइट साइट वो side जहां पर आप समझ रहे हो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करवा करके so like, जो भी आपका जीन है 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 ठीक डीएनए डीएनए एलियन टैग करोगे जोड़ोगे अगर वो साइट ही नहीं है तो एंजाइम कट ही नहीं करेगा एंजाइम कट ही नहीं करेगा तो डीएनए जुड़ेगा ही नहीं फॉरिन डीएनए उससे तो रिकॉम्बिनेंट ही नहीं बनेगा तो रिकॉम्बिनेंट बनाने के लिए असेंशियल चीज क्या है पहला रिस्ट्रिक्शन साइट का होना क्लोनिंग साइट का होना ठीक है दूसरी एसेंशियल चीज क्या है कि वो जब क्लोनिंग हो जाए रिस्ट्रिक्शन साइट पर जुड़ जाए रिकॉम्बिनेंट बन जाए तो चीख चीक करके वेक्टर बोले कि मैं रिकॉम्बिनेंट बना या नहीं बना यानी सेलेक्टेबल मार्कर का होना और तीसरा एसेंशियल फीचर क्या है इसके अंदर थर्ड बहुत एसेंशियल ठीक है वो रिकॉम्बिनेंट जब किसी में एंटर करता है होस्ट में जिसको ट्रांसफॉर्मेंट बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन और उसको ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे होस्ट को तो वो उसमें जाकर के अपनी मल्टीपल कॉपी प्रोड्यूस करे और उसको नेक्स्ट प्रोजेनी में भी ट्रांसफर करे तो ये तीन बहुत बहुत असेंशियल फीचर हैं बेटा अगर ये नहीं है तो बेटर बेकार ठीक है अब क्यों अब देखो पूरी मैकेनिज्म बताता हूं क्लोनिंग साइट क्या होते हैं इट इज अ पैलेंट्रॉमिक सिक्वेंस या कह सकते हो रिस्ट्रिक्शन साइट जो फोर टू एट न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बने होते हैं बेस्पियर से मिलकर के बने होते हैं प्रेजेंट कहां पर होने चाहिए विद इन सेलेक्टेबल मार्कर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहां होने चाहिए विद इन मार्कर अगर सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर नहीं है तो सब बेकार जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं जैसे मान लो ये प्लाज्मिट था ठीक है इस प्लाजमेट की अगर मैं बात करता हूं तो इस प्लाज्मेट के अंदर यह कोई ड्रग रेजिस्टेंट जीन है कोई ड्रग रेजिस्टेंट जीन लगा हुआ है और इस ड्रग रेजिस्टेंट जीन जीन के अंदर अगर ध्यान से देखोगे तो यहां कुछ सिक्वेंस है ठीक है यह पर्टिकुलर सिक्वेंस है जिस सिक्वेंस क्या है इसको हम क्लोनिंग सिक्वेंस बोल सकते हैं क्लोनिंग साइट बोल सकते हैं रिस्ट्रिक्शन साइट बोल सकते हैं ठीक है ठीके? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है सेलेक्टेबल मार्कर हो गया यानी ड्रग रेजिस्टेंट जीन या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन और यह क्या हो गया बेटा यह क्लोनिंग साइट हो गई पैलेंट्रोमिक सिक्वेंस है क्लोनिंग साइट यानी क्लोनिंग साइट अगर इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के बाहर है तो बेकार है अंदर है तो काम किया तभी तो इधर बोला कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से रिस्ट्रिक्शन साइट जो 4 टू 8 न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बनते हैं कहां प्रेजेंट होने चाहिए विद इन सेलेक्टेबल मार्कर सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर है तो तो काम के हैं बाहर है तो कोई काम के नहीं है यही समझाता हूं मैं ठीक है आगे बढ़ते हैं एक एग्जांपल दिया एनसीईआरटी ने पीबीआर ठीक है 322 तो वी आर थ्री ट्वेंटी टू एक आर्टिफिशियली बनाया गया प्लाज्मेट है जो तो बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया है ठीक है क्योंकि तो इसके पास सेलेक्टेबल मार्कर भी है यहां पर रिस्ट्रिक्शन साइट भी है और यहां पर ओ साइट भी है इसको डिजाइन किया गया है ठीक है सिंथेटिकली आर्टिफिशियली बनाया गया है किसी के अंदर होता नहीं है ठीक है तो इसको बनाने वाले साइंटिस्ट थे भाई पी का मतलब हो गया प्लाजमेट बनाने वाले साइंटिस्ट ठीक है बॉलीबर और रॉड्रिक्यू ये साइंटिस्ट का नाम है और 332 यानी उस लैब में ये थ्री थर्टी नंबर का प्लाजमिट है जो आर्टिफिशियली बनाया गया है ये उसको रिप्रेजेंट करता है आप समझना मेरी बात तो पी वी जो प्लाजमेट है जो बॉलीबर रॉड्रिक्यू ने बनाया है जिस लेबोरेटरी में बनाया है उस लेबोरेटरी में किस नंबर का है थ्री नंबर का प्लाजमेट है जो वहां पर डिजाइन किया गया है एक बात समझ में आगे इस पर क्वेश्चन आएगा एनसीआरटी का क्वेश्चन है ठीक है अब क्या क्वेश्चन बनता है इस पर क्वेश्चन बनेगा पीबीआर थ्री ट्वेंटी टू में कितने सेलेक्टेबल मार्कर हैं आप बोलोगे टू सेलेक्टेबल मार्कर हैं सेलेक्टेबल मार्कर में क्या क्या होते हैं या तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन या लेक जेड जीन जो इसमें नहीं होता वो एक अलग बनाया गया है इन्होंने प्लाजमेट ठीक है पीयूसी एट उसमें लेक जेट जीन होता है उसको मैं एडिशनल में समझाऊंगा ठीक है तो क्योंकि एनसीआर ने जिक्र उसका भी किया है तो वी आर थ्री ट्वेंटी टू में एक तो ओ आर आई ऑरिजन ऑफ एप्लीकेशन यहां पर प्रेजेंट है जो हम चाहिए हमें ठीक है ओ आर आई साइड हमें मिल गई यहां पर हमारी एक शर्त पूरी हो गई सेलेक्टेबल मार्कर सेलेक्टेबल मार्कर यहां पर एक नहीं है दो दो हैं सेलेक्टेबल मार्कर यहां पर भाई कौन कौन से हैं एक तो टेट्रासाइक्लिन एक तो रेजिस्टेंस एक तो रेजिस्टेंस जीन है यहां पर और साथ में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन भी है यहां पर ठीक है

टेट्रा के अंदर टेट्रा के अंदर कितनी रिस्ट्रिक्शन साइड आती हैं? मैं ये लिख दे रहा हूं टेट्रा की अगर बात करेगा तो टेट्रा में टू रिस्ट्रिक्शन साइड थ्री दे हैं, है ई को आर वन ई को आर वन सेकेंड दे रखा है बाम एच वन थर्ड रखा है एस ए एल साल वन अगला क्वेश्चन जीन में विच ऑफ दिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट विद इन जीन बोलोगे SAL जीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं ऐसे क्वेश्चन पूछेगा वो एम्पिलीन रेजिस्टेंस जीन के अंदर कितनी रिस्ट्रिक्शन साइट होती है ठीक है आप एम्पसिलीन के अंदर बात करेंगे ओनली टू ही रिस्ट्रिक्शन साइट है एम्पसिलीन के अंदर एक पीवीयू और एक पेस्ट फर्स्ट ठीक है एक तो आएगी यहां पर पी वी यू फर्स्ट दूसरी आएगी पेस्ट ठीक है अगला क्वेश्चन यहां से बनेगा कि कितने रिस्ट्रिक्शन साइड एम्पसिलीन में होते हैं और कितने रिस्ट्रिक्शन साइड टेट्रासाइक्लिन के अंदर होते हैं ठीक है बहुत बेहतरीन इसी डायग्राम से तो इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं एनसीआरटी के डायग्राम से ठीक है तभी इस डायग्राम को चार से पांच बार बिना देखे आपको ड्रॉ करना है समझ के फिर आप क्वेश्चन नहीं छूटेगा तो पहले समझना इसका मतलब क्या है पी फॉर प्लाज्मेट बी आर साइंटिस्ट का नाम है थ्री ट्वेंटी टू जिस लेबोरेटरी में जिस नंबर का प्लाज्मेट डिजाइन किया गया है वो है इस पर क्वेश्चन बनता है कितने सेलेक्टेबल मार्कर है टू सेलेक्टेबल मार्कर है यानी एंटीबायोटिक रेस्टेंस जीन जो सेलेक्टेबल मार्कर है इसमें रिस्ट्रिक्शन साइड है थ्री रिस्ट्रिक्शन रिस्ट्रिक्शन और में कितनी है टू रिस्ट्रिक्शन साइड है और वही रिस्ट्रिक्शन साइड काम की है या काम की है जो सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर है जो बाहर वाले हैं वो काम के नहीं है समझ गए ना मेरी बात अब पूछा जाएगा कि वो कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन साइड हैं जो सेलेक्टेबल मार्कर के बाहर होते हैं ठीक है तो देखो क्ले फर्स्ट हिंद थर्ड ये बाहर है क्ले फर्स्ट हिंद थर्ड ये सेलेक्टिबिल मार्कर के बाहर है इसके अलावा और कौन सा बाहर है ठीक है pvu second यू सेकेंड भी सेलेक्टिबल मार्कर के बाहर है पर अब क्वेश्चन बनता है कि रोप प्रोटीन जो होती है rop रोप, रोप जीन ठीक है जो डिफरेंट प्रोटीन को बनाता है इसके लिए ले भी रखा है इन्होंने ठीक है ओ मैंने सारे लिख दिए इसके अंदर ठीक है टोटल कितने रिस्ट्रिक्शन साइड होते हैं टोटल एट रिस्ट्रिक्शन यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइड कितने होते हैं टोटल टोटल एट होते हैं टोटल कितने एट इसमें थ्री टेट्रासाइक्लिन के अंदर टू एम्पिसिन के अंदर टू बाहर है और वन किसके अंदर है आप बोलोगे रोप जीन के अंदर ठीक है रोप जीन क्या करता है कोड फॉर द प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन द रेप्लीकेशन ऑफ प्लाजमेट यानी उन प्रोटीन को बनाएगा जो इस प्लाजमेट के रेप्लीकेशन में पार्टिसिपेट करेंगे मल्टीपल कॉपी बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे साइट 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 वो साथ है। साथ वो साथ है है ठीक है जहां से ओरिजिन और... ऑफ रेप्लीकेशन रेप्लीकेशन स्टार्ट होता है ठीक है भाई जीन समझ में आ गया सेलेक्टेबल मार्कर समझ में आ गए रिस्ट्रिक्शन साइट समझ में आ गए टोटल रिस्ट्रिक्शन साइट कितने होते हैं एट ठीक है काम के कितने हैं फाइव बेकार कितने हैं थ्री पर रोप के अंदर कितना है एक फर्स्ट ये काम का नहीं है ठीक है क्योंकि ये बेकार हो गया काम बिगड़ गया ठीक है तो समझ में आ गया काम के जो जो भी हैं वो ये है। ये में टू और में तो ये हैं में में और तो सारे यह है सामने जितने क्वेश्चन बनने की प्रॉबेबिलिटी है वो सारे आपके सामने हैं ठीक है तो अब इतना समझ में आ गया कि एक बेहतरीन वैक्टर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए बेहतरीन वैक्टर वही वैक्टर है जिसके पास खुद की ओरिजन ऑफ रैप्लीकेशन हो जिसके पास बेहतरीन सेलेक्टेबल मार्कर हो जिसके पास रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं वो भी सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर बाहर वाले किसी काम के नहीं है क्यों काम के नहीं है सारी मैकेनिज्म बताने वाला हूं ठीक है ये सर समझ में आ गई आपको फिर एक एग्जाम्पल एनसीआरटी ने दे रखा पीवीआर थ्री ट्वेंटी टू का पीवीआर थ्री ट्वेंटी टू का मतलब क्या है कितने सेलेक्टेबल मार्कर हैं टू जो ड्रग रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिन दो एंटीबायोटिक ठीक है अब क्वेश्चन आएगा टेट्रासाइक्लिन के अंदर कितनी सेलेक्टेबल साइट टेट्रासाइक्लिन जो सिलेक्टिवल मार्कर है इसमें कितनी रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं थ्री ठीक है पूछेगा एम्पेसिलिन में कितनी रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं है? टू और ये भी पूछ सकता है कौन से ठीक है तो ये भी याद करना पड़ेगा तभी कर रहा चार से पांच बार ड्रॉ करना पड़ेगा ठीक है भाई एक बायोटेक्नोलॉजी से नौ क्वेश्चन मायने रखते हैं यार ठीक है सारा उटल पटल हो जाएगा इससे तो सब बहुत बेहतरीन तरीके से करना है ठीक है हो सकता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज इस बार ज्यादा बन जाए ठीक है वो थोड़ा अप एंड डाउन होता रहता है कुछ भी हो सकता है कुछ पता नहीं है ठीक है पर अपनी तरफ से कमर को कस के जाओगे ठीक है तो टोटल रिस्ट्रिक्शन साइट्स कितनी हो टोटल रिस्ट्रिक्शन साइट्स कितनी है इस पूरे के पूरे के प्लाजमेट में क्लियर है बिल्कुल काम की कितनी है फाइव एक एक चीज समझ में आ गया रोप का काम क्या होता है रोप वो जीन है जो रेप्लीकेशन के लिए असेंशियल प्रोटीन के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है ठीक है ओ आर आई ऑरिजन ऑफ एप्लीकेशन जहां से स्टार्ट होती है एप्लीकेशन फॉर्क बनता है जहां एडमिन थामिन का परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है ठीक है चलो एक एक चीज क्लियर है मुझे लगता है, नहीं कोई डाउट होगा सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे अब हम बात करेंगे असली मुद्दा असली मैकेनिज्म पूरा मैकेनिज्म जहां से क्वेश्चन बनता है ठीक है क्या किस बेस पर आप सेपरेट करोगे सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट किस पर बेस्ड है सिलेक्शन बेस्ड ऑन किस पर बेस्ड है अब समझना इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन या लैक जेट जीन इसी को बोलते हैं इन इनएक्टिवेशन ये समझना है बहुत जरूरी इसी पर बेस्ड है इनका सेपरेट होना ठीक है जैसे अब मैं समझा रहा हूं जैसे मानो जैसे एक प्लाजमिड है इस प्लाजमिड के पास कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इसके पास है ठीक है और इस एंटीबायोटिक रेस्टेंस जीन के अंदर क्या होना चाहिए इस एंटीबायोटिक रेस्टेंस जीन के अंदर होनी चाहिए रिस्ट्रिक्शन साइट, यानी वो सिक्वेंस जहां पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है उसके अंदर होने चाहिए ठीक है अब मानो ये फॉरेन डीएनए है ठीक है जो भी डिजायर्ड डीएनए है जो भी आपका इंटरेस्ट का डीएनए है वो ये आपने डीएनए लिख दिया डीएनए ऑफ इंटरेस्ट ठीक है अब इस डीएनए ऑफ इंटरेस्ट को आपको कहां जोड़ना होगा भाई ये कहां पर जोड़ेगा ये जुड़ेगा जहां पर रिस्ट्रिक्शन साइट है क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वहीं तो कट लगाएगा कहां पर जहां रिस्ट्रिक्शन साइट है ठीक है तो रिस्ट्रिक्शन साइट पर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा रिस्ट्रिक्शन साइट पर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा जोड़ने के बाद अब आपके सामने आता है रिस्ट्रिक्शन साइट पर जोड़ोगे तो आपका समझना इससे क्या हो गया जब आप इस फॉरेन डीएनए को डीएनए ऑफ इंटरेस्ट को कहां पर जोड़ने वाले हो रिस्ट्रिक्शन साइड पर तो आपका जो अपना जीन था कौन सा जीन ड्रग रेजिस्टेंट जीन समझ लेना मेरी बात या लैगजेट जीन उसका इनेक्टिवेशन नहीं हुआ कट लग गया उसके बीच में ठीक है तो यहां पर क्या हो गया यहां पर कट लग जाएगा अरे कट लग जाएगा कट लगने से क्या होगा कट लगने से इनएक्टिवेशन हो जाएगा इन एक्टिवेशन ऑफ एंटी बायोटिक रेजिस्टेंस याक जेट जीन अगर किसी भी जीन का समझना भाई कैसे पता? अभी ये क्या बन गया ये बन गया रिकॉम्बिनेंट फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट का बनना किसको इंडिकेट करता है इंटरेस्ट का का मतलब जीन, जीन अटैच होगा वो जिस जीन में इंसर्ट होगा उस जीन को इनएक्टिवेट कर देगा अगर तभी तो बोलते सेलेक्टिवल मार्कर चीख चीख के बोलेंगे कि हम रिकॉमेंट बन गए मतलब अगर सेलेक्टिवल का मार्कर का काम करना बंद हो जाए यानी उसका इनेक्टिवेशन हो जाए तो वो इंडिकेटर है फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ठीक है अगर मान लो ये इंसर्ट ही नहीं होता तो ये जीन फंक्शनल था फंक्शनल था तो वर्क करता वर्क करने का मतलब है रिकॉम्बिनेंट का फॉर्मेशन नहीं हुआ अगर वो इंसर्ट हो गया ठीक है इंसर्ट हो गया एंटर कर गया टैग हो गया तो समझ लो बीच में ये आ गया बीच में आने का मतलब है ये जीन कट लग गया कट लगने का मतलब है इसका इनएक्टिवेशन हो गया तो इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक या लेग जेड जीन जिनको हम सिलेक्टिविलकर बोलते हैं जो इंडिकेटर है रिकॉम्बिनेंट बन गया आप समझ गए ना मेरी बात तो ध्यान रखना किस पर बेस्ड है रिकॉम्बिनेंट तो, रिकॉम्बिनेंट को को नॉन नॉन या ट्रांसफॉर्मेंट ट्रांसफॉर्मेंट से सेपरेट करना बेस्ड है इस पर इनएक्टिवेशन किस पर, पर बेस्ड है इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन या लेग जेड जीन इसी को बोलते हैं इनसर्सनल इनएक्टिवेशन यानी फॉरेन डीएनए का इंसर्ट होना उस जीन को बर्बाद कर देना जहां पर भी इंसर्ट होगा जीन को बर्बाद कर देगा ठीक है तभी तो इंडिकेटर है पहले ड्रग रेजिस्टेंस थी बाद में ड्रग रेजिस्टेंस खत्म हो गई मीन रिकॉम्बिनेंट बन गया ठीक है अब इस पूरी मैकेनिज्म को आप लैब में कैसे करोगे कैसे रिजल्ट निकालोगे पूरी एक, एक चीज आपके सामने आने वाली है अब कंसेप्ट बहुत बेहतरीन बनेगा इसके बाद जैसे अब देखो बिल्कुल बेसिक तरीके से तो चलते हैं जैसे मान लो आप लैब में हो आपको रिकॉम्बिनेंट बनाना है पूरा रैपली का लगा करके ठीक है तो क्या करोगे सबसे पहले एक बीकर लोगे इस बीकर में कौन होंगे इस बीकर में प्लाजमेट होंगे बीकर में कौन होने वाले हैं प्लाजमेट ठीक है कुछ छोटे कुछ बड़े कोई दिक्कत नहीं है ठीक है प्लाजमेट कोई प्लाज्मेट पीबीआर थ्री ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी टू ही, 320, ए, ही ले लेते हैं ठीक है प्लाजमेट कौन सा ले रखा है हमने यहां पीबीआर थ्री ट्वेंटी टू लिख देते हैं चलो ठीक है ये आपने प्लाजमेट ले लिया एक बात क्लियर है अब आप इस प्लाजमेट को क्या करना है रिकॉम्बिनेंट बनाना है ठीक है इस प्लाजमेट में कितनी सेलेक्टेबल मार्कर है टू एक टेट्रासाइक्लिन और एक एम्पिसिलिन ये आपको मैं पढ़ा चुका हूं पहले ही ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अब हम क्या करेंगे इसके अंदर हम कुछ चीजें ऐड करेंगे ठीक है इस बीकर में हम कुछ चीजें ऐड करने वाले हैं ये आगे ले गए इस बीकर में हम ऐड करेंगे इस बीकर में हम ऐड करेंगे क्या क्या भाई प्लाज्मेट है तो एक जो भी आपका डिजायर्ड डीएनए होगा उसको ऐड करने वाले हो आप इसके अलावा कट लगाने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसके अलावा और क्या ऐड करने वाले हो ठीक है इसके अलावा यहां ऐड करने वाले हो ठीक है लाइगेज कौन सा लाइगेजेज टी फोर डीएनए लैगेज टी फोर लैगेज को डीएनए लाइगेज बोलते हैं पर टी फोर सही इसका नेम है इसे याद रहेगा और क्या ऐड करने वाले हो इसके अंदर भाई कट लगाओगे जोड़ोगे और अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दोगे चलो ठीक है अब सब चीज इसमें ऐड कर दी इसमें क्या पड़े हुए थे प्लाजमेट

अब हमने यहां पर जो एंजाइम वो लिया है जो टेट्रासाइक्लिन के अंदर काम आएगा ठीक है और टेट्रासाइक्लिन के अंदर अभी हमने बताया था कोई सा भी ले सकते हो आप टेट्रासाइक्लिन के लिए टेट्रासाइक्लिन के अंदर बाम एच वन है ईको आर वन है और एस ए एल ठीक है साल वन है तो ईको आर वन ले लेते हैं ठीक है ईको आर वन से हमारा काम बन जाएगा ठीक है तो आप यहां जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ले रहे हो आप वो कौन सा ले रहे हो ई को आर वन ठीक है तो कहां पर कट लगाता है वो टेट्रा के अंदर कट लगाता है एक बार क्लियर है? टेट्रा टेट्रासाइक्लिन में कट लगाता है ठीक है यानी अब आपको क्या मिलने वाला है यहां पर जब इन सबको आप एंटर कराओगे इसके अंदर तो अंदर क्या होगा अंदर एंटर करने के बाद इस बीकर में क्या होने वाला है अब देखो इसके अंदर तो प्लाज्मे होंगे सारे प्लाजमेट में, तो, में कट लग जाएगा पहले तो प्लाजमेट में कट लग जाएगा समझना प्लाजमेट में क्या।, क्या लग गया कट लग गया ये प्लाज्मेट कट गए किसकी हेल्प से कट कट लग गया आप बोलोगे ये प्लाजमेट किसकी हेल्प से कट लग गया ये कट लग चुका है कट लग गया ठीक है किसकी हेल्प से कट लग गया इको आर वन की हेल्प से कट लग गया इको आर वन ने कहां पर कट लगाया होगा भाई जहां पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट रेस्टेंट जीनो का वहां पर कट लगाया होगा ये कट लग गया ठीक है तो सबसे पहला क्या हुआ यहां पर ईको आर वन ने कट लगाया रेड वाले रेड वाला का मतलब है टेट्रासाइक्लिन पेट टी टी टेट्राइक्न को को टारगेट किया क्योंकि इको आर वन का मेन टारगेट साइड था टेट्रासाइक्लिन बस कट लग गया तो ईको आर वन ने कट लगा दिया अब डीएनए को भी तो आपने इको आर वन से ही कट करवाया है ठीक है जो जो भी आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा तो जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कलर हो गया वाइट कलर से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है व्हाइट कलर से तो अब क्या होगा बेटा कि आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है किसी के अंदर जुड़ जाए ये जुड़ गया टैग हो गया पर ये भी तो हो सकता है जीन ऑफ इंटरेस्ट आपका टैग ही ना हो यानी इनका रीलाइगेशन हो जाए वापस लैगेज की मदद से खुद भी जुड़ जाए जुड़ गए यानी इस बीकर में दो कंडीशन देखने को मिलेंगी एक कंडीशन ऐसी जिसके अंदर रिलाइगेशन हो गया और एक कंडीशन ऐसी इसमें रिकॉम्बिनेंट फॉर्मेशन हो गया ठीक है यानी नॉन रिकॉम्बिनेंट यानी अब यहां कंडीशन देखने को मिल रही है ये क्या है ठीक है इसको बोलोगे नॉन रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट क्योंकि रीलाइगेशन हो गया क्या हो गया री वापस जोड़ भाई रैंडमली तो हो रहा है आपने सब चीज मिला दी थी है ठीक है रजिस्ट्रेशन कट लगाएगा लाइगेज होता है इनको वापस में जोड़ दे हो सकता है आपका डिजायर डीएनए इसमें वो ऐड हो जाए तो भाई डिजायर डीएनए आपका ऐड हो गया तो हम तो 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 बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट बन गया ये क्या बन गया रिकॉम्बिनेंट पर अगर रिकॉम्बिनेंट बनेगा तो टेट्रासाइक्लिन जीन बर्बाद हो जाएगा

वही तो हम करने वाले हैं ठीक है अब कैसे अब देखो अब क्या करना पड़ेगा आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा यानी किसमें एंटर कराना होगा इसको एकुलाई. तो एक बात समझ में आ गई तो नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट तो रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट में डिफरेंस क्या होता है समझ में आ गया होगा अब हम क्या करने वाले हैं अब करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन अगला मैकेनिज्म क्या होने वाला है ट्रांसफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है भाई इस बीकर में जो भी प्लाज्मेट पड़े हुए हैं, ठीक है इनको उठा करके एक दूसरे बीकर में ट्रांसफर करेंगे जिसमें ई कोलाई बैक्टीरिया पड़े हुए थे तो तोलाई e. में ट्रांसफॉर्मेशन एंट, बोलते हैं ठीक है तो ट्रांसफॉर्मेशन तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम क्या करने वाले एक और बीकर लेने वाले हैं ठीक है सिंपल बिल्कुल सिंपल जिस बीकर में क्या है ऑलरेडी यहां पर बैक्टीरिया है ई e. कोलाय बैक्टीरिया है ई कोलाय ठीक है ई कोलाय स् कोलाय को हमने चूज किया यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ठीक है इसको मिक्स करा दिया इसको उसमें ट्रांसफर कर दिया अब क्या होगा यह इन ई e. कोलाई के अंदर एंटर करेंगे भाई ये तो होगा ट्रांसफॉर्मेशन ये तो मैं है सिंपल तरीके से समझना मेरी बात भाई ले लिया पीबीआर थ्री ट्वेंटी टू क्वालिटी को डालेंगे कट लगेगा रियलाइजेशन भी हो जाएगा क्योंकि लाइगेज है वापस जोड़ भी तो देगा जरूरी तो नहीं कि वो बाइंडिंग हो ही जाए ठीक है और अगर जहां रियलाइजेशन नहीं होगा वहां पर रिकॉम्बिनेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो रिकॉम्बिनेंट का फॉर्मेशन हो, तो हो गया बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा रहा हूं ठीक है उठा करके हमने किस में डाल दिया बीकर में अब क्या होगा ट्रांसफॉर्मेशन की मैकेनिज्म नेक्स्ट पेज दे देखते हैं क्या होता है ठीक है अब देखो अब यहां पर इस बीकर में तीन कंडीशन देखने को मिलने वाली है आपको क्या क्या देखो हो सकता है कुछ बैक्टीरिया ऐसे हो जिनमें ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन ना हो हो सकता है कुछ बैक्टीरिया ऐसे हो जिसमें नन रिकॉम्बिनेंट वाला प्लाजमेट एंटर करे हो सकता है कुछ बैक्टीरिया ऐसे हो जिसमें रिकॉम्बिनेंट वाला प्लाजमेट एंटर करे तीन कंडीशन हो सकती हैं ठीक है यानी जो कंडीशन बैठेंगी क्या क्या बैठेंगी ए एक प्लाजमेट यहां बैठा देते हैं एक प्लाजमेट यहां बैठा देते हैं ठीक है इस प्लाजमेट के अंदर तो जीन सही सलामत है पर इस प्लाजे के अंदर जो जीन था वो सही नहीं है क्योंकि तो इसके बीच में आपका जीन इंसर्ट कर चुका है ठीक है यानी थ्री कंडीशंस देखने को मिल रही हैं आपकी क्या क्या कंडीशंस नंबर वन ये इसमें ही नहीं किया यानी क्या है? इसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सब कुछ ऐसे हिडन ट्रायल चल रहा है अभी ठीक है ये दोनों कौन है ट्रांसफॉर्मेंट जिनमें एडर कर गया बिल्कुल सिंपल तरीके से पर यहां जो ट्रांसफॉर्मेंट है वो दो तरीके के हैं एक तो बोलोगे नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट और एक रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट चलो ये भी क्लियर हो गया रिकॉमडेंट और नॉन रिकॉमडेंट ट्रांसफॉर्मेंट ठीक है ये इस बीकर में देखने को मिलेंगे ठीक है मतलब ऐसा आप सोच सकते हो ये तीन कंडीशन ही हो सकती हैं और कोई चौथी कंडीशन तो है ही नहीं ठीक है ये तीन कंडीशन बीकर में देखने को मिलने वाली हैं आप समझ रहे हो ना मेरी बात अब हम क्या करेंगे अब हमें आइडेंटिफाई करना है क्या, है क्या है क्या नहीं तो इसलिए अब हम रेप्लीका लगाएंगे क्या लगाने वाले रेपलीका आप समझो रेप्लीका क्या है ठीक है अब हम लगाने वाले रेप्लीका बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है लीडरबर्ग ने इसको आइडेंटिफाई किया था बहुत फेमस है रेप्लिका अब रेप्लिका लगा लेते हैं चलो ठीक है के अंदर हम कुछ एक तो नॉर्मल प्लेट ले रहे हैं ये नॉर्मल प्लेट ले ली के लिए हमने ठीक है, है इसमें हमने हमने क्या किया न्यूट्रिएंट डाले जिसमें बैक्टीरिया ग्रो करते हैं ठीक है जब न्यूट्रिएंट डालेंगे तो हमें यहां पर थ्री टाइप की कॉलोनी मिलेंगी भाई नॉर्मल न्यूट्रिएंट नौर्म न्यूट्रिय कुछ भी नहीं है तो थ्री टाइप के बैक्टीरिया होंगे तो थ्री टाइप की कॉलोनी मिलेंगी नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री तीनों कॉलोनी ग्रो करेंगी क्योंकि कुछ भी एंटीबायोटिक नहीं है नॉर्मल है विदाउट एंटीबायोटिक भाई एंटीबायोटिकेप्लीका आपने लगाया क्या लगा रेप्लीका रेप्लीका जब आपने लगाया पे से न्यूट्रिएंट है इसके अंदर थ्री टाइप की कॉलोनी मिल रही है टाइप वन कॉलोनी टाइप वन कॉलोनी टाइप टू कॉलोनी और टाइप थ्री कॉलोनी भाई थ्री टाइप के बैक्टीरिया की प्रोबेबिलिटी थ्री टाइप की कॉलोनी मिलेंगी रेप्लिका लगाने के बाद अब हम इस रेप्लिका को मतलब इसको ट्रांसफर करेंगे कुछ और प्लेट्स पर अब देखो अब इस रेप्लिका को हम कहां ट्रांसफर करने वाले अलग अलग प्लेट पर इस पर ट्रांसफर किया और एक इसको इस ट्रांसफर किया ठीक है ट्रांसफर करने पर हम क्या अप्लाई करने वाले एंटीबायोटिक ठीक है यहां हमने अप्लाई की एम्पिलिन और यहां पर हमने डाल टेट्रासाइक्लिन

इसको आप सिलिन में डालोगे तब भी मरेगा तब भी मरेगा ठीक है तो टाइप वन कॉलोनी एक ऐसी कॉलोनी है जो ना तो इसमें ग्रो करेगी यहां भी खत्म हो गई खत्म हो गई यहां भी खत्म हो गई यानी ऐसी कॉलोनी समझ ना बिल्कुल वही हमने रेप्लिका का मतलब है इसकी फोटोस्टेट यहां पर सेम यहां पर अप्लाई कर दी इन कॉलोनी को इसको कॉलोनी वहीं लगाया इस कॉलोनी को हमने यही रखा और इस कॉलोनी को यही रखा बिल्कुल वहीं हमने इनकी पोजीशन को सेट कर दिया इसमें फर्स्ट कॉलोनी तो ग्रो ही नहीं करी ग्रो ही नहीं करी इसमें भी नहीं करी इसमें भी नहीं करी दोनों ही मीडियम में अगर कोई कॉलोनी ग्रो नहीं कर रही है ये इंडिकेटर है वो क्या है वो है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जिसका ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हुआ जिसके अंदर किसी भी टाइप का प्लाज्मा एंटर ही नहीं किया तो आपने अलग कर लिया ना तो यह क्या हो गया यहां जो टाइप वन हो गया यह क्या हो गया नॉन ट्रांसफॉर्मेंट

ठीक है नंबर टू ले लेते हैं नंबर टू ये रहा तो नंबर टू कॉलोनी जो होगी क्योंकि इस पर एम्पसिलिन भी सही है और टेट्रासाइक्लिन भी सही है मीनस नंबर टू कॉलोनी यहां पर भी ग्रो करेगी क्यों क्योंकि एम्पसिलिन तो दोनों तो में ही सही है पर यहां पर टेट्रासाइक्लिन भी ठीक है नंबर टू के अंदर तो ये कौन हो गया जिसमें कॉलोनी ग्रो कर रही है बेटा ये हो गया जिसमें नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट तो ये भी आपने अलग कर लिया नंबर टू नन, जिसका रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ था पर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था ट्रांसफॉर्मेंट यह भी हमारे काम का नहीं है अब नंबर थर्ड कॉलोनी भाई यह ऐसा है जिसमें एम्पिसिलिन जीन तो ठीक है पर टेट्रासाइक्लिन का इंसर्सनल इनेक्टिवेशन हो गया काम करना बंद कर दिया टेट्रासाइक्लिन। मींस थर्ड नंबर की कॉलोनी एम्पसिलिन वाले मीडियम में तो ग्रो करेगी पर टेट्रा साइकिल में ग्रो नहीं करेगी थर्ड नंबर की जो कॉलोनी है वो एम्पसिलिन में तो ग्रो करेगी अच्छा दोनों में तो एम्पसिलिन में तो ग्रो करेगी पर टेट्रा साइक्लिन में ग्रो तो नहीं करेगी थर्ड नंबर की कॉलोनी वन टू थ्री यानी अब समझना वो कॉलोनी जो दोनों में ही किल हो रही है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वो कॉलोनी जो दोनों में ही ग्रो कर रही है मीस एम्पसिलिन भी सही है टेट्रासाइक्लिन भी सही है तो ट्रांसफॉर्मेंट तो है कोई ग्रो कॉलोनी आ रही है यानी प्लाजमिट तो गया है उसके अंदर पर दोनों प्लाजमिट समझ रहे हो हट्टे कट्टे हैं हेल्दी हैं तभी दोनों में ग्रो कर रहे हैं दोनों मीडियम के अंदर रेजिस्टेंस पावर दोनों के अंदर है मीस ये नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है पर एक कॉलोनी ऐसी है जो एम्पसिलिन में ग्रो कर रही है पर टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं कर रही एम्पसिलिन में ग्रो कर रही है मीस वो तो एम्पसिलिन सही है पर ट्रेक्टर में ग्रोक नहीं कर रही मींस इंसर्सनल इनेक्टिवेशन जो इंडिकेटर है क्या हो गया इंसर्सनल इनेक्टिवेशन इंसर्सनल इनेक्टिवेशन किसको रिप्रेजेंट करता है रिकॉम्बिनेंट मीन्स जो थर्ड कॉलोनी है वो कौन है रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, मेंटर रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट यानी अब आप तीनों को अलग कर सकते हो आपने नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को भी अलग कर लिया आपने नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट को भी अलग कर लिया और आपने रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट को भी अलग कर लिया जो आपका समझ रहे हो ना इंटरेस्टिंग पार्ट था जो आप बायोटेक्नोलॉजी में यूज करने वाले हो ठीक है तो आप आ जाओगे नंबर थर्ड कॉलोनी पर भाई नंबर थर्ड कॉलोनी आपके काम की कॉलोनी है यहां से इस कॉलोनी को निकालोगे और निकाल करके बड़े से मीडिया में ग्रोथ कराना चालू कर दोगे भाई हमारा रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट बन गया ठीक है तो ये तरीका था कैसे आप ट्रांसफॉर्मेंट ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन से या रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक आप क्या कर सकते हो या सेलेक्टिव मार्कर आप क्या कर सकते हो सेपरेट कर सकते हो सेलेक्टिव मार्कर चीख चीख करके बोल रहे हैं क्या कि भाई हमारा रिकॉम्बिनेंट हो गया या हमारा रिकॉम्बिनेंट नहीं हुआ या हमारा ट्रांसफॉर्मेंट हो गया ट्रांसफॉर्मेंट नहीं हुआ तो सारे केस स्टडी आपके सामने अब आप कंफ्यूजन नहीं होगा कि कैसे हम सेपरेट करेंगे रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से और ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से तो यह समझ में आ गया होगा ठीक है एक मिनट जरा सेल चेंज कर ले इसके चलो ठीक है तो एक कंसेप्ट क्लियर हो गया अब लैग जेड जीन वो कैसे काम करता है अब समझो एक 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 लास्ट लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं बस समझने वाला पॉइंट सबसे समझने वाला पॉइंट यही था ठीक है अब हम लैग जेड जीन की बात करते लैक ऑपरोन सभी ने पढ़ा होगा लैक ऑपरोन में देखने को मिलता है लैक जेड जीन ठीक है अगर लैक ऑपरून की बात करते हैं ठीक है तो लैक ऑपरोन के अंदर आपको पता है इस तरीके की स्ट्रक्चर आएगा प्रमोटर, ऑपरेटर ठीक है और फाइनली स्ट्रक्चरल जीन भी होते हैं यहां पर स्ट्रक्चरल जीन तीन होते हैं स्ट्रक्चरल जीन से हमारा मतलब है जेड जीन लेकोप्रोड में जेड जीन होता है ये एक एंजाइम बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज और बीटा गैलेक्टोसाइडेस क्या काम करता है लेकोप्रोन के अंदर समझना ये बीटा गैलेक्टोसाइडेस का काम क्या होता है ये लैक्टोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज ले लैक्टोज को ब्रेक करने का कामता है ग्लूकोज या गैलेक्टोज लैकोप्रोन सबने पढ़ रखा होगा लैकोप्रोन में क्या होता है बैक्टीरिया को जिस मीडियम में ग्रोथ कर रहे हो अगर वहां लैक्टोज डाल दोगे तो बैक्टीरिया का लेक जेड जीन ठीक है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है और बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम वहां की लैक्टोज को ब्रेक करना स्टार्ट करता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में फिर बैक्टीरिया उसको यूटिलाइज करना स्टार्ट करता है ये आपने मोलिकुलर बायोलॉजी में पढ़ रखा है लेक जेड जीन की प्रॉपर्टी ठीक है तो इस जीन की ये प्रॉपर्टी है ये क्या काम करता है अगर ये जीन फंक्शनल है तो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करेगा और अगर ये कन्वर्जन हो रहा है समझना लैक्टोज का ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्जन हो रहा है तो इसको हमने एक बहुत बेहतरीन तरीके से इसके लिए हमने क्रोमोजन यूज किए तो अगर ऐसा होता है बेटा तो कुछ क्रोमोजन बनाए ये क्रोमोजन क्या काम करते हैं अगर ये मैकेनिज्म होती है ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टोज इन ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज ठीक है तो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस कलर चेंज कर देते हैं

दो टाइप के एंटीबायोटिक अब यहां कुछ भी नहीं एक ही प्लेट में काम हो जाएगा जैसे अब देखो हमने यहां पर एक प्लाजमेट यूज किया ठीक है इस प्लाजमेट का नाम होता है ज्यादा ही बड़ा हो गया इसको बोलते हैं पी यू सी एट प्लाज्मेट ठीक है यूसी एड प्लाजमेट की बात करते हैं तो इस प्लाजमेट के पास एक तो एम्पेसिल रेस्टेंस जीन होता ही है एम्पसिलीन रेस्टेंस जीन तो इसके पास है ही एम्पसिलिन रेस्टेंस जीन है पर साथ में इसके पास क्या है लेक जेड जीन भी है ये लेक जेड जीन जो हम यूज करते हैं ठीक है लेक जेड जीन ठीक है अब इस प्लाज्मिक को अगर हम यूज करते हैं एंटीबायोटिक प्लाजमिक की जगह तो क्या होगा अब देखो ऐसा होगा अगर आप इस प्लाजमिक वाले बैक्टीरिया को ग्रो कराओगे तो क्या होगा मीडियम के अंदर देखो यह आपने एक रेप्लिका लगाया यानी एक ही प्लेट में सारे काम हो जाएंगे ठीक है इससे क्या होगा इस रेप्लिका के अंदर एक ही में काम हो जाएगा आपने एम्पिस इसमें क्या एंटीबायोटिक कौन सी यूज करने वाले हो एंपेसिलीन और क्या ऐड करने वाले हो उसके अंदर प्लस ठीक है क्रोमोजेनिक सब्सटेंस भी इसमें ऐड कर दोगे यानी एक ही प्लेट में सारे काम हो जाएंगे ठीक है अब इसमें तीनों कॉलोनी को अलग करेंगे ठीक है कैसे अलग करेंगे तीन टाइप के बैक्टीरिया थे याद हो आपको यानी एक तो ऐसा बैक्टीरिया जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ था तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है तो एम्पिसिन में वो मारा जाएगा ठीक है अब समझना इस वाले ट को हमने ट्रांसफर कराया अगेन वही मैकेनिज्म मैकेजम्स चेंज कर दिया तो थ्री टाइप के बैक्टीरिया मिलेंगे एक नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एक ट्रांसफॉर्मेंट एक रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट ठीक है जो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट होगा उसमें लेग जेड जीन कट जाएगा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होगा दोनों जीन होंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होगा ये प्लास्मेंट होगा ही नहीं और ठीक है सेकेंड केस था जिसके अंदर रिलाइजेशन हो गया था यानी ट्रांसफॉर्मेशन तो हो गया था पर रिकॉम्बिनेशन नहीं बना था ठीक है चलो तो बना ही देते हैं नहीं तो आप सोचोगे ठीक है यानी यहां पर इसके अंदर तो कोई दिक्कत ही नहीं है बिल्कुल सही सलामत है दोनों जीन सही हैं इसके अंदर सेम वही चीज रिपीट कर दी मैंने दोनों जीन सही हैं वही चीज रिपीट कर दी है पर नीचे वाले के अंदर हमने एक जीन तो सही है पर इंसर्सनल इनएक्टिवेशन होने की वजह से वो जीन खराब हो गया क्रोमोजेनिक लैग जेट जीन खराब हो गया क्योंकि तो यहां क्या हो गया इंसर्सनल इनएक्टिवेशन कर दो व्हाइट से कर दो या येलो कर दो ये इंसर्शनल इंसिवेशन वही सेम तीनों बैक्टीरिया एक ही प्लेट में काम हो जाएगा क्या भाई एम्पसिलीन डाल दिया है तो इसकी कॉलोनी तो आएगी ही नहीं खत्म आइसोलेट हो गया ये वाला ठीक है अब आपने एम्पसिलीन डाला हुआ है ठीक है एम्पसिलीन डाला हुआ है तो उसने किसको अलग कर दिया नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ये कौन हो गया नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एम्पसिलीन के आते ही मारा गया समझना मेरी बात दूसरा क्या है यहां पर लेग जेड जीन काम कर रहा है क्योंकि लेग जेड जीन इंस्ट्रक्शनल एक्टिवेशन नहीं हुआ मतलब अगर काम करेगा तो कलर कैसा आएगा ब्लू और अगर इसके अंदर ब्लू कलर की कॉलोनी आ रही है ये ब्लू कलर की कॉलोनी आ रही है इंडिकेट कर रही है कि इसका जीन काम कर रहा है इस बैक्टीरिया का और लेग जीन काम करने का मतलब मैकेनिज्म हो रही है मींस इंसर्शनल एंड एक्टिवेशन नहीं हुआ मींस रिकॉम्बिनेंट नहीं बना पर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ये क्या हो गया नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट ठीक है बिल्कुल वही तरीका पर एक ही प्लेट में काम चल गया ब्ल्यूलरी कॉलोनी आ गई क्योंकि फंक्शनल है सारा सब कुछ ठीक है तीसरा ठीक है नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री नंबर वन नंबर टू अब नंबर थ्री की बात करते हैं थ्री में क्या हो गया इंसर्सनल एन एक्टिवेशन हो गया मीन्स ब्लू कॉलोनी नहीं आएगी ब्लू कॉलोनी नहीं आएगी कॉलोनी तो आएगी कॉलोनी क्यों आएगी क्योंकि यहां पर बैक्टीरिया तो ग्रो करेगा पर बैक्टीरिया एम्पसिलिन में ग्रो कर सकता है क्योंकि जीन काम कर रहा है पर कलर नहीं देगा कलर नहीं देगा क्योंकि इसका लेग जेट जीन इनएक्टिवेट हो चुका तो कलर कलर कैसा आएगा की कॉलोनी आएगी तो व्हाइट कलर की कॉलोनी तो क्या इंडिकेट करेगी ब्लू कलर और व्हाइट ब्लू कलर और यहां पर व्हाइट कॉलोनी नंबर थर्ड व्हाइट कॉलोनी ये इंडिकेट कर रही है रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट तो ये क्या बन गया रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट थर्ड क्या है रिकॉम्बिनेंट एकदम क्रिस्टल क्लियर में करने की कोशिश कर रहा हूं हर चीज ठीक है यानी जो एनसीआरटी ने क्रोमोजेनिक सबस्टेंस दे रखे हैं इसको पूरा एक्सपेरिमेंटल समझा दिया कि अगर जे पहले लैग जेट जीन का फंक्शन होना चाहिए लैग जेड जीन क्या काम करता है ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाता है जो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है मीन अगर जीन फंक्शनल है तो ये मैकेनिज्म होगी और अगर किसकी प्रेजेंस में लैक्टोज की प्रेजेंस में ठीक है और अगर ये मैकेनिज्म होती है तो वो क्रोमोजेनिक सबिस्टेंस लैक्टोज की प्रेजेंस में ब्लू कलर देते हैं ये इंडिकेशन समझ में आ गया ठीक है तो हम एक ही प्लेट में सारे काम कर लेंगे ठीक है एक ही प्लेट का मतलब ये तीन टाइप के बैक्टीरिया में मिले थे पर प्लाजमेट चेंज कर दिया हमने पीयूसी एड कर दिया क्योंकि इसमें लैगजेड जीन जुड़ा होता है हमने ठीक है अब जेट जीन के फॉर इंडिया इंसर्ट, इंसर्ट होगा तो जेट जीन काम करना बंद कर देगा इंसर्ट नहीं होगा तो लेक जेट जीन काम करेगा और अगर ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं होगा तो एम्पसिलिन में बैक्टीरिया मारा जाएगा एम्पसिलिन में बैक्टीरिया मारा जा रहा है यानी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एम्पसिलिन में बैक्टीरिया ब्लू कलर दे रहा है कॉलोनी मीनस लेक जीन फंक्शनल है यानी ट्रांस ट्रांसफॉर्मेशन so, तो हुआ पर रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट ब्लू कलर देते हैं और रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट व्हाइट कलर देते हैं क्योंकि उनका लेग जेड जीन बर्बाद हो गया इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया तो एकदम क्लियर हुआ होगा बेटा इनएक्टिवेशन यानी किस तरीके से हम ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से

तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिन था समझ में आया होगा मुझे लगता है ठीक है तो एक बात क्लियर है अब लास्ट आता है वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल ठीक है तो वेक्टर हम प्लांट के लिए कौन सा वेक्टर यूज करते हैं प्लांट तो यू ना ऑट तक तो हम किसकी बात कर रहे थे प्रो यानी किसमें ट्रांसफर कर रहे थे बैक्टीरिया में पर अगर आपको कोई डीएनए प्लांट में ट्रांसफर करना है तो किस वैक्टर को यूज करोगे अगर आपको किसी जीन को एनिमल में ट्रांसफर करना है तो किस वैक्टर को यूज करोगे ठीक है तो ही तो चल रहे हैं तो वैक्टर में प्रॉपर्टी समझ में आ गई प्रो के लिए हमने दो ले सकते हैं या तो ठीक है फास ले सकते हैं ठीक है या हम प्लाज्मिक दे सकते हैं पर यू में ये एप्लीकेबल नहीं है ठीक है तो अब हम समझना अब यू कैरी के लिए क्या करने है वाले हैं तो यू कैरी के लिए साइंटिस्टों ने स्टडी की कि ऐसा कौन सा ठीक है ऑर्गेनिज्म है या समझो वेक्टर हो सकता है जो यू कैरी ऑट में जिनको ले जा सकता है तो साइंटिस्ट ने देखा डाइकॉट प्लांट के अंदर एक बैक्टीरिया कैंसर प्रोड्यूस करता था समझना डाइकॉट प्लांट के अंदर एक बैक्टीरिया था जो कैंसर प्रोड्यूस करता था अब समझना? उस बैक्टीरिया का नाम था एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमी फेसियस समझना बहुत इंपॉर्टेंट नाम है क्वेश्चन आता है एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमी फेसियंस ये वो बैक्टीरिया है ये वो बैक्टीरिया है बेटा जो डाइकॉट प्लांट में क्या प्रोड्यूस करता था कैंसर डायग्राम बना के दिखाता हूं मैं ये भाई एक डाइकॉट प्लांट है इस डाइकॉट प्लांट की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर एक बैक्टीरिया है एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमी फेसियन समझना ये बैक्टीरिया क्या काम करता है इन्फेक्शन करता है तो अंदर ट्यूमर बना देता है कैसे बना देता है क्योंकि इस बैक्टीरिया के पास एक प्लाज्मेट है टी आई प्लाजमेट और ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए भी होता है टी डीएनए मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए यानी वो डीएनए इस प्लाजमेट का जो बैक्टीरिया जो डाइकोट प्लांट में ट्यूमर को इंड्यूस करता है ट्यूमर समझते हो ना अनकंट्रोल ग्रोथ अब क्या फायदा है इस बैक्टीरिया को ये करने से जब ये बैक्टीरिया प्लांट सेल में एंटर करता है और अपने टी डीएनए के साथ तो टी डी एन ए इस बैक्टीरियल इस प्लांट की डायकोट प्लांट की सेल के अंदर अनकंट्रोल ग्रोथ करा देता है इससे क्या होगा जब अनकंट्रोल ग्रोथ होगी समझना तो क्या होगा कि यहां पर जो टी डीएनए है जो ट्यूमर प्रोड्यूस कर रहा है साथ में ये कुछ प्रोटीन बनाता है ठीक है भाई अनकंट्रोल ग्रोथ होगी तो डीएनए भी ट्रांसफर होगा सारी सेल्स के अंदर ये डीएनए जाएगा तो वो प्रोटीन भी बहुत ज्यादा मात्रा में बनेगी मतलब वो प्रोटीन जिस, जो इस बैक्टीरिया को रिक्वायर्ड थी मतलब ये बैक्टीरिया हाथ बस समझ रहे हो ना बैठ जाता है आराम से एक बार ट्यूमर इंड्यूस कर दिया तो उसकी डिजायर्ड प्रोटीन उसको जिंदगी भर मिलती रहेगी बैठ के खाएगा लाइफ टाइम ठीक है एक बार ये एक डाइकॉट प्लांट में एंटर करेगा तो टी डीएनए की मदद से ट्यूमर इंड्यूस कर देगा और ट्यूमर तभी तो हो सकता है जब अपने प्लाज्मिट को लाइकॉट प्लांट के जेनेटिक मिटेरियल के संग जोड़ने में कैपेबल है ये आप समझ गए ना मेरी बात वो इसके पास कैपेबिलिटी है इसने इंड्यूस कराया अंदर एंटर कर गया और अंदर जाकर के इसने अपने प्लाज्मिट को मेन डीएनए के संग जोड़ लिया तो ऐसे समझ ना मेरी बात ऐसे प्लाज्मिट जो मेन डीएनए से जुड़ने में कैपेबल होते हैं उनको एपिसोम बोलते हैं पता होगा आपको ठीक है प्लाज्मिट सेल्फ रेप्लिकेटिंग और वो प्लाजमेट जो मेन क्रोमोसोम से जुड़ जाते हैं उनको एपिसोम बोलते हैं ठीक है तो समझ में आ गया होगा टी टी आई प्लाजमेट जिसके बाद टीडीएन ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए इसकी मदद मतलब से डाइकोट प्लांट के अंदर ट्यूमर बना देता है फिर ट्यूमर बनने से ये कुछ खास टाइप की प्रोटीन बनाते हैं सारे सेल इस डीएनए की मदद मतलब से और इस ये बैक्टीरिया उन प्रोटीन को आराम से यूटिलाइज करता है ये एक प्रॉब्लम थी डाइकोट प्लांट के अंदर तो साइंटिस्टों ने देखा यार ये तो बड़ी खतरनाक प्रॉब्लम है पर इसको उन्होंने यूटिलाइज किया क्या यूटिलाइज किया यार इस बैक्टीरिया के पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि अपने डीएनए को प्लांट के डीएनए के संग टैग कर लेता है जोड़ लेता है क्यों ना हम इस बैक्टीरिया के उस डीएनए को ढूंढे ठीक है जो पैथोजेनेसिटिक रिस्पॉन्स उसको हटा दें जो पैथोजेनिक डीएनए उसको हटा दें ठीक है उस या उसकी इफेक्ट को कम कर दें उसकी जगह ठीक है अपने डीएनए को टैक कर वहां पर तो क्या होगा यह प्लांट के अंदर एंटर करेगा और अपने डीएनए को जोड़ेगा तो हमारे डिजायर डीएनए को भी तो जोड़ देगा साथ में उसके आप समझ गए ना मेरी बात तो जब उसके संग जोड़ देगा तो हमारा डीएनए भी प्लांट के संग जुड़ जाएगा और कंटिन्यू अपनी प्रोटीन बनाएगा या उसके अंदर क्या करना अपना वर्क करना चालू कर देगा अगर हमने यह काम प्लांट के अंदर एम्ब्रोनिक स्टेज पर किया तो यह पूरे प्लांट के अंदर वो जीन ट्रांसफर हो जाएगा और उसके सीड में भी ट्रांसफर हो जाएगा और उसकी नेक्स्ट प्रोजेनी में भी जाएगा इसी तरीके से हमने क्या बनाया जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाए हेल्प ऑफ दिस वेक्टर जो वेक्टर में कहा मिला भाई कौन सा प्लाजमेट है, आप ठीक है? बस उसके वाली इस को सप्रेस कर दिया हटा दिया उसकी जगह अपना डिजायर्ड जीन जोड़ दिया और प्लांट में इंट्रोड्यूस इं, 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 करा दिया तो जितने भी प्लांटों के अंदर आप किसी भी जीन को इंट्रोड्यूस कराते हो तो कौन सा बैक्टीरिया यूज करने वाले हो ठीक है एग्रोबैक्टीरियम बैक्टेरिया समझ गए ना मेरी बात तो इस बैक्टीरिया की मदद से आप किसी भी प्लांट के अंदर अपना जीन को इंट्रोड्यूस जैसे बताया था मैंने नेपस ठीक है प्लांट था सरसों की एक वैरायटी है इसमें आपने के जीन को इसी टीआई आई में जोड़ करके एंटर कराया इंट्रोड्यूस कराया तब हिरोडिन उस प्लांट में ब्रेसिका नेपस के अंदर प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया ठीक है और उसके सीड में भी ट्रांसफर होना स्टार्ट हो गया यही तो है टेक्नोलॉजी ठीक है तो ध्यान रखना है आपको वापस आ रहा हूं मैं पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकॉट प्लांट क्वेश्चन होते हैं उनका है, पैथोजनिटी होती है क्या करने की डिलीवर टी डीएन टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल इन टू ट्यूमर सेल ट्यूमर प्रोड्यूस कर दिया उसने ठीक है और डायरेक्ट डिस ट्यूमर सेल प्रोड्यूस द केमिकल अब जो ट्यूमर सेल कुछ केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जो पैथोजन को रिक्वायर्ड होते हैं तो ये उसका एक ठीक है मैकेनिज्म था ठीक है पर हमने इस चीज को आइडेंटिफाई किया और उसको मॉडिफाई किया द ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआई प्लाजमिटेक्टीरियम का जो प्लाजम था ट्यूमर इंड्यूसिंग नाउ इसको हमने क्या कर दिया मॉडिफाई किया मॉडिफाई करके हमने क्या कर दिया क्लोनिंग वेक्टर की तरह इसको यूज करना स्टार्ट किया ठीक है क्लोनिंग वेक्टर विच इज नो मोर पैथोजेनिक टू प्लांट प्लांट के लिए पैथोजेनिक नहीं होगा बट स्टिल एबल टू यूज द मैकेनिज्म ठीक है टू डिलीवर जीन ऑफ अवर इंटरेस्ट इन टू वेराइटी ऑफ प्लांट और ये डिफरेंट टाइप के जीन जो हम चाहते थे उनको वेराइटी ऑफ प्लांट में एंटर करने में कैपेबल था आप समझ गए ना मेरी बात तो इसकी क्वालिटी को हमने यूज किया जैसे एनिमल की अगर बात करते हैं तो एनिमल के अंदर आपको पता है डिफरेंट टाइप के रिट्रो वायरस होते हैं जो फैल रहे हैं कोरोना वायरस आपको पता ही है ठीक है डिफरेंट आर एन ए वायरस जब भी बात होगी जितने तो रिट्रो वायरस एच आई वी ठीक है या जो भी है ठीक है अगर आर एन ए वायरस की हम बात करते हैं रिट्रो वायरस तो ये क्या करते हैं अपने जेनेटिक मटेरियल को हमारे या जितने भी वायरस हैं अपने जेनेटिक मटेरियल को हमारे जेनेटिक मटेरियल के संग जोड़ लेने में कैपेबल होते हैं तो क्योंकि उनके पास इंटीग्रेज एंजाइम होता है आप समझ गए ना मेरी बात तो ह्यूमन जीन मतलब मैं किसी भी जीन को फॉरन जीन को अगर जोड़ना है तो आप रेट्रो यूज करोगे पर उसकी पैथोजेनिक सिटी को हटा दोगे उसकी जगह अपने जीन को जो सेम वही मैकेनिज्म यूज करना है ठीक है प्लांट के अंदर एग्रोबेट्रीम ट्यूमिफिशियंस के टीआई प्लाजमेट को क्राउन इज अ क्राउन क्राउनकाल क्या है ट्यूमर तो ट्यूमर प्रोड्यूस हो गया क्राउन कल बन गया ये प्लांट सेल है ठीक है उसके अंदर ये एंटर कर गया समझ में आ गया होगा ठीक है ऐसे ही हमने एनिमल में एनिमल में किसको यूज किया रेट्रोवायरस को यूज किया एनिमल के केस में रेट्रोवायरस को यूज किया जिसके पास सेम इसी तरीके से एवेबिलिटी होती है ठीक है सेम वही सब चीजें सेम सब कुछ वैसे ही करके हमने उसको भी यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया ठीक है अब हम बात करते हैं एक नोटेबल पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है शटल वैक्टर भाई ऐसे वेक्टर जिनके पास प्रो दोनों में एंटर करने की कैपेसिटी होती है यानी दोनों में रेप्लीकेशन कर सकते हैं मीन दो टाइप के ओ आर आई सिक्वेंस होते हैं प्रो कैरियोट में एंटर करना है तो प्रो कैरेट वाला ओर आई साइड काम करेगा यू में एंटर करना है तो यू कैरिया ओर आई साइड काम करेगा ठीक है इनको शटल वेक्टर बोलते हैं तो शटल वेक्टर दो टाइप के ध्यान रखना है आपको रेप्लीकेशन इन बोथ प्रो कैरियाआउट ठीक है इनको हम शटल वेक्टर बोलते हैं क्योंकि इनके पास टू टाइप के ओर आई साइट होते हैं तो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक सेल हो प्रोकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक सेल्स सेल हो दोनों के अंदर ये मल्टीप्लाई या एंटर करने में कैपेबल होते हैं क्योंकि दो टाइप के ओर सीक्वेंस इनके पास होते हैं ठीक है रेप्लिकेशन इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट तो शटल वेक्टर बोलते हैं एक्साम्पल एक ईस्ट एपिजोमल क्रोमोसोम और एक टीआई प्लाज्मिड टीआई प्लाज्मिड आपके सामने ही है बैक्टीरिया में ये प्लाज्मिड मिलता है वहां तो मल्टीप्लाई करता ही है पर ये प्लाजमेट के पास एक दूसरा ओ वर साइड भी है जो डाइकउ प्लांट में एंटर करके वहां भी मल्टीप्लाई करने में कैपेबल होता है तो मॉडिफाइड टीआई आई और ईस्ट एपिजोल प्लाज्मेट बोथ आर शटल वेक्टर काफी क्वेश्चन पुराने मिल जाएंगे आपको इसलिए मुझे लिखाना पड़ा ठीक है तो वैक्टर वाला बात तो एकदम मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी कहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए ठीक है वैक्टर आप समझ चुके हो क्या होते हैं क्या प्रॉपर्टी है किस तरीके से इनकी प्रॉपर्टी को मैंने आइडेंटिफाई कराया कि सेलेक्टेबल मार्कर रिस्ट्रिक्शन साइट्स और ओ साइट्स इसके बेस पर हम क्या क्या, क्या किसको अलग कर सकते हैं एकदम क्लियर है प्लांट का केस है तो एग्रो बैक्टेरियम यूज करेंगे क्योंकि उसके बाद टीआई प्लाजमेट होता है एनिमल का केस अगर है तो उसके लिए हम रिट्रो यूज करेंगे बैक्टीरिया का केस है तो हम प्लाजमेट या बैक्टेरियोफास यूज करेंगे एकदम क्लियर है क्या एक एक चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट होस्ट भाई होस्ट कॉम्प्लीमेंट होस्ट का मतलब है ऐसा होस्ट जो इस प्लाजमिक को टेक करने में कैपेबल हो लेने में कैपेबल हो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है अब ये मैकेनिज्म मैके बहुत जरूरी है जैसे मान लो जो तो एनसीआरटी की लाइन लिख दी है मैंने अब समझो एक बीकर है ठीक है बीकर के अंदर बैक्टीरिया पड़े हुए बैक्टीरिया है मान लो कोलाई e. इसके अंदर आपको एंटर कराना है अपना डिजायरेबल कोई भी प्लाज्मिट है ठीक है इसको एंटर कराना चाहते हो तो क्या करोगे सबसे पहले इसके अंदर आप डालोगे कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। यानी अब क्यों कैल्शियम क्लोराइड डालोगे क्योंकि ध्यान रखना अगर मैं डीएनए की बात करता हूं प्लाज्मिट की बात करता हूं ठीक है तो प्लाज्मिट हाइड्रोफिलिक होते हैं और कोई भी हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल कभी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में कैपेबल नहीं होता यानी ये डायरेक्टली अंदर एंटर नहीं कर सकता पर डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है 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 ड्यू टू फॉस्फेट आपको पता ही ठीक है। है? तो अगर आप कुछ ऐसा करो किसी पॉजिटिव आइन को जो सेल में एंटर करने में कैपेबल हैं उनके संग डीएनए को जोड़ दो तो आपका डीएनए सेल में एंटर कर जाएगा तो यही तरीका मैं बता रहा हूं तो सबसे पहले हमने क्या किया एक बीकर लिया जिसमें प्लाजमेट और हमने ई कोलाई डाल दिए ठीक है हमें कराना क्या ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है क्या करेंगे कैल्शियम क्लोराइड का ट्रीटमेंट देंगे और कैल्शियम क्लोराइड का ट्रीटमेंट देते ही भाई अंदर क्या कैल्शियम आइन कैल्शियम आइन पर चार्ज कैसा होता है कैल्शियम आइन पर चार्ज पॉजिटिव कैल्शियम आइन पॉजिटिव चार्ज और डीएनए पर चार्ज कैसा होता है नेगेटिव प्लाजमेट कहां गया ये प्लाजमेट आ गया डीएनए नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव समझ ही रहे हो बस दोनों मिक्स हो गए अंदर क्या पड़े हुए हैं बैक्टीरिया अभी भी डायरेक्ट नहीं जाएगा आप क्या करोगे इसको हीट शॉक ट्रीटमेंट दोगे जिस बैक्ट जिस बीकर में बैक्टीरिया पड़े हैं उसको आप पहले क्या करोगे गर्म करोगे 42 डिग्री सेल्सियस पर फिर बर्फ पर रख दोगे स्पीकर को फिर गर्म करोगे फिर बर्फ पर रख दोगे फिर गर्म करोगे फिर बर्फ पर करोगे अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाएगी ठीक है जो बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया तो की सेल वॉल के पोर का साइज बढ़ता है कम होता है बढ़ता है कम होता है हीट शॉक ट्रीटमेंट की वजह से और मौका पा करके ये एंटर कर जाता है समझ गया ना मेरी बात तो इसको बोलते हैं हीट शॉक ट्रीटमेंट फोर्टी टू डिग्री सेल्सियस प्लस आइस इसको बोलते हैं हीट शॉक ट्रीटमेंट हीट शॉक दिया आपने हीट शॉक देने पर बस काम बन गया क्या बन गया यानी जितने भी बैक्टीरिया थे एक बैक्टीरिया दिखा देते हैं इस बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया यानी प्लाज्मिट एंटर कर गया प्लाज्मिट की एंट्री हो गई ये तो हम चाहते थे प्लाज्मिट की एंट्री हो गई किसकी हेल्प से कैल्शियम की हेल्प से डीएनए अंदर चला गया ठीक है तो ध्यान रखना है एक ये तरीका है ट्रांसफॉर्मेशन का कि ट्रांसफॉर्मेशन किस किस तरीके से होता है फर्स्ट तरीका क्या है डीएनए पर चार्ज कैसा होता है पता होना चाहिए नेचर क्या होता है ठीक है हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है डायरेक्टली एंटर नहीं करेगा तो आप सबसे पहले कैल्शियम क्लोराइड का ट्रीटमेंट देंगे कैल्शियम क्लोराइड की वजह से इनका अटैचमेंट हो जाएगा ठीक है कैल्शियम मिलाते ही घोलते ही आयनिक फॉर्म में आ जाएगा कैल्शियम आयन अलग में हो जाएंगे कैल्शियम आयन से कौन बाइंड कर जाएगा डीएनए बाइंड कर जाएगा और डीएनए की बाइंडिंग होते ही हीट ट्रीटमेंट दोगे आइस फोर्टी टू आइस फोर्टी टू तो ऑटोमेटिकली ये एंटर कर जाएगा बैक्टीरिया के अंदर तो पहला तरीका ट्रांसफॉर्मेशन का हीट शॉक ट्रीटमेंट है दूसरा तरीका अब क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा कि अगर एनिमल सेल के अंदर किसी डीएनए को एंटर करना है तो किस टेक्निक का यूज करोगे तो एनसीआरटी में एक टेक्निक देखिए माइक्रो इंजेक्शन एनिमल सेल के लिए किसके लिए एनिमल सेल डायरेक्ट क्वेश्चन में लगा एनिमल सेल के लिए आप क्या यूज करने वाले हो माइक्रो इंजेक्शन निडल से आपने सीधे सीधे क्या कर दिया डीएनए को एंटर करा दिया माइक्रो इंजेक्शन फॉर एनिमल सेल और अगर आपसे प्लांट सेल पूछता है कि प्लांट सेल के केस में जिसमें सेल वॉल होती है कि आपने डीएनए को एंटर करना है तो किस टेक्निक का यूज करोगे इसके लिए आप जीन गन यूज करने वाले हो ठीक है इसको जीन गन भी बोलते हैं या बायोलिस्टिक गन भी बोलते हैं जीन गन बायोलिस्टिक गन का मतलब है इसमें भी वही टेक्नोलॉजी यूज करेंगे नेगेटिव पॉजिटिव भाई डीएनए पे चार्ज नेगेटिव ड्यू टू फॉस्फेट ठीक है इसमें हम क्या करते हैं इस गन के अंदर थोड़ा कॉस्टली है इसके अंदर हम टंगस् या गोल्ड के पार्टिकल यूज करते हैं देखो गोल्ड या टंगस्टम

हाई प्रेशर से हम इन पार्टिकल को प्लांट सेल में एंटर करा देंगे मीस डीएनए को मीस वैक्टर को एंटर करा देंगे आप समझ गए तो वैक्टर को अगर प्लांट सेल में एंटर कराना है प्लांट सेल में एंटर कराना है ठीक है डीएनए को या वेक्टर को ठीक है तो एक तरीका तो क्या है हम वो बैक्टीरिया चूज करते हैं जिसके पास टीआई प्लाजमेट है और एनिमल के अंदर एंटर कराना है तो वैक्ट वायरस चूज करते हैं जो रेट्रोवायरस है एक तो वो तरीका है ठीक है इन्फेक्शन से अगर हमें डायरेक्टली इंजेक्ट करना है ठीक है डायरेक्टली इंजेक्ट करना है बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिट को हीट शॉक ट्रीटमेंट दे कोई। प्लांट के अंदर डीएनए को या को डायरेक्टली इंजेक्ट करना है प्लांट के अंदर तो बायोलिस्टिक गन या जीन गन यूज करोगे नेगेटिव पॉजिटिव सेम एंटर कर जाएगा और एनिमल सेल में एंटर कराना है ठीक है माइक्रो इंजेक्शन ये तीन टेक्निक दे रखी है तीनों समझ में आ गई होंगी मुझे लगता है यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए ठीक है तो ये पूरा कंप्लीट हो गया हम भाई टूल्स वाली बात एकदम क्लियर हो गई टूल्स में हम एंड रिस्ट्रिक्शन एंजाम समझ गए क्या होते हैं टूल्स के अंदर हमें समझ में आ गया ठीक है टाइप्स रिस्ट्रिक्शन के साथ पॉलीमरेज कौन सा यूज करते हैं कौन सा यूज करते हैं ठीक है भाई लाइगेजर की क्वालिटी क्या है किस तरीके से नॉन रिकॉम्बर रिकॉम्बरेंट को सेपरेट कर सकते हैं वैक्टर हमारा क्लियर हो गया टाइप्स ऑफ वैक्टर हमारे क्लियर हो गए भाई एनिमल के लिए क्या प्लांट के लिए क्या ठीक है ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं वो सारी टेक्निक हमारी क्लियर हो गई होस्ट वाली बात भी हमारी क्लियर हो गई यानी हमारा टूल्स वाला पार्ट एकदम कंप्लीट अब प्रोसेस पर आ जाते हैं और फिनिश करते हैं इसको अब प्रोसेस तो कर ही लोगे मतलब सारा समझ चुके हो आप पूरा बायोटेक खत्म हो चुकी है अब प्रोसेस तो कुछ है ही नहीं सिंपल है आइसोलेशन ऑफ डीएनए अब फिर से बाबा स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्ट का मतलब सबसे पहले आप डीएनए को आइसोलेट करोगे फिर डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करवाओगे आइसोलेटेड डीएनए को फिर उस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कराने के बाद भाई डीएनए कट तो करा लिया फिर उसको उस डीएनए में से अपना डिजायर डीएनए आइसोलेट तो करना है तो जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस करोगे जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस ठीक है इसमें जेल यूज करते हैं ठीक है उसकी बेस पर आपने डिजाइर डीएनए को आइसोलेट कर लिया फिर उस डीएनए की मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए पीसीआर में डालोगे बहुत सारी कॉपी मिल गई अभी तो काम कर पाओगे जब उस पर्टिकुलर डिजायर्ड जीन है एक जीन पे तो काम होगा नहीं जब मल्टीपल कॉपी मिल जाएंगी पीसीआर से तब जाकर के आप रिकॉम्बिनेंट बनाओगे रिकॉम्बिनेंट से ट्रांसफॉर्मेंट बनाओगे और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के थ्रू ठीक है अपना ठीक है जो भी डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसको आइसोलेट कर लोगे वही चीज हम यहां समझाने वाले हैं स्टेप बाई स्टेप तो आइसोलेशन ऑफ डिजायर डी फिर एम्प्लीफिकेशन करोगे उसका फिर उसको लाइगेशन करोगे ठीक है के संग जोड़ोगे फिर के संग जोड़ने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन करोगे और ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद क्या करने वाले हो ठीक है इसको होस्ट में एंटर करा करके एक लार्ज स्केल पर अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसको ऑप्टेन करोगे तो ये पूरा प्रोसेस हो गया अगर प्रोसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं आइसोलेशन ऑफ जीन सिंपल है ठीक है सिंपल सिंपल स्टेप्स हैं भाई सबसे पहले जीन जहां से आइसोलेट करना है जैसे मानो आपको बैक्टीरिया से जीन आइसोलेट करना है तो पहले जीन को आइसोलेट करने के लिए उस बैक्टीरिया को फ्लास्क में ग्रोथ कराओगे ठीक है मीडियम डाल दिया और बैक्टीरिया बैक्टीरिया दिखेगा नहीं भरा पड़ा है ठीक है भाई बैक्टीरिया की ग्रोथ करा लिया आपने ठीक है आप क्या करोगे बैक्टीरिया के अंदर ही तो होगा क्या आपका डीएनए तो उसको आइसोलेट करने के लिए बैक्टीरियल वॉल को ब्रेक करना पड़ेगा ठीक है तो आप क्या करोगे ब्रेक डाउन ठीक है वॉल को ब्रेक करने के लिए तो क्या करना होगा ठीक है अब समझ अगर आप यहां मैं लिख देता हूं ब्रेक करने के लिए क्या क्या तरीके यूज कर सकते हैं अगर आप बैक्टीरिया यूज कर रहे हो तो क्या यूज करोगे मान लो आप बैक्टेरिया की जगह एनिमल सेल यूज कर रहे हो एनिमल सेल में भी बैक्टीरिया वाला काम कर जाएगा प्लांट सेल यूज कर रहे हो हाँ तो अलग यूज करना पड़ेगा आपको तो क्या यूज करोगे अफंगल सेल के लिए भी अलग यूज करना पड़ेगा बैक्टीरिया के केस में आप एंजाइम यूज करोगे इस बीकर में डालोगे इसकी सारी को ब्रेक करने के लिए लाइसोजाइम लाइसो प्लांट सेल यूज कर रहे हो तो सेल्यूलोस को ब्रेक करने के लिए सेल्यूलेज और अगर फंगल सेल यूज कर रहे हो तो काटिन की वॉल होगी तो बस ये ध्यान रखना है आपको भाई बैक्टीरियल ठीक है भी ग्रोथ हो सकती है प्लांट सेल की भी ग्रोथ हो सकती है या आप यहां पर फंगल की भी करा सकते हो यानी जिससे आपको अपना डिजायर्ड जीन आइसोलेट करना है उसकी ग्रोथ कराओगे फिर ब्रेक डाउन ऑफ वॉल वॉल को ब्रेक करने के लिए इन एंजाइम्स को यूज करोगे तब क्या हो जाएगा अंदर ब्रेकडाउन हो जाएगा इन एंजाइम को यूज करने से क्या हो जाएगा ठीक है इस बीकर में आपको सारा मटेरियल रप्चर्ड कंडीशन में मिलेगा ठीक है इसमें डीएनए भी होगा इसमें आर भी होगा इसमें इनकी प्रोटीन भी होगी पर आपको चाहिए क्या डीएनए चाहिए ठीक है तो अब क्या करना पड़ेगा आपको नेक्स्ट समझना उस बीकर में जो तीनों चीजें हैं ठीक है तो इसमें आपको क्या क्या ऐड करना पड़ेगा इसमें आपको ऐड कराना पड़ेगा डीएनए चाहिए आरएनए नहीं चाहिए तो राइवो ठीक है न्यूक्लियस आरएनए को ब्रेक कर देंगे प्रोटीन को ब्रेक कर देंगे बचेगा क्या डीएनए यानी अब यहां राइवो न्यूक्लियस आरएनए के लिए काम करेंगे आरएनए को खत्म कर देंगे प्रोटीएस प्रोटीन को काम करेंगे खत्म कर देंगे बचेगा क्या इसके अंदर आप बोलोगे प्रोटीन सॉरी डीएनए बचेगा ओनली क्या बचेगा इसमें डीएनए ठीक है आपने इस बीकर में दो एंजाइम को ऐड कर दिया डीएनए बच गया इसको आप सेंट्रीफ्यू कराओगे सेंट्रीफ्यू समझते हो ना एक मशीन होती है उसमें सेंट्री कराते हैं इन तीन की अलग अलग लेयर बन जाएंगे डीएनए की अलग लेयर आ जाएगी जो ब्रेक हुआ आ रहे हैं उसकी अलग लेयर आ जाएगी और प्रोटीन की अलग लेयर आ जाएगी ठीक है डीएनए को आप सेपरेट कर लोगे इसके अंदर से एक अपन ट्यूब है ट्यूब में आपको क्या मिलने वाला है ओनली ओनली डी एन ए पर डीएनए दिखेगा नहीं अभी ठीक है अब डीएनए को देखना है तो इस ट्यूब में आपको ऐड कराना पड़ेगा क्या डीएनए इनविजल डीएनए पड़ा है ठीक है डीएनए को प्रेसिपिटेड में लाने के लिए आपको इसमें कुछ और ऐड करना पड़ेगा क्या ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर चील्ड इथेनॉल चील्ड इथेनॉल इथेनॉल डालते ही क्या हो जाएगा प्रेसिपिटेशन हो जाएगा ये प्रेसिपिटेशन डीएनए के प्रेसिव पीरियड को आप नेकेड आई से देख सकते हो ठीक है और प्रेसिव पीरियड हो जाएगा तो एक लूपिंग मेथड से लूपिंग मेथड से आप इसको क्या कर लोगे सेपरेट भी कर लोगे ये आइसोलेशन हो गया सबसे पहले आपने जिससे डीएनए को आइसोलेट करना है उसकी ग्रोथ कराओगे फिर एंजाइम का यूज करके उसकी वॉल को ब्रेक करोगे जिसमें डीएनए आरएनए प्रोटीन देखने को मिलेगी इसमें आरएनए और प्रोटीन को खत्म करना होगा डीएनए को मेंटेन करना होगा तो आरएनएस मतलब आर का मतलब है ठीक है राइवोन्यूक्लिएस और प्रोटीन इसमें ऐड कर दोगे ये डाइजेस्ट हो जाएंगे डीएनए बचेगा ठीक है डीएनए बचेगा अब सेंट्रीफिकेशन करके आप और तीन बैंड बनेंगे उनमें से आप इन दो को तो हटा दोगे इसको सेपरेट कर लोगे डीएनए मिल गया आपको ये डीएनए है पर डीएनए इनविजिबल है ठीक है इसको थोड़ा प्रेसिपिटेट चाहते हो तो चील्ड इथेनॉल डाल दोगे चील्ड इथेनॉल डालते ही इसका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा प्रेसिपिटेशन होते ही एक लूपिंग मेथड होता है लूपिंग मेथड से इसको उठा करके अलग निकाल लोगे ये डीएनए आपका आपके पास आ गया ठीक है एक प्रेसिपिटेट की फॉर्म में अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल करके क्या करना है उसको फ्रेगमेंट करने हैं कर देते हैं फ्रेगमेंट फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वही यूज करोगे जो वेक्टर के लिए यूज कर रहे हो ठीक है तो अब ये क्या करने वाले यहां पर अगेन डीएनए आपको मिल चुका है बस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अप्लाई करोगे अब डीएनए के क्या मिल जाएंगे आपको फ्रेगमेंट मिल जाएंगे फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए ठीक है डीएनए के फ्रेगमेंट मिल गए अब इन फ्रेगमेंट में कोई एक ऐसा फ्रेगमेंट भी होगा कुछ फ्रेगमेंट वो होंगे जहां आपका डिजायरेबल जीन होगा ठीक है कुछ फ्रेगमेंट इसमें ऐसे भी होंगे जिनमें आपका डिजायरेबल जीन होगा अब उस जीन को आपको आइसोलेट करना है ये तो मैं दिखा दे रहा हूं पर देखेगा नहीं आपको समझ तो नेकेड आइट से नहीं देखेगा ये अब आपको इन फ्रेगमेंट को आइसोलेट करना है जिसमें आपका डिजायरेबल जीन है आप समझ गए ना मेरी बात तो आप क्या करोगे इसके लिए एक टेक्निक यूज करोगे जेल इलेक्ट्रोफोरसिस ठीक है उसके लिए अब नेक्स्ट आते हैं सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर डीएनए फ्रेगमेंट बाय जेल इलेक्ट्रोफोरसिस तो जेल इलेक्ट्रोफोरसिस में करते क्या है बेटा दो ग्लास की प्लेट लेते हैं उसके बीच में एक जेल होता है ठीक है एगेरोज जो रेड एल्गा ठीक है रेड एल्गा समझ रहे हो ना रेड एल्गी को के ड्राई करके इसको बनाया जाता है बहुत सारी जगह यूज होता है इंडस्ट्री के अंदर एगेज जेल ठीक है बिल्कुल पाउडरी फॉर्म में होता है जब उसको आप ठीक है उसमें ठीक है डिजोल्व करते हो वाटर के अंदर तो वो एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाता है तो उसको उठा करके दोनों कांस की प्लेट के बीच में बड़ा तरीके से बनाए जाते हैं वो ठीक है उसको भर देते हो लिक्विड को देन आफ्टर सम टाइम वो एकदम सोलिडिफाई होता है जेल फॉर्म में आ जाता है ठीक है जिसमें ऑलरेडी हम बैल कुछ बैल टाइप के बनाते हैं ठीक है ऑलरेडी वो सिस्टम बना हुआ होता है एक कॉम रख देते हैं जब तक तो लिक्विड फॉर्म में होता है जम जाता जा है तो कॉम को कोटा देते हैं तो शेप बन जाती है बैल की जेल जिसमें छोटे छोटे बैल बने हुए हैं तो ये हमारा तैयार हो गया और इस, इस जेल को हम इंस्ट्रूमेंट पर रखते हैं जहां पर एक तरफ एनोड एनोड लगाते हैं एक तरफ कैथोड लगाते हैं आप समझाता हूँ पूरी की पूरी बात ठीक है तो यहां पर क्या कर रहे हैं पूरा पहले समझा दू तब इसको हम यूज करते हैं मैकेनिज्म को देखो ये एक मीडियम है यहां पर सलाइन सॉल्यूशन है ठीक है बफर भी बोल सकते हो आप ठीक है ये दो तो ग्लास की प्लेट है जिसके बीच में आपने जेल को फिल कर दिया और यहां पर ये यह आपने बेल को बनाने के लिए पहले कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर रखा था बाद में जब जम गया तो कॉम्ब को अलग कर दोगे तो ऐसे बेल बन जाएंगे ये बेल बन गए ठीक है जिसमें आप सैंपल को फिल करोगे सैंपल का मतलब है डीएनए ठीक है तो यहां डीएनए को फिल करने वाले हो अब दूसरी बात ध्यान रखनी है आपको क्या यहां दो चीजें याद रखनी है आपको एक तरफ को लगाना एनोड और एक तरफ लगाना कैथोड ठीक है यहां अप्लाई करने वाले हो आप जहां बैल बने हुए हैं ठीक है थीके? जहां बैल है वहां कैथोड यूज करोगे चार्ज कैसा होता है नेगेटिव चार्ज और उसका अपोजिट डायरेक्शन है ठीक है यहां पे भी इलेक्ट्रोड लगा दिया आपने ठीक है यहां पर भी इलेक्ट्रोड लगा हुआ है कौन सा इलेक्ट्रोड लगा दिया यहां पर यहां दिखा देते हैं अपोजिट डायरेक्शन में अच्छा दिखाई दिया पॉजिटिव इनो तो एनोड पॉजिटिव चार्ज। दो बातें तो याद रखनी सैंपल का मतलब है क्या सैंपल है, है, है।, है।, है? 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 है तो जो भी आपका डीएनए फ्रेगमेंट्स है वो नेगेटिव चार्ज के वो इन सब बैलों में फिल कर दोगे तो ठीक है जहां से आपको फिल करना है एक में आपने मार्कर भी लगाते हैं समझाता हूं मैं बचे हुए फ्रेगमेंट्स भी डालते हो फ्रेगमेंटेड डाल दोगे कई सैंपल बनाए आपने कहीं में डाल दोगे ये डिपेंड करता है बस, बस मेन है ठीक है आपने ये सैंपल डाल दिया इसके अंदर ठीक है सैंपल डाल दिया जब सॉलिडिफाई हो गया इधर आपने एक तरफ लगाया कैथोड एक तरफ लगाया एनोड ठीक है सैंपल फिल कर दिया ठीक है अब एगर जेल ठीक है के अंदर से समझना मेरी बात भाई एक तरीके से कह सकते हो कि उसको इसका फ्लो होगा किसके बेस पर ऑन द बेसिस ऑफ साइज जो हल्के फ्रेगमेंट्स होंगे वो तेजी से भागेंगे और जो हैवी फ्रेगमेंट्स होंगे वो पीछे रह जाएंगे ठीक है वही समझाना चाह रहा हूं मैं वापस आ रहा हूं समझ डीएनए फ्रेगमेंट आर नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल दे कैन बी सेपरेटेड बाय द फोर्सिंग दैम मूव टूवर्ड्स द एनोड ठीक है फोर्सिंग दैम टूवर्ड्स द एनोड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रो मीडियम या मैट्रिक्स उसके थ्रू पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड पास करते हैं एक तरफ एनोड एक तरफ कैथोड जहां एनोड लगा हुआ है तो एनोड की तरफ मूवमेंट होगा किसका डीएनए का क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव क्या करेगा रिपेल करेगा भाई नेगेटिव नेगेटिव क्या करने वाला है भाई डीएनए पे नेगेटिव चार्ज ये नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव प्रेशर डालेगा फोर्स जनरेट करेगा पॉजिटिव नीचे अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव को इसकी बेस पर सेपरेशन होगा और सेपरेशन किसके बेस पर हो रहा है मिल्ली चार्ज चार्ज तो फोर्स जनरेट कर रहा है और किसके बीच में सेपरेशन हो रहा है साइज के छोटे सेगमेंट तेजी से भागेंगे हैवी सेगमेंट धीरे धीरे चलेंगे पीछे रह जाएंगे ठीक है यही इसी के बेस पर तो हैवी हैवी सेगमेंट के सेगमेंट पीछे होंगे स्मॉल सेगमेंट आगे निकलते जाएंगे ठीक है तो एक चीज समझ में आ गई होगी आपको नाव डे द मोस्ट कॉमन यूज मैट्रिक्स आप जैसे मैट्रिक्स यूज करते हैं वो जेल है ठीक है एक पॉलीमर होता है नेचुरल पॉलीमर कहां से एक्सेप्ट करते हैं सीवीड कौन सी सीवीड रेड एल्गा अभी बताया मैंने ठीक है इससे इसको आइसोलेट करते हैं द डीएनए फ्रेगमेंट से रिजोल्व अकॉर्डिंग टू दियर साइज वेरी 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 इंपॉर्टेंट किसके बेस पर डीएनए का सेपरेट सेपरेशन होता है आप बोलोगे साइज के बेस पर थ्रो सीविंग इफेक्ट हिंदी में कैशिकात वो बोलते हैं ठीक है सीविंग इफेक्ट सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड बाई द जेल यानी एग्रोज के अंदर पोर्स होते हैं एग्रोज को मैं दिखाऊं डायग्राम ठीक है एग्रोज का तो एग्रोज इस तरीके से होगा ये इस तरीके से इस तरीके से ठीक है इस तरीके से इस तरीके से इंटरनल माइक्रोस्कोपी डायग्राम देखोगे ना इस तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं हैं उसके अंदर ऐसे 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 तो ये क्या तो है पोर्स इन पोर के अंदर से किसका मूवमेंट होगा इन पोर से डीएनए का मूवमेंट होगा जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे चलेंगे इन पोर से होते हुए जो स्मॉल पार्टिकल हैं स्मॉल फ्रेगमेंट्स हैं वो तेजी से भागेंगे इन पोर से होते हुए समझ रहे हो ना मेरी बात तो एक चीज समझ में आ गई होगी आपको बेसिक क्या है भाई प्रिंसिपल क्या है डीएनए के फ्रेगमेंट आपने इन बेल में फिल कर दिए हैं एक तरफ कैथोड एक तरफ एनोड लगा दिया है जो फोर्स जनरेट करेगा फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है नेगेटिव निगेटिव डीएनए पे नेगेटिव चार्ज कैथोड लगा दिया नेगेटिव नेगेटिव पुश करेगा पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेगमेंट या साइज ऑफ डीएनए आप समझ रहे हैं डीएनए के साइज के बेस पर क्या हो जाएगा सेपरेशन हो जाएगा सिंपल ठीक है तो ये आपने जब रन करा लोगे तो बाद में इन ग्लास की प्लेट को अलग करोगे जेल को धीरे से उठा करके अलग करोगे ठीक है जेल को अलग एक प्लेट में रखोगे अब डीएनए बैंड दिखेंगे नहीं आपको अब डीएनए के बैंड को आपको देखना है तो एक डाई डाई समझते हो ना ठीक है एक क्रोमोजेनिक सबस्टेंस ठीक है एक स्टेनिंग एक आता है एथिडियम ब्रोमाइड एथिडियम ब्रोमाइड को यहां पर अप्लाई करोगे कौन सी डाई एथिडियम ब्रोमाइड ठीक है तो एथिडियम ब्रोमाइड को आप यहां पर अप्लाई करोगे ठीक है और यूबी लाइट डालोगे कौन सी लाइट डालोगे यहाँ पर यूबी अल्ट्रा वायलेट रेस डालने वाले हो आप यहां पर ठीक है और डाई कौन सी लगोगे स्टेनिंग किससे करोगे एथिडियम ब्रोमाइड, ठीक है ऑरेंज कलर के बैंड आ रहे हैं ठीक है दिखा देते हैं यहां पर ठीक है कलर कैसा आएगा इसकी वजह से ऑरेंज कलर आ जाएगा ठीक है तो एक बात क्लियर होगी हमारी क्या द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुलाइज़ ठीक है किसके थ्रू आप उसको विजुलाइज़ कर सकते हो ठीक है विजुलाइज आफ्टर स्टेनिंग इसके थ्रो एथिडियम ब्रोमाइड एथिडियम ब्रोमाइड से आप स्टेनिंग करोगे इसको ठीक है यूवी रेडिएशन उसके ऊपर अप्लाई करोगे ठीक है आपको ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड दिखने स्टार्ट हो जाएंगे ठीक है बस यही हम चाहते थे फिर बाद में उसको एल्यूशन करोगे समझाता हूं एल्यूशन क्या है ठीक है तो सबसे पहले क्या, क्या किया आपने इसको स्टडी भी समझाता तो हूं कैसे करनी है सबसे पहले आपने क्या किया एथिडियम ब्रोमाइड इस पर अप्लाई किया सॉल्यूशन जिसकी वजह से इसमें ऑरेंज कलर आ गया ऑरेंज कलर आ जाने के बाद आप क्या स्टडी कर रहे हो क्या आइडेंटिफाई करोगे तो आप समझना मेरी बात यहां तो आपने डाला है एम फॉर मार्कर मार्कर ठीक है अब इस मार्कर में क्या आपको आइडेंटिफाई तो समझना इस मार्कर के अंदर आप जानते हो ये इंडिकेटर है पहले इस मार्कर में बताता है मान लो यहां पर ये यह 300 बेस पेयर के सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है इससे ऊपर वाला मान लो ठीक है ये अप्रोक्सीमेटली मान के चलो 400 हंड्रेड बेस पेयर के सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है इससे ऊपर वाला मान लो ठीक है 500 500 बेस पेयर के सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है ठीक है ये बेस पेयर हैं सारे के सारे इससे और नीचे जाओगे तो ये आप बोलोगे 200 बेस पेयर के सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये नीचे आते जाओगे लाइट बेस पेयर ऊपर जाते जाओगे हैवी बेस पेयर ये मार्कर है ये इंडिकेटर है जिससे आप अपना सेगमेंट टूटोगे ये आपने सैंपल रन कराए ठीक है मानो कई सैंपल रन कराए ठीक है मानो आपका मेन सैंपल ये वाला है जिसमें आपने जेल फिल किया था इसमें आपका जो अपना डिजायरेबल डिजायरेबलगमेंट जो फ्रेगमेंट था वो थ्री हंड्रेड पेयर का था इसके सामने देखो कौन सा बेस पेयर आ आ रहा है ये ये आ गया, ये मिल गया गया मिल आपको अपने मतलब का फ्रेगमेंट यानी आपका डिजायरेबल जीन मान लो इंसुलिन जीन था वो इसके अंदर मिल जाएगा आप समझ गए ना मेरी बात तो अब क्या करोगे इस जेल को डीएनए को निकाल नहीं सकते हो खराब गड़बड़ हो जाएगा पूरे जेल को कट करोगे इसको बोलते हैं इल्यूशन ठीक है ये क्या करोगे इल्यूट आउट करोगे आप समझ गए ना मेरी बात तो ये भी कितने बेस पेयर का है मान लो थ्री हंड्रेड पेयर का सेगमेंट है बस ये तो चाहते थे निकाल लिया हमने इल्यूजन इल्यूजन का मतलब होता है कट करके जेल को कट करके निकाल लेना इल्यूट आउट कर लेना ठीक है इल्यूजन कर लिया जेल को कट किया उठा करके टेस्ट ट्यूब में डाल दिया टेस्ट ट्यूब गर्म करेंगे तो जेल डिजोल्व हो जाएगा डीएनए अलग हो जाएगा फिर सेंट्री करके डीएनए आपको मिल गया यानी वो सेगमेंट मिल गया जिसमें आपका डिजायरेबल जीन था आप समझ पाएंगे बहुत सिंपल तरीके से एनसीआरटी का डायग्राम भी देख लो एनसीआरटी क्या समझाना चाह रही है वन टू थ्री फोर लाइन यूज किया हैं उन्होंने ठीक है टिपिकली एग्रो जेल इलेक्ट्रोपोरोसिस सो माइग्रेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड जो लाइन फर्स्ट है ये क्या है अनडाइजेस्टेड इसमें डाइजेशन नहीं किया ठीक है ये अनडाइजेस्टेड है ठीक है एंड डाइजेस्टेड सेट ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट लैंड टू टू फोर यह सब डाइजेस्टेड फ्रेगमेंट हैं ठीक है जिनका हम डाइजेशन कर दिया फ्रेगमेंट बना दिए जो आप समझ रहे हो यहां पर जो सेपरेशन हो रहा है वो किसके बेस पर हो रहा है साइज के बेस पर इस साइज के बेस पर ओह हो सेपरेशन साइज के बेस पर हो रहा है ठीक है थीके? जो लार्जेस्ट सेगमेंट है वो पीछे रह जाएंगे लार्जेस्ट वाले पीछे रह जाएंगे स्मॉलेस्ट वाले क्या जाएंगे आगे जाएंगे अब समझ गए ना मेरी बात लार्जेस्ट वाले पीछे रह गए स्मॉलेस्ट वाले आगे निकल गए ठीक है अब यहां एक्चुअल में तो इनको एक मार्कर भी रन करना चाहिए था मार्कर के बेस पर हम क्या कर लेते अपना डिजायरेबल जीन जैसे मान लो आपका ये डिजायरेबल जीन था ये मान लेते हैं ठीक है या डिजायरेबल था यानी जो जो जीन आपको चाहिए था वो इस सेगमेंट में था वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया फिर सेगमेंट को आप क्या करोगे इलिफ्ट आउट करोगे इल्यूजन कर लोगे इसका ठीक है इसको इलिफ्ट आउट कर लिया कट करके बाहर निकाल लिया कट करके निकाल करके इसको एक ट्यूब में डालोगे जहां आप डिजोल्व करोगे तो डीएनए का आपका वो फ्रेगमेंट मिल जाएगा इसके अंदर आपको डिजायरेबल जीन था ठीक है आपका जीन मिल गया अब एक जो जीन मिला है आपका इससे आपका काम नहीं हो पाएगा तो इस जीन की मल्टीपल कॉपी बनाने पड़ेगी तो मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए एक छोटा सा स्टूमेंट यूज करोगे पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो टेम्परेचर पर बेस्ड होता है सो कॉल्ड तो तो समझाता हूं अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में मुझे तो लगता नहीं आपको कोई डाउट होना चाहिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपका एकदम कंप्लीट है ठीक है ये सारे क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो अगेर यूज करते हैं क्या बोलते हैं उसको आप बोलोगे ठीक है सी से आइसोलेट करते हैं रेड एल्गा ठीक है उसमें सीव, मेथड होता है क्योंकि पोर होते हैं इसके अंदर बताया अभी तो मैंने इस तरीके से पोर होते हैं जिसके अंदर किसका मूवमेंट होता है आप बोलोगे डीएनए का मूवमेंट फ्रेगमेंट्स का मूवमेंट होता है मूवमेंट के लिए फोर्स कौन जनरेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड एनोड कैथोड डीएनए को किस साइड फिल किया जाता है एनोड या कैथोड ऑलवेज कैथोड क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा किस साइड डीएनए का मूवमेंट होता है टू वर्ड एनोड पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा किसके बेस पर सेपरेशन हो रहा है आप बोलोगे फ्रेगमेंट के साइज के बेस पर फ्रेगमेंट पिछड़े जाएंगे लाइट आगे आ जाएंगे फिर उन फ्रैगमेंट्स को देखने के लिए कौन सी डाई यूज करते हैं है? किस लाइट में होती है? अल्ट्रा अपना डिजायरेबल फ्रेगमेंट मिल जाएगा उसको कट करके बाहर निकालने का मतलब है, आउट कर लिया आपने आपको जीन मिल गया अब उतने जीन से काम नहीं बनेगा उसको एम्प्लीफाई करना पड़ेगा तो पीसीआर तो आप क्या यूज करने वाले एम्प्लीफिकेशन के लिए हम पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन चलो एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय यूजिंग पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन अगर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की बात करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट है इस में हम क्या क्या फिल करने वाले हैं जो आपका डीएनए सैंपल है उसको एड करोगे ठीक है अब मैंने यहां लिख भी दिया है इस सारा क्वेश्चन यहां से मिल जाएगा कि पीसीआर में क्या क्या यूज करते हैं एक तो टू तो टू तो तो सेट ऑफ प्राइमर आप समझते हो प्राइमर का यूज क्या है जैसे मानो ये आपका डीएनए सैंपल है इसके मल्टीपल कॉपी बनाने इस डीएनए से तो पहले आप डीएनए को क्या करोगे अलग अलग करोगे फिर इस डीएनए को अलग करने के बाद ये छोटे से प्राइमर जोड़ोगे इनसे प्राइमर वही तो हमने बात कर टू सेट ऑफ प्राइमर प्राइमर क्यों जोड़ते हैं क्योंकि आपको पता है प्राइमर के पास थ्री प्राइम पर एक ओ एच ग्रुप होता है क्या होता है ओ एच ये थ्री प्राइम है तो थ्री प्राइम पर क्या होगा ओ एच ग्रुप होगा ये फाइव प्राइम हो गया इसका ये इसका फाइव प्राइम हो गया तो ये थ्री प्राइम फाइव प्राइम तो यहां पर थ्री प्राइम

ये डीएनए फ्रेगमेंट सबसे पहले आप इन दोनों फ्रेगमेंट को अलग करने वाले हो ठीक है इनमें प्राइमर को जोड़ोगे एक इस एंड पर प्राइमर जुड़ गया एक इस एंड पर जुड़ गया क्योंकि भाई नया एंड बनाओगे उसके लिए ओएस तो चाहिए किससे जोड़ेंगे आप उसको तो यहां पर यहां पर क्या है यहां पर थ्री प्राइम है यहां फाइव प्राइम है तो यहां पर थ्री प्राइम होगा तो यहां पर फाइव प्राइम होगा तो यहां पर समझ रहे हो इसका थ्री प्राइम यहां फ्री है तो फाइव प्राइम यहां होगा तो इसका थ्री प्राइम यहां होगा तो फाइव प्राइम यहां होगा ये यह तो आपको पता ही है ठीक है थ्री प्राइम क्यों क्योंकि थ्री प्राइम पर ओ OH एच होता है थ्री प्राइम पर ओएच OH होता है और नए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए ओ OH एच ग्रुप चाहिए ना तभी तो किस डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन होगा ऑलवेज फाइव टू थ्री ऑलवेज फाइव टू थ्री ठीक है क्योंकि ओएच OH किस डायरेक्शन में फ्री है थ्री डायरेक्शन में तो फाइव टू डायरेक्शन में पॉलीमराशन होगा अब पॉलीमरेशन के लिए क्या चाहिए एक एक प्राइमर प्राइमर समझ में आ गया प्राइमर की जरूरत है और एंजाइम चाहिए पॉलीमरेज पॉली poly, पर ऐसा पॉलीमरेज चाहिए जो हाई टेम्परेचर पर भी स्टेबल हो क्योंकि यह मशीन के अंदर टेम्परेचर 94-95 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा तो ऐसा पॉलीमरेज हमने ढूंढा एक हॉट स्प्रिंग्स झील के अंदर ठीक है उसमें एक बैक्टीरिया था थर्मस एक्वेटिकस

काम तो बन गया मशीन में इन चारों चीजों को डालना है सिंपल ठीक है तो ये एक छोटा सा ठीक है है पीसीआर को इसलिए बोलते हैं ये पूछा गया क्वेश्चन है सिविल में भी और बायोटेक के जो बड़े बड़े एग्जाम है वहां पर भी ठीक है पुराने क्वेश्चन देखोगे तो वो मिलता है थर्मोसाइकलर क्या है पीसीआर क्योंकि पीसीआर पॉलीमर इस टोटल टेम्परेचर पर बेस्ड है समझाता हूं ये वाली बात भी सारा ख्याल टेम्परेचर का है यहां जो टेम्परेचर की बात करता हूं थ्री टेम्परेचर होते हैं एक इंटी फाइव डिग्री सेल्सियस पर एक काम होता है एक अप्रोक्सीमेटली फिफ्टी टू फिफ्टी टू सिक्सटी डिग्री सेल्सियस मत भूल जाना टेम्परेचर कहीं खेल है सारा और एक सेवेंटी टू डिग्री पर तीन तो स्टेप बाय स्टेप क्या होता है पहले नाइनटी फाइव टेम्परेचर होगा उसमें फिर ये टेम्परेचर आएगा फिर टेम्परेचर आएगा फिर साइकिल घूम जाएगी फिर वापस ये टेम्परेचर आ जाएगा फिर ये रन होगा फिर ऐसे ये चलता रहेगा इन टेम्परेचर का इंपॉर्टेंस क्या है समझाता हूं तभी तो दोस्तों थर्मल साइकिलर बोला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थर्मल साइकिलर क्यों क्योंकि ये टेम्परेचर पर बेस्ड है अब देखो सारा खेल समझ में आएगा अभी देखो सबसे पहले क्या करते हैं इसमें छोटे छोटे बैल बने होते हैं इन बैल में सैंपल को रखना है जिसकी आप करा रहे हो ठीक है देखो यहां पर एक पीसीआर ट्यूब होती है इस पीसीआर ट्यूब में क्या डालना है आपको ठीक है बफर डालना है पर बफर में क्या डालना है आपको बफर में आपको न्यूक्लियोटाइड्स डालने हैं बफर में आपको प्राइमर डालना है बफर में आपको डीएनए सैंपल डालना है बफर में आपको टेक पॉलीमरेज डालना है सब मिक्स कर लोगे फिर बफर को उठा करके आप इसमें डाल दोगे तो डाल दिया ये तो चाहिए हमें प्राइमर चाहिए दो ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड चाहिए आगे जोड़ने के लिए डीएनए सैंपल चाहिए और एक पॉलीमरेज चाहिए टैक पॉलीमरेज बफर में डाला बफर को इसमें डाला इसको हम यहां पर अप्लाई कर देंगे करा दिया अप्लाई बस बटन ऑन करेंगे अब इसकी साइकिल चलनी चालू हो जाएगी अब साइकिल समझ ना क्या होती कुछ भी नहीं ठीक है ये एक डीएनए है पहली स्टेज इसके अंदर आएगी फर्स्ट स्टेज इसको बोलते हैं डी नेचू ठीक है डी नेचुरिंग का मतलब ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ठीक है जब भी रेप्लीकेशन भी होती है तो क्या होता है रेप्लीकेशन में भी ये मानो डीएनए है इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है जब इसमें डीनेचुरेशन होगा मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गए इनके अलग अलग हो गए ये टूट गए हाइड्रोजन बॉन्ड ये तो डीनेचुरेशन है ठीक है डी नेचुरेशन हो गया किस टेम्परेचर पर डीनेचुरेशन होता है 95 डिग्री सेल्सियस पर होता है तो जब इस थर्मल साइक्लर में 95 डिग्री सेल्सियस आएगा ऑटोमेटिकली सारे डीएनए अलग अलग हो जाएंगे ऑटोमेटिकली कुछ दिख नहीं रहा है अपने आप हो रहा है ठीक है फिर ऑटोमेटिकली टेम्परेचर कितना आएगा टेम्परेचर कितना आएगा अब आएगा फिफ्टी टू सिक्सटी डिग्री सेल्सियस अपने आप बस का काम है टेम्परेचर चेंज करना है टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो इसमें जितने भी प्राइमर लगे थे वो अपने आप जुड़ने चालू हो जाएंगे किससे जोड़ने चालू हो जाएंगे डीएनए से प्राइमर के जुड़ने की टेम्परेचर पर होती है फिफ्टी टू सिक्सटी डिग्री सेल्सियस पर चलो नीचे नीचे बनाते हैं ये प्राइमर अटैच हो गए बिल्कुल ये सोच के नहीं पढ़ा रहा हूं कि आपको क्रैश कोर्स आपको बिल्कुल एक बार पढ़ा रहा हूं बस फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी पक्की बात है ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है तो आपके प्राइमर की एनिलिंग हो गई ये एनिलिंग हो गई किस टेम्परेचर पे होती है आप लोग डिग्री टेम्परेचर अब क्या होगा एक्सटेंशन एक्सटेंशन में क्या होगा बस पॉलीमरेज की बाइंडिंग डीएनए के दोनों सेगमेंट प्राइमर जोड़ चुके हैं ठीक है अब पॉलीमरेज की बारी पॉलीमरेज आगे जुड़ गया पॉलीमरेज टेक पॉलीमरेज और टेक पॉलीमरेज आगे क्या करेगा इनको बढ़ाता जाएगा ये कंप्लीट कर दिया ये कंप्लीट कर दिया किस टेम्परेचर पे होता है सेवेंटी टू डिग्री सेल्सियस कुछ भी नहीं है टेंपरेचर टेम्परेचर हुआ अलग यह टेंपरेचर आयालिंग प्राइमर का अटैचमेंट ये टेम्परेचर आया पोलिमराइजेशन अगेन एक डीएनए से दो डीएनए बन गए फिर वापस टेम्परेचर ये आएगा तो ये दोनों फिर सेपरेट हो जाएंगे यही साइकिल चलती रहेगी यही तो है नाइनटी फाइव डिग्री सेल्सियस पर स्टैंड सेपरेट हो गए ठीक है डीनेचुरेशन हो गया फिफ्टी फाइव लिख रखा है उन्होंने पर एक्चुअल में एनसीआरटी में फिफ्टी टू सिक्स दे रखा है ध्यान रखना एनलिंग हो जाएगी एनलिंग के बाद एक्सटेंशन सेवेंटी टू पर एक्सटेंशन होगा एक डीएनए से दो डीएनए बन गए ऐसे ही आप क्या करोगे भाई एक सेम वही सब चीजें आ गई फिर से वही रिपीटेशन आ गया भाई सबसे पहले मेल्ट हुआ किस टेम्परेचर पर मेल्ट हुआ आप समझ गए नाइनटी फाइव पर मेल्ट हुआ एनिलिंग हुई किस पर हुई फिफ्टी टू सिक्सटी पर हुई एक्सटेंशन कितने पर हुआ सेवेंटी टू पर हुआ एक से दो अटैचमेंट एनिलिंग फिर आप अगेन फिर साइकिल चालू हो जाएगी ऐसे ही साइकिल चलती जाएंगी चलती जाएंगी ठीक है और जब थर्टी साइकिल हो जाएंगी अप्रोक्सीमेटली ये एनसीआरटी की लाइन है जब थर्टी साइकिल्स हो जाएंगी तो लगभग लगभग इसमें दे रखा है एनसीआरटी ने कि वन बिलियन ठीक है एम्प्लीफिकेशन हो जाएंगे अप्रोक्सीमेटली वन बिलियन ठीक है वन बिलियन ये क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है क्योंकि एनसीआर में दे रखा है तो बस वही है वही में डायग्राम दे रखा है।, का है हीट किया सेपरेट हो गया एनलिंग हो गई डीएनए पॉलीमरेज पॉलीमरेज काम करना बाद चालू कर देगा डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना चालू कर देगा कंप्लीट थर्टी साइकिल के बाद वन बिलियन डीएनए बन जाएंगे इसी को बोलते हैं एम्पलीफिकेशन टेम्परेचर पर बेस्ड इज कॉल्ड थर्मोसाइकलर थर्मोसाइकलर एकदम क्लियर है यानी आपने डीएनए को आइसोलेट किया उसकी वॉल को ब्रेक किया एंजाइम की हेल्प से डीएनए को बाहर निकाल लिया पर डीएनए में डीएनए नहीं है उसमें डीएनए भी है आर भी है प्रोटीन भी है आर, तो आर और प्रोटी डाल करके सबको डाइजेस्ट करा दिया डीएनए बच गया सेंट्री करके अपने डीएनए को अलग कर लिया डीएनए मिल गया अब डीएनए के प्रेसिपिटेट लेने के लिए चील्ड इथेनॉल डाल दोगे उसमें चील्ड इथेनॉल डाल के प्रेसिपिटेट आ गया डीएनए मिल गया रिस्ट्रिक्शन एंजन डाल के कट करा दोगे सिंपल वही है कट तो करा दिया अब उसको क्या करना है सेपरेट करना है अपना जीन तो एक जेल इलेक्ट्रोफ्रोसिस करा करके सेपरेट कर लोगे पीसीआर में डाल करके एम्पलीफाई करा लोगे अब तैयार हो गया हमारा जीन आगे तो पता ही है आपको इस जीन को वेक्टर के साथ मिक्स कर देंगे सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल करके रिकॉम्बिनेंट बन जाएगा रिकॉम्बिनेंट को होस्ट में एंटर कराना बता दिया ट्रांसफॉर्मेंट बन गया वही चीज यहां फिर से लिख दिया उन्होंने ठीक है सेम वही चीज ठीक है ट्रांसफॉर्मेंट बन गया अब ट्रांसफॉर्मेंट बन जाएगा आपका उस बैक्टीरिया आप क्या करोगे उससे अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट ऑप्टेन करोगे ना तो ऑप्टेनिंग ठीक है फॉरेन जीन प्रोडक्ट ठीक है फॉरेन जीन प्रोडक्ट को ऑप्टेन करने के लिए ठीक है आप क्या करने वाले हो दो तरीके हैं उनको बड़े बड़े ठीक है फर्मंटर्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया यूज कर रहे हो तो एक बड़ा फर्मंटर यूज करोगे ठीक है उस फर्मटर की कैपेसिटी हो सकती है ठीक है अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो मतलब हंड्रेड लीटर से लेकर के वन थाउजेंड लीटर तक के बड़े बड़े फर्मेंटर ठीक है भाई वो क्यों यूज करते हैं प्रोडक्ट कोई छोटा सा प्रोडक्ट तो बनाना नहीं है आपको इतनी मेहनत किया आपने तो बड़े लेवल पर प्रोडक्ट तो बनाओगे ठीक है तो बड़े लेवल पर प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको बड़े बड़े चैम्बर चाहिए चैम्बर का मतलब ऐसे फर्मेंटर जिसमें बैक्टीरिया को आप बहुत बेहतरीन कंडीशन प्रोवाइड कराओगे ठीक है जैसे आप गाय के लिए सारी ऑप्टिमम कंडीशंस देते हो बढ़िया न्यूट्रिशन देते हो बढ़िया जगह रखते हो उसको इन्फेक्शन से बचाते हो तो उसकी मिल्क की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों इंप्रूव होती है करना पड़ता है ऐसे ही आप अपना रिकॉम्बनेंट जो आपने बनाया है ट्रांसफॉर्मेंट बनाया है उससे अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा उसको ग्रोथ करने के लिए बेहतरीन कंडीशन प्रोवाइड करने पड़ेंगी तो उसके लिए बायो रिएक्टर या बायो फर्मेंटर चाहिए होते हैं क्या चाहिए होते हैं ठीक है बायोरिएक्टर लार्ज स्केल पर ठीक है लार्ज स्केल पर ग्रो कराने के लिए ठीक है बेसिक दे रखा है क्लोनिंग वेक्टर एंड ट्रांसफर इट इनटू बैक्टीरियल या प्लांट एनिमल सेल देन एलियन डीएनए गेट मल्टीप्लाई अल्टीमेटली एम टू क्या है प्रोड्यूस डिजायर्ड प्रोटीन फॉर ठीक है द फॉरिन जीन गेट एक्सप्रेस अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन वो एक्सप्रेस करेगा तब आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा तो लार्ज स्केल पर इसको बनाने के लिए ठीक है आप क्या करोगे बड़े बड़े फर्मेंटर यूज करने वाले हो लेबोरेटरी में तो पॉसिबिलिटी नहीं है तो आप क्या करने वाले हो आप इनको फर्मेंटर भी बोलते हैं या बायो बायोरेक्टर भी बोलते हैं फर्मेंटर बोल सकते हो या बायो बायोरेक्टर बोल सकते हो ठीक है फर्मेंटर या बायो बायोरेक्टर बोल सकते हो जिनकी कैपेसिटी हंड्रेड 100 से वन थाउजेंड लीटर हो सकती है बस एक ही चीज है यहां आपको वो सारी ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करने पड़ेंगी मीन्स पर्टिकुलर पीए जिस पर वो बैक्टीरिया या वो फंगस या वो प्लांट या एनिमल सेल ग्रोथ करते हैं ठीक है हीट कंट्रोल क्योंकि हीट बढ़ेगी तो ग्रोथ घट जाएगी ठीक है हीट कंट्रोलर लगाना चाहिए उसमें अगर वो एरोबिक है तो ऑक्सीजन प्रॉपर उसको मिलनी चाहिए ठीक है एरिएशन प्रॉपर होना चाहिए तो वो सारी फेवरेबल कंडीशंस आपको वहां प्रोवाइड करने पड़ेंगे प्रॉपर नरिशमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा तो उसकी प्रॉपर बेहतरीन ग्रोथ आएगी तो वही है बायो रिएक्टर ठीक है जहां आप डिजायर्ड प्रोडक्ट को पर्टिकुलर ऑप्टिमम टेम्परेचर पीएस सेवस्ट्रेट साल्ट विटामिन ऑक्सीजन एटसेट्रा सब प्रोवाइड कराते हो ऑप्टिमम कंडीशन पर ग्रोथ कराते हो उसको बायो रिएक्टर बोलते हैं ठीक है अगर हम डायग्रामेटिकली समझेंगे तो ये बायो रिएक्टर है या बायो फर्मेंटर है अंतर इतना है ये एनोरोबिक कंडीशन के अंदर मान सकते हैं उसको एरोबिक यहां पर एक्चुअल में इसको बोलते सिंपल ठीक है स्टार टैंक बायो रिएक्टर जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई इतनी नहीं ऑक्सीजन का कंसेप्ट नहीं है पर यहां पर ऐसा आपने माइक्रोब्स या अपना अपना ठीक है रिकॉम्बिनेंट या ट्रांसफॉर्मेंट ग्रोथ करानी इसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है तो यहां पर ठीक है स्पर्ग ठीक है कह सकते हो जो टैंक चाहिए होते हैं स्टायर टैंक जो कंटिन्यू शेक करते रहते हैं मूव करते रहते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि एरिएशन ज्यादा हो ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा हो ठीक है स्पर्स समझना स्पर्ड ठीक है स्ट्रायर टैंक बायोरेक्टर थ्रो विच स्ट्राइल एयर ठीक है बबल्स आर स्पर्ड यानी प्रॉपर तरीके से एयर बबलिंग इसके अंदर होती प्रॉपर एरिएशन इसके अंदर होता है तो इसके मूव करने से क्या होता है अगर मूव करेगा तो सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा जिससे ऑक्सीजन की एंट्री प्रॉपर होगी ठीक है इंटरनल भी क्या है भाई ऑक्सीजन बबलर हैं जो इन बबल्स को क्रिएट करते हैं इंटरनल जिससे एरिएशन प्रॉपर होता रहे वो इसमें लगे होते हैं ये खास बात है मूव करता है और रोटेशन होता है प्रॉपर बबलर होते हैं ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर होती है इसके अंदर जिससे कि जो भी इसमें ग्रोथ हो रही है जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है प्रॉपर ऑक्सीजन उसको मिल पाए मतलब बायोरेक्टर एक बड़े चैम्बर्स हैं समझो ठीक है 100 से लेकर के 1000 इनकी कैपेसिटी होती है इसमें हमें बैक्टीरिया या जो भी आपका रिकॉम्बिनेंट है ट्रांसफॉर्मेंट है उसकी ग्रोथ करानी है और लार्ज स्केल पर प्रोडक्ट चाहिए ठीक है लार्ज स्केल पर तो उसके लिए सारी ऑप्टिमम कंडीशन मेंटेन करने पड़ेंगे तो वो सारी ऑप्टिमम कंडीशन मेंटेन करने के लिए ये बड़े चैम्बर्स होते हैं जिसमें आपका डिजायर प्रोडक्ट आपको मिलता है तो इसके लिए मैं ग्राफ बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होते हैं सारे क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो जाएंगे ठीक है दो टाइप के कल्चर होते हैं एक बैच कल्चर एक कंटिन्यूस कल्चर ठीक है इसको क्लोज सिस्टम बोलते हैं इसको ओपन सिस्टम बोलते हैं समझाता हूं भाई अगर आप जैसे आपको कोई ऑर्डर मिला कि अरे इतना हमें एंटीबायोटिक चाहिए इतना हमें ये चीज़ चाहिए पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर तो आप क्लोज सिस्टम चूज करोगे ठीक है आपने एक बड़ा सा फर्मेंटर लिया क्लोज सिस्टम यूज़ किया ये ऐसे इस तरीके से ठीक है मशीन है सब सिस्टम लगे हुए इसके अंदर प्रॉपर हर चीज़ लगी है एरिएशन के फ्लैपर लगे हुए हैं इसके अंदर ठीक है इसमें प्रोडक्ट को आइसोलेट करने वाला मैकेनिज्म लगा हुआ है पीएच वगैरह मेंटेन करने वाले सिस्टम लगा हुआ है सब कुछ लगा हुआ है ठीक है एक क्लोज सिस्टम है बंद सिस्टम है सब चीज़ें भर दी न्यूट्रिशन आपने भर दिया एनाकुलम अपना जो भी प्रोडक्ट जो भी आपका ठीक है बैक्टीरिया है उसको डाल दिया और पर्टिकुलर टाइम के लिए इसको सेट कर दिया फिर क्या होगा फिर न्यूट्रिशन फिक्स है सबसे पहले कौन सी फेज आने वाली है इसके अंदर लैक फेज आने वाली है धीरे धीरे ग्रोथ होगी फिर लॉक फेज आएगी सारा न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा फिर स्टेशनरी फेज आएगी और अगर आपने फिर भी बंद नहीं किया तो डेड फेज आनी चालू हो जाएगी इससे आपको नुकसान होगा तो आप जैसे ही स्टेशनरी फेज आना स्टार्ट होती है आप इस सिस्टम को स्टॉप कर देते हो ठीक है अपने प्रोडक्ट को आइसोलेट करते हो ठीक है काम खत्म स्टेशनरी फेज आने से पहले ही काम कर दोगे ठीक है इसको बोलते हैं बैच फर्मेंटर बैच का मतलब एक साथ क्लोज सिस्टम में नरिशमेंट इनाक्यूलम यानी जो बैक्टीरिया आपका है डाल करके इसको ऑन कर दो ग्राफ आता रहेगा लैग फेज धीमे धीमे आएगी फिर जैसी लॉक फेज आएगी इसका टर्मल वाला पार्ट आएगा ठीक है या स्टेशनरी फेज मेंटेन होता है आप उसको बंद कर दोगे डेट फेज आने से पहले जिससे कि आपका नुकसान ना हो जबकि अगर मानो आपके पास एक खुद की कंपनी है जिसमें आपको हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है इन प्रोडक्ट को बनाने के लिए रूटीन प्रोडक्ट तो आप ये यूज नहीं करोगे आप कंटिन्यूस कल्चर यूज करोगे कंटिन्यूस कल्चर की खास बात क्या है देखो कंटिन्यूस कल्चर में क्या होता है टिन्यूस कल्चर में अगर बात करते हैं तो उसमें एक इस तरीके से चैम्बर होगा जिसमें दो चीजें होंगी समझना मेरी बात नरिशमेंट की सप्लाई के लिए ऑलवेज नरिशमेंट की सप्लाई के लिए यहां पर ये लगा रहता है ये ये सिस्टम लगा हुआ है ठीक है न्यूट्रिशन हर समय इसको मिलता रहेगा इसके अंदर न्यूट्रिशन सप्लाई हर समय होती रहेगी प्रोडक्ट के आइसोलेशन के लिए ये ठीक है यानी ये न्यूट्रिशन है Isolation ऑफ प्रोडक्ट ठीक है सब कुछ वैसा ही है ठीक है ये बस मूव कर रहा है आपने सब कुछ मेंटेन कर रखा है इसकी पीएच सब कुछ सब कुछ वैसा ही है बस आप क्या कर रहे हो यहां से नरिशमेंट की सप्लाई हर समय आप कंटिन्यू कर रहे हो प्रोडक्ट को आइसोलेट कर रहे हो ठीक है यानी आपको निर्देशमेंट अगर हर समय मिलता रहे तो कभी स्टेशनरी फेज आएगी ही नहीं यानी ये कर्व कैसा बनेगा जे शेप कर्व क्वेश्चन आता है किस के अंदर कंटिन्यूअस कल्चर इसको फीड बैच कल्चर भी बोल सकते हो फीड बैच कंटिन्यू उसको फीड प्रोवाइड करा रहे हो फीड बैच कल्चर भी बोल सकते हो फीड बैच कल्चर जिसमें आप कंटिन्यू प्रोवाइड करो कंटिन्यू नरिशमेंट मिलता रहेगा तो ये हमेशा ठीक है लॉक फेज में ही मेंटेन रहेगा जबकि ये कैसा हो जाएगा एस शेप जितने भी ध्यान क्वेश्चन यही बनते हैं सारे के सारे जितने भी बेटा बैच फर्मेंटर होते हैं ठीक है जो एक क्लोज सिस्टम में काम करते हैं नरिशमेंट एक बार भर दिया जाता है वो एस शेप कर फॉलो करेगा अगर कंटिन्यूस कल्चर की बात करते हैं फीड बैच कल्चर की बात करते हैं नरिशमेंट कंटिन्यू प्रोवाइड करा रहे हो डिजायर प्रोडक्ट कंटिन्यू आइसोलेट कर रहे हो ये मैकेनिज्म कंटिन्यू चलती रहती है ऑलवेज कर मेंटेन इन जे शेप क्वेश्चन सारे ही मिल जाएंगे आपको ठीक है डायग्राम से क्वेश्चन मिलते हैं वो समझाई दिया मैंने ठीक है कर्व से क्वेश्चन मिलते हैं कौन किसको फॉलो करता है ठीक है यानी अब आपका डिजायर प्रोडक्ट आपको मिल गया ठीक है आइसोलेट कर लिया अब उसमें से समझना अब हम करेंगे लास्ट में डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग यानी अपने प्रोडक्ट को ठीक है वहां से सेपरेट करना सेपरेशन ठीक है और प्यूरिफिकेशन सेपरेशन प्यूरिफिकेशन बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जैसे क्रो, क्रोमेटोग्राफी होती है सेपरेशन करने के लिए फिर तो उसको प्यूरीफाई करते हैं एचपीएलसी से उसका स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं बहुत सारी टेक्निक्स हैं ठीक है तो ये पूरी एक पूरी टेक्निक सिस्टम ही अलग है पूरा का पूरा डाउन प्रोसेसिंग तो डाउन प्रोसेसिंग की जब भी हम बात करेंगे तो डाउन प्रोसेसिंग में क्या चीज इंक्लूड होगी डाउन प्रोसेसिंग के अंदर आता है बेटा दो चीजें बस क्वेश्चन डायरेक्टली ही मिल जाएगा इन दिस प्रोसेस ये एक ही क्वेश्चन बनता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेस में क्या इंक्लूड होता है इंक्लूड सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यानी जो भी आपका डिजायर प्रोडक्ट है उसको सेपरेट करना और प्यूरिफाई करना दिस आर डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग चैप्टर फिनिश ठीक है तो समझ में आया होगा सबसे पहले हमने टूल्स की स्टडी की फिर हमने पूरी उसकी एप्लीकेशन पढ़ी कि किस तरीके से उसको अप्लाई करते हैं जिसमें सबसे कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट था वेक्टर वाला ठीक है उसमें जो कॉम्प्लेक्स चीज थी उसको समझना था टेक्निक के अंदर आपको दो टेक्निक मैंने समझाई है एक जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस और एक ठीक है पीसीआर थर्मोसाइक्लर एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन ठीक है ऑली चेन रिएक्शन ये दो टेक्निक क्लियर हो गए आपको रिकॉम्बनेट नॉन रिकॉम्बोनेंट ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को सेपरेट करने का तरीका मैंने बता दिया वहां से क्वेश्चन बनता है ठीक है बात बाकी तो सिंपल है भाई आपका डिजाइर जीन को आइसोलेट करना है वेक्टर पर जोड़ना है काटने के लिए एक एंजाइम कट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जोड़ने के लिए लाए गए वैक्टर रिकॉम्बनेंट तैयार हो गया उसको ट्रांसफॉर्मेशन करा दो एंटर करने की मैकेनिज्म को ट्रांसफॉर्मेशन अगर एंटर कर गया तो होस्ट ट्रांसफॉर्मेंट हो गया नहीं किया तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हो गया सिंपल ठीक है जब आपका बन जाता है रिकॉम्ब ट्रांसफॉर्मेंट उसको बड़े बड़े फर्मेंटर में डाल करके बड़े लेवल पर ग्रोथ कराते हैं और जो भी आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट है लाइक इंसुलिन चाहिए तो इंसुलिन आपको लार्ज अमाउंट में मिल जाएगा उसको फिर आई सेपरेट करना प्यूरिफाई करना ये डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में इंक्लूड हो गया फिनिश सच में कुछ नहीं था पर बहुत कुछ था समझने के लिए ठीक है पांचों क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं जो लास्ट ईयर पांचों क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर के

टू फ्रेगमेंट भाई पॉलिमरिजी करता है break नहीं करता है, nucleus, separate that two of DNA, भाई तो काटने का काम करता है स्पेसिफिक पोजिशन वो एंडो न्यूक्लियस होते हैं एक्जो न्यूक्लियस नहीं होते समझ गए कब आया हुआ है ट्वेंटी 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 का पेपर है ठीक है अगेन आ जाओ अगेन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन है ट्वेंटी ट्वेंटी के ठीक है डायरेक्टली पेपर से लिए मैंने ठीक है पेपर कोड है ई e, उसके लिए इन जेल इलेक्ट्रोफोर आपके लिए और अल्ट्रा करोगे हर क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आप हर क्वेश्चन कोई बचेगा ही नहीं है और अल्ट्रावायलेट रेस डालोगे सॉल्व हो गया खादम ठीक है ट्वेंटी ट्वेंटी का नेक्स्ट मैंने बताया था ना कि पे क्वेश्चन आया हुआ है इको आर वन पर आया हुआ है लास्ट ईयर ये ट्वेंटी

नेक्स्ट आ जाओ आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ ठीक है स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू रिस्ट्रिक्शन एन जैम इच रिस्ट्रिक्शन एन जैम फंक्शन डीएनए सीक्वेंस करता है दे कट द स्टैंड ऑफ डीएनए एट डीएनएमिक सीक्वेंस करता है दे आर यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग यस स्टिकी एंड कैन बी ज्वाइन यूजिंग डीएनए लाइगेज सही है बहुत सारे बच्चे गलत करके आए थे सही है और किसके रिगार्डिंग में पूछ रहा है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के रिगार्डिंग में पर बात किसकी कर रहा है ये लाइगेज के बारे में तो ये उसके रिगार्डिंग में गलत है समझ गया ना मेरी बात ये भी 2020 का है सब 2020 का चल रहा है 20 20 अभी 2020 के चल रहे हैं सारे लास्ट ईयर के क्वेश्चन है सारे ये भी 2020 का हो गया ये भी 2020 का है 20 20 द ऑर्गेनिज्म कुछ तो नेक्स्ट चैप्टर के भी है कॉम्बिनेशन कर दिया उन्होंने जैसे मैं बता देता हूं थर्मस एक्वेटिकस ये मैंने अभी पढ़ा कर चुका हूं ठीक है, है, है क्या है थर्मस एक्वेटिकस डीएनए पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज एग्रोबैक्टेरियम अभी बताया मैंने ठीक है एग्रोबैक्टेरियम की बात करते हैं क्या है क्लोनिंग वेक्टर कहां पर यूज करते हैं प्लांट के अंदर साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम अभी बताया था मैंने साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम ठीक है कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट डीएनए मॉलिक्यूल ये तीन तो मैंने अभी पढ़ा दिए बेसिलस थ्रीन जेनेसिस ये मैं नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाने वाला हूं पर आप कर सकते हो ठीक है क्राई प्रोटीन होती है इसके अंदर ठीक है समझाऊंगा नेक्स्ट में तो ये तरीके हैं अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा है तो मुझे लगता नहीं है कुछ क्वेश्चन बचेगा नीट आप टू थाउजेंड नाइन के भी क्वेश्चन तो डाल दिए मैंने फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस आइडेंटीफाई द इनकर पूछा क्या इनकर इनकरेट ढूंढ लो सभी करेक्ट है इनकरेट है द एंजाइम कट डी एन ए मोलिक्यूल एट विद इन द डीएनए करेक्ट है आइडेंटिफाइड पोजिशन पर कट करता है विद इन द डीएनएसएनए स्पेसिफिक साइड एंड कट ओनली वन ऑफ द टू स्टैंड गलत कर दिया भाई बन स्टैंड पर नहीं कट करता दोनों पर कट करता है ठीक है तो ये गलत हो गया द एनजाइम कट द सुगर फॉस्पेट बैक बॉन एट अस्पेसिफिक साइड बिल्कुल सुगर फॉस्पेट बैक बॉन मतलब फॉस्फो एस्टर बॉन को कट करता है एंजेम रिकॉगनाइज अफिकॉमिक्स न्यूक् टाइप सिक्वेंस इन डीएनएसल्यूटली राइट समझ में आ गया होगा द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप इन पॉलिमरेशन रिएक्शन देखो एटीन में आया ऑर्डर ही पूछ लिया उन्होंने सबसे पहले क्या होता है भाई दोनों का अलग होना ठीक है डीनेचुरेशन फिर क्या होगा एनिलिंग फिर क्या होगा उसके बाद एक्सटेंशन देखो डीनेचुरेशन एनिलिंग एक्सटेंशन दे रखा है so, क्या होगा सबसे पहले डीनेचुरेशन सेगमेंट अलग होंगे एनीलिंग प्राइमर की बैंडिंग होगी एक्सटेंशन पॉलीमरेज की आगे बढ़ जाना द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन अभी बताया प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बस यही क्वेश्चन बनता है ठीक है नीट में आया हुआ क्वेश्चन है मतलब अगर आपने आज के लेक्चर को ध्यान से सुनाया तो मुझे लगता नहीं है मतलब मैं तो उस तरीके से पढ़ाया है रिवीजन करके नहीं पढ़ाया मैंने ऐसे पढ़ाया बिल्कुल एकदम बुद्धू सा बच्चा भी बैठा है उसको पूरी बायोटेक्नोलॉजी एक ही लेक्चर में समझ में आ जाए वो बार बार परेशान ना हो जो समझदार बच्चा बैठा है वो बस एक बार देख लेगा सारे क्वेश्चन करके आएगा छोड़ेगा नहीं ठीक है ऐसा नहीं है कि बस तेजी से खींच दूं पर मतलब ही बिगड़ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज एज वैक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ डीएनए फ्रेगमेंट इन टू ह्यूमन और ह्यूमन में आप यूज करोगे तो किस वैक्टर को यूज करोगे एक ही है रेट्रोवायरस ह्यूमन का कैस आएगा रेट्रोवायरस प्लांट का कैस आएगा टीआई आई ठीक है बैक्टेरिया केस आएगा तो भाई फास भी ठीक है टीआई प्लाजमेट प्लांट केस में पीवीआर थ्री सब सबके किस में यूज करने वाले हो इनको इसको बैक्टेरिया इसको बैक्टीरिया टीआई प्लाजमेट प्लांट के केस में और एनिमल केस में रेट्रो क्लियर है बिल्कुल चलो देखो पीवीआर थ्री ट्वेंटी टू मस्त क्वेश्चन बनता है फिगर ठीक है बिलो इन द डायग्रामेटिकली ठीक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वल वेक्टर पीवीआर थ्री ट्वेंटी टू विच वन ऑफ द गिविंग ऑप्शन करेक्टली आइडेंटिफाई इट्स सर्टेन कंपोनेंट ठीक है आइडेंटिफाई करो ठीक है थर्ड इक्वार सेलेक्टिवल मार्कर करेक्टली आइडेंटिफाई हिंद थर्ड सेलेक्टिबल मार्कर नहीं है भाई सेलेक्टिवल मार्कर कौन से होते हैं ड्रग रेजिस्टेंट जीन ये हैलेक्टेबल मार्कर रॉन्ग ये तो रिस्ट्रिक्शन साइट है एम्पलिन जीन बिल्कुल जीन यही करेक्ट है ठीक है ओ आर आई ऑरिजन रिस्ट्रिक्शन एंड गलत या कट नहीं करता आरोपी रोप जो प्रोटीन होती है प्रेड्यूस रिड्यूस ऑसोमेटिक प्रेशर ना ये वो प्रोटीन बनाती है जो रेप्लीकेशन में हेल्प करते हैं तो करेक्ट पूछा करेक्ट कौन सा हो गया इसके अंदर सेकंड वाला समझ में आ गया होगा 322 में बी आर थ्री ट्वेंटी मतलब में बी और आर क्या थे Requeue, मतलब, भी था मैंने डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इन बायोटेक्नोलॉजी रेफर टू किसको रेफर करती है ठीक है द प्रोसेस विच इंक्लूड सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर कंप्लीशन पहले ही आ गया

तो व्यूज़ ज़रूर देना उससे ये आइडिया लगेगा कि हाँ वाकई में हम लोग वाकई में जो मेहनत कर रहे हैं वो मतलब आपके मतलब किस लेवल की है ठीक है आपके समझ में आ रही है नहीं आ रही है क्या है तो बस लास्ट टाइम पर यही एक रिक्वेस्ट रहती है कि कितने भी हम मेहनत कर लें कि क्वालिटी आपको दे पाएँ बस यही एक एक अंदर से दिल से इच्छा होती है कि आपको सुपर क्वालिटी प्रोवाइड करा पाएँ ठीक है अलग सर ने मौका दिया है ठीक है क्वालिटी देने का तो नो डाउट सुपर क्वालिटी हर उस बच्चे को ठीक है जो बाकी में किसी भी कारण से नहीं पढ़ सकता जो भी चीजें हैं ठीक है उनको बेहतरीन क्वालिटी मिले ऐसा नहीं है कि समझ रहे हो फ्री में तो उड़ा दिया ठीक है ना क्वालिटी बेहतरीन मिलेगी क्वालिटी में चाहे फ्री में हो या पेड हो क्वालिटी से तो हम कंप्रोमाइज करेंगे ही नहीं ठीक है क्योंकि तो बच्चे के संग गलत नहीं कर सकते चाहे कुछ भी हो जाए ठीक है थैंक यू बेटा ऑल द बेस्ट और मैंने बोला कि नीट अब आ चुका है सर पर है ठीक है स्प्रिंट के अंदर मैंने लेक्चर डाली दिए हैं एनिमल किंगडम के वो आप देख लेना सर पर है मोटिवेटेड रहना अपने एनर्जी को कम मत होने देना ये लास्ट टाइम है जब आपको लगे रहना है ठीक है और बहुत टिपिकल टारगेट नहीं है सिंपल टारगेट है सच कह रहा हूं बहुत सिंपल टारगेट है बस पेपर इजी आएगा इसीलिए मैं कह रहा हूं कि रैंक हाई रहेगी एक क्वेश्चन की वैल्यू है जरा भी गलती नहीं हो लास्ट टाइम पर सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और क्वेश्चन के बेस पर आपका रिविजन होगा जितने भी चैप्टर हम करा चुके हैं तो बायोटेक्नोलॉजी लास्ट चैप्टर है हमारा ठीक है एक सिंगल लेक्चर बचा हुआ है जो एक या दो दिन के अंदर दो दिन बाद हम इसको कंप्लीट करा देंगे सिलेबस एकदम मतलब बेहतरीन तरीके से कोशिश की है हमने आपके ब्रेन में सेट करने की आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में पेड भी करते तो शायद वो क्वालिटी नहीं मिलती जो क्वालिटी हमने आपको यहां देने की कोशिश की है मतलब यही कोशिश की है कि कोई भी बच्चा निराश ना हो ठीक है हर बच्चे को क्वालिटी ऑफ मिले ठीक है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले जो पढ़ना चाहता है बस यही एक ड्रॉबैक होता है कि यूट्यूब पर पढ़ने वाले ठीक है बहुत कम होते हैं वही एक ड्रॉबैक है जो कि कहीं ना कहीं एक नेगेटिव फैक्ट क्रिएट करता है अच्छे टीचर्स के लिए भी यूट्यूब पर आने के लिए चलो खैर कोई नहीं ठीक है तो बस चाहते हो कि अच्छे टीचर्स यूट्यूब पर भी मेंटेन रहें अपने अच्छे अच्छे लेक्सर्स देते रहें तो बस अपने व्यूज़ कमेंट ठीक है और वाकई में इस चैप्टर को इंजॉय किया आपने या नहीं किया मुझे चाहिए ठीक है बिल्कुल आपके व्यूज़ चाहिए थैंक यू बेटा ऑल द बेस्ट फॉर नीट ट्वेंटी थैंक यू बेटा